हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? उम्मीद है अच्छे होंगे। माई सेल्फ ललित सोनी, टीम बोटनी CLC सीकर। आज के इस वीडियो में हम बेटा सॉल्यूशन करेंगे BioDTS नंबर 8 की, जिसमें बोटनी का अपना जो टॉपिक है वो है एप्लीकेशन ऑफ बोटनी। एप्लीकेशन ऑफ बोटनी के हमने इस टेस्ट के अंदर टोटल 60 क्वेश्चन लिए हैं, और आपने देखा भी होगा बच्चों, अपना हर क्वेश्चन जो है वो NCERT बेस्ड है, एग्जाम ओरिएंटेड है। ठीक है, तो आज के इस वीडियो में हम बच्चों वन बाय वन लाइन से हर क्वेश्चन के बारे में डिस्कशन करेंगे, उसके हर ऑप्शन के बारे में डिस्कशन करेंगे, प्लस अपन उस ऑप्शन के आसपास का जो मैटर है बच्चों उसको भी कवर करना चाहेंगे, ताकि एग्जाम का जो क्वेश्चन है वो आपका इस वीडियो से बाहर नहीं जाए। चलिए आगे देखते हैं बच्चों अपने बोटनी का फर्स्ट क्वेश्चन, जो कि 121 नंबर से शुरू होता है इस पेपर में। परबनी क्रांति इज ए न्यू वैरायटी ऑफ एबेलमोस्कस एस्कुलेंटस। एबेलमोस्कस एस्कुलेंटस जो है, जैसे कि आपको पता है ओकरा है, भिंडी है, इसकी एक नई वैरायटी है परबनी क्रांति, विच हैज रेजिस्टेंस फॉर। परबनी क्रांति जो कि एबेलमोस्कस एस्कुलेंटस की एक किस्म है, जिसमें किसके लिए प्रतिरोध है? येलो मोजेक वायरस, पिथ मोजेक वायरस। देखते हैं बच्चों, ओकरा भिंडी यहां पर जो है, अगर आप कंडीशन देखें तो एबल मोस्कस एस्कुलेंटस, ये अपने पास में लेडी फिंगर भिंडी है। इसके अंदर बच्चों क्या होता है, एक डिजीज होती है, एबल मोस्कस एस्कुलेंटस में एक डिजीज होती है, एंड ये जो डिजीज है दैट इज कॉल्ड येलो मोजेक। ये जो बच्चों अपने पास में डिजीज है एबेलमोस्कस एस्कुलेंटस की, उस डिजीज का नाम क्या है? उस डिजीज का नाम है, अपन कह सकते हैं, येलो मोजेक। इस येलो मोजेक डिजीज में क्या होगा? येलो मोजेक डिजीज में ये होगा कि जो बच्चों लीफ की साइज होती है, ये लीफ की साइज आप कह सकते हो लेस होती है, लीफ की साइज इंक्रीज नहीं हो पाती, स्मॉल लीव्स होती है, छोटी छोटी बच्चों पत्तियां होती है, एंड इन लीव्स के ऊपर अगर आप कंडीशन देखें तो लीफ पर येलो कलर के बच्चों स्पॉट्स बन जाते हैं, कुछ स्पॉट्स ग्रीन कलर के भी होते हैं, लेकिन बच्चों यहां पर मेनली जो लीव्स है उन पर येलो कलर के स्पॉट बन जाते हैं, दैट इज कॉल्ड येलो मोजेक डिजीज। और ये एक वायरस से होती है, उस वायरस को हम लोग कहते हैं येलो मोजेक वायरस। सो वी कैन से, अपन कह सकते हैं येलो मोजेक वायरस, ये बच्चों यहां पर एक पैथोजन है, ये डिजीज कोज करता है येलो मोजेक, और ये येलो मोजेक डिजीज किसमें होती है? एबेलमोस्कस एस्कुलेंटस में होती है। तो बच्चों हम लोगों ने क्या किया, हम लोगों ने एबेलमोस्कस एस्कुलेंटस के अंदर एक वैरायटी प्रोड्यूस की, एक वैरायटी बनाई, समझ रहे, ये वैरायटी एबेलमोस्कस एस्कुलेंटस की हमने ऐसी वैरायटी बनाई जिसमें इस डिजीज के लिए बच्चों क्या हो, रेजिस्टेंस हो, और वो जो यहां पे वैरायटी है दैट इज कॉल्ड परबनी क्रांति, वो यहां पे परबनी क्रांति है। तो मेरे कहने का मतलब यहां पर यह है कि एबेलमोस्कस एस्कुलेंटस जो कि लेडी फिंगर है, ओकरा है, भिंडी है, इसके अंदर येलो मोजेक एक डिजीज हो जाता है। इस डिजीज के अंदर जो लीफ है उसकी साइज स्मॉल हो जाती है, उसकी साइज इंक्रीज नहीं हो पाती, बढ़ नहीं पाती, और लीफ की साइज अगर बढ़ नहीं पाए तो आप कह सकते हैं ऑटोमेटिकली प्रोडक्शन क्या हो गया, कम हो गया, लेस हो गया। दूसरी बात, ये जो यहां पर लीफ है इसकी साइज इंक्रीज नहीं हो पाती है, बढ़ नहीं पाती है, और इस लीफ के अंदर येलो कलर के स्पॉट बन जाते हैं, येलो कलर के स्पॉट बन जाते हैं। ठीक है, ये जो बच्चों यहां पे डिजीज है दैट इज कॉल्ड येलो मोजेक डिजीज, जो कि लेडी फिंगर में होती है। हम लोगों ने क्या किया, लेडी फिंगर एबेलमोस्कस एस्कुलेंटस जो है, भिंडी जो है, इसकी एक ऐसी वैरायटी बनाई जिस वैरायटी के अंदर ये येलो मोजेक डिजीज जो है उसके लिए बच्चों क्या है, रेजिस्टेंस है। तो अपन यहां पे कह सकते हैं कि परबनी क्रांति इज ए न्यू वैरायटी ऑफ एबेलमोस्कस एस्कुलेंटस, ये एबेलमोस्कस एस्कुलेंटस की एक नई वैरायटी है,
और इस नई वैरायटी के अंदर जो रेजिस्टेंस है वो किस डिजीज के लिए है, वो है येलो मोज़ेक वायरस के लिए, येलो मोज़ेक डिजीज के लिए, येलो मोज़ेक वायरस के लिए। तो बच्चों बिल्कुल यहाँ पे करेक्ट जो ऑप्शन है वो अपने पास में फर्स्ट है, लेकिन फिर भी हम बच्चों यहाँ पे तीन ऑप्शन और है उनके बारे में भी डिस्कस करेंगे। देखिए जरा, रेड रोट डिजीज, बच्चों रेड रोट डिजीज जो होती है बेसिकली वो आप यहां पे कह सकते हैं ये बच्चों किससे होती है, ये बच्चों फंजाई से होती है, कोली को ट्राइकम जो फंजाई है उस फंजाई से होता है रेड रोट डिजीज। इसके अंदर क्या होगा, ये सुगर केन में होता है, गन्ने में होता है। कई बार देखा होगा आपने कि गन्ना जो होता है सुगर केन जो होता है उस सुगर केन के अंदर रेड रेड कलर के बच्चों वहां पे आप कह सकते हैं स्पॉट्स बन जाते हैं, वहां पर रेड कलर की लाइंस बन जाती है, ठीक है। वो जो वहां पे सुगर केन है उस सुगर केन के अंदर इस तरीके से ये नोड्स हैं बच्चों, यहां पे इस तरीके से रेड रेड स्ट्रक्चर बन जाती है, ऑलमोस्ट ये स्ट्रक्चर रेड कलर की होती है, कुछ यहां पे व्हाइट व्हाइट भी होती है। तो इस तरीके से दैट इज कॉल्ड रेड रोट डिजीज, ये फंजाई से होती है जिसका नाम बच्चों क्या है, कोलिको ट्राइकम। तो हम कह सकते हैं रेड रोट डिजीज पहली बात तो एबल मोस्कस एस्कुलेंटस में नहीं होती, ठीक है। आपको क्वेश्चन पूछा है एबल मोस्कस एस्कुलेंटस के अबाउट, एबल मोस्कस एस्कुलेंटस के बारे में, लेकिन जो रेड रोट डिजीज है ये बच्चों किसमें होती है, ये सुगर केन में होती है। दूसरी बात, होती किससे है, ध्यान रखना कोलिको ट्राइकम से होती है, कोलिको ट्राइकम फेल्टकम से होती है। फिर ये भी नहीं हो सकता लेट ब्लाइट डिजीज, बच्चों ये भी एबल मोस्कस एस्कुलेंटस में नहीं होती, ये पोटेटो के अंदर होती है जिसमें फाइटोप्थेरा इन्फेस्टेंस जो फंजाई है उसके इन्फेक्शन से पोटेटो में डिजीज होती है, इसको बोलते हैं अपन लेट ब्लाइट डिजीज। बच्चों इस डिजीज के अंदर जो पोटेटो है उसके अंदर आपने देखा होगा ब्लैक ब्लैक कलर की स्पॉटिंग हो जाती है, सड़ जाता है वो। स्टेम बोरर, बच्चों स्टेम बोरर्स का मतलब ये है, जैसे कई बार क्या होता है कि कुछ ऐसे कंडीशंस क्रिएट होती है जिससे इंसेक्ट्स वगैरह क्या करते हैं, वो जो अपने पास में स्टेम हुआ करता है, तना होता है, उस बच्चों स्टेम के अंदर पोर बना देते हैं, स्टेम में छेद बना देते हैं, दीज आर स्टेम बोरर्स। तो अपना यहाँ पर जो क्वेश्चन है वो है एबल मोस्कस एस्कुलेंटस के बारे में। तो बच्चों हमने क्या कहा, एबल मोस्कस एस्कुलेंटस के अंदर हमने जो वैरायटी बनाई है वो वैरायटी कौन सी है, वो यहाँ पे है परवर्णी क्रांति। और ये वैरायटी बच्चों किस डिजीज के लिए रेजिस्टेंस शो करती है, येलो मोज़ेक वायरस के लिए इसके अंदर बच्चों क्या है, रेजिस्टेंस है। तो मेरे ख्याल से फर्स्ट क्वेश्चन में अपने वो डाउट आना नहीं चाहिए, इसका जो करेक्ट आंसर है वो बच्चों कौन सा हो गया, फर्स्ट हो गया, बिल्कुल बच्चों एनसीईआरटी की लाइन है। चलिए आगे चलते हैं, इसके बाद नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन, बेकुलो वायरसेस आर रिलेटेड विद, जो बेकुलो वायरस है ये बेकुलो वायरस किससे संबंधित है। तो बच्चों बेकुलो वायरस यहां पर जो है आप कह सकते हैं इसमें है न्यूक्लियो पोलीहेड्रो वायरस, बिल्कुल बच्चों बेसिकली ये जो यहां पर न्यूक्लियो पोलीहेड्रो है ये एक जीनस है, ये यहां पर एक वंश है, एक जीनस है, और इस जीनस के अंदर क्या आता है, बेकुलो वायरस आता है। तो बिल्कुल अपन कह सकते हैं बेकुलो वायरस जो है ये बेकुलो वायरस न्यूक्लियो पोलीहेड्रो वायरस से रिलेटेड है, इस जीनस से रिलेटेड है, और जो न्यूक्लियो पोलीहेड्रो जीनस में आता है दैट इज कॉल्ड न्यूक्लियो पोलीहेड्रो वायरस। तुम क्या कहेंगे इसके अंदर कि बेकुलो वायरस जो है वो न्यूक्लियो पोलीहेड्रो जीनस के अंदर आता है, तो ये क्या हो गया, न्यूक्लियो पोलीहेड्रो वायरस हो गया। बच्चों बिल्कुल एनसीईआरटी की लाइन में ही नैरो स्पेक्ट्रम इंसेक्टाइडल एप्लीकेशन, बिल्कुल एनसीईआरटी में एक लाइन लिखी हुई है कि बेकुलो वायरस जो होता है ये बेकुलो वायरस जो नॉन टारगेट माइक्रोब्स है उन पर अटैक नहीं करता, इनका बच्चों नैरो स्पेक्ट्रम है, इसका संकरा स्पेक्ट्रम है। इस बात का मतलब मेरा यह है कि बेकुलो वायरस जो होता है ये बच्चों सारे इंसेक्ट्स पर अटैक नहीं करता है, बहुत ही कम ऐसे इंसेक्ट्स होते हैं, स्पेशल इंसेक्ट्स होते हैं जो प्लांट में डिजीज कोज करते हैं, बस बच्चों ये उन्हीं पर अटैक करता है। मतलब ऐसे नहीं होता कि बेकुलो वायरस जो है ये बेकुलो वायरस सोइल के अंदर जो माइक्रोब्स होते हैं, कुछ माइक्रोब्स बेनिफिशियल भी होते हैं, कुछ माइक्रोब्स आप कहते हैं हार्मफुल भी होते हैं, तो वो जो वहां पर बेनिफिशियल माइक्रोब्स हैं उन पर अटैक नहीं करते,
स्पेशल माइक्रोब्स जो हार्मफुल है, जो इनका टारगेट है, ये सिर्फ अपने टारगेट पर ही अटैक करते हैं, न कि किसी अदर नॉन टारगेट पर अटैक करते हैं। तो अपन कह सकते हैं कि साहब इसका जो स्पेक्ट्रम है वो काफी नैरो है। काफी नैरो स्पेक्ट्रम का मतलब ये होता है कि ये स्पेसिफिक है, ये स्पेसिफिक है, इसका नैरो स्पेक्ट्रम है, न कि इसका ब्रॉड स्पेक्ट्रम है कि हर किसी पर अटैक कर दे, ऐसा नहीं है। इनका बच्चों स्पेक्ट्रम कैसा है? नैरो है। ओके, नेक्स्ट, नो नेगेटिव इंपैक्ट ऑन बर्ड्स एंड नॉन टारगेट इंसेक्ट्स, पक्षियों तथा लक्ष्य विहीन कीटों पर कोई नकारात्मक प्रभाव नहीं है। बिल्कुल सही है बच्चों, अगर इसका स्पेक्ट्रम जो है वो नैरो है, अगर ये विशिष्ट होते हैं, अगर ये स्पेसिफिक होते हैं, तो अपन कह सकते हैं कि ये जो है वो अदर, ये जो है वो अदर बर्ड्स और नॉन टारगेट इंसेक्ट्स जो है बच्चों उन पे अटैक नहीं करते, ये उन पे अटैक नहीं करते। तो हम कह सकते हैं यहाँ पे स्टेटमेंट जो है वो सारी यहाँ पे एनसीईआरटी की स्टेटमेंट है। यहाँ पे बच्चों आंसर कौन सा हो गया? फोर्थ ऑप्शन, मोर देन वन ऑप्शन आर करेक्ट, एक से अधिक विकल्प सही है, या मैं यू कहूं ऑल ऑफ दिस, सारी बच्चों यहाँ पे स्टेटमेंट क्या है इससे रिलेटेड है, समझ गए? तो यहाँ पे आंसर कौन सा हो गया? फोर्थ हो गया। ठीक है बच्चों, आगे चलते हैं। फिर यहां पे है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग, इन विच ऑफ द फॉलोइंग जर्म प्लाज्म इज कलेक्टेड, निम्न में से किस एक में जनन द्रव्य का संग्रहण किया जाता है? तो बच्चों जर्म प्लाज्म इज कलेक्टेड, जर्म प्लाज्म जो है उसका कलेक्शन कौन से स्टेप में करते हैं? आइए हम करते हैं इसके बारे में डिस्कशन। देखिए सबसे पहले बात करता हूं जर्म प्लाज्म के बारे में। जर्म प्लाज्म, एक तो बच्चों जर्म प्लाज्म होता है, और एक यहां पर ऐसी ऐसी कंडीशंस और भी होती है, जीन पूल, जीन पूल, दो चीजें हैं, एक तो अपने पास में है जर्म प्लाज्म, और एक बच्चों अपने पास में क्या है? जीन पूल। जैसे मान लो कोई भी प्लांट है, उस प्लांट में जो जीन्स पाए जाते हैं, उस प्लांट्स के अंदर जो जीन्स प्रेजेंट होते हैं, उनमें जितने भी जो जीन्स हैं उनका जो कलेक्शन है कि साहब इस प्लांट में लेंथ के लिए ये जीन है, जो सीड है उसकी साइज के लिए ये जीन है, फ्लावर का जो कलर है उसके लिए ये जीन है, तो किसी प्लांट के अंदर जितने भी जो जीन्स पाए जाते हैं, और आपको पता है बच्चों हर जीन के टू एलील होते हैं गैमेट्स को छोड़कर, जनरली हम क्या कह सकते हैं, जनरली एक जीन के दो एलील होते हैं, वन जीन के टू एलील्स होते हैं, तो किसी प्लांट के अंदर, किसी प्लांट के अंदर जितने भी जो जीन्स हैं, लेंथ के लिए जीन है, उसकी थिकनेस के लिए जीन है, लीफ के कलर के लिए जीन है, फ्लावर के कलर के लिए जीन है, किसी प्लांट में जितने भी जो जीन्स हैं, जितने भी जो एलील्स हैं, उनका जो कलेक्शन होता है, दैट इज कॉल्ड जर्म प्लाज्म, वो बच्चों यहां पे जर्म प्लाज्म कहलाता है। तो जर्म प्लाज्म का मतलब क्या है? जर्म प्लाज्म का मतलब होता है ऑल जीन्स, ऑल एलील्स ऑफ प्लांट, किसी प्लांट के सारे जीन, किसी प्लांट के सारे जीन, किसी प्लांट के सारे एलील्स जो होते हैं वो कहलाता है उस प्लांट का जर्म प्लाज्म। एक बच्चों यहां पे होता है जीन पूल। जीन पूल का मतलब क्या है? जीन पूल का मतलब यहां पर ये है, जैसे मान लो बच्चों कोई प्लांट स्पीसीज है, यहां तो जर्म प्लाज्म जो होता है वो वन प्लांट का होता है, वो क्या है? वन प्लांट का होता है। एक प्लांट में जितने भी जीन्स है, जितने भी एलील्स है, उन्हें हम बच्चों क्या कहते हैं? जर्म प्लाज्म कहते हैं। जीन पूल का मतलब क्या होता है बच्चों? जीन पूल का मतलब यह है कि ये प्लांट जिस स्पीसीज का है, जिस जाति का है, उस स्पीसीज के अंदर जितनी भी जो वैरायटीज आती है बच्चों, हर वैरायटी में अलग टाइप के जीन होते हैं। जैसे मान लो एक वैरायटी ऐसी है जिसमें प्लांट टॉल है, तो उसमें कैपिटल टी एलील वाला जीन है। एक प्लांट वो है जो ड्वार्फ है, उसमें मान लो आप कह सकते हैं स्मॉल टी वाला जीन है, स्मॉल टी एलील है। तो कहने का मतलब मेरा यहां पर यह है कि अगर किसी स्पीसीज की बात करूं, तो उस स्पीसीज के अंदर जितनी भी जो वैरायटी है, उन सारी वैरायटी में मिला के जो जीन्स है, मिलाकर जो एलील्स है, उन्हें बच्चों में यहां पर क्या कहते हैं? जीन पूल। तो बच्चों जीन पूल यहां पर जो है वो आप कह सकते हैं प्लांट स्पीसीज का कैरेक्टर है, समझ रहे बात को? जर्म प्लाज्म जो है वो तो बच्चों यहां पे खाली प्लांट का कैरेक्टर है, प्लांट की कंडीशन है। जीन पूल आप यहां पे कह सकते हैं कि सारी प्लांट वैरायटीज जो है
उन प्लांट वैरायटीज के अंदर जितने भी जो जीन्स हैं, जितने भी जो एलील्स हैं, उनका कलेक्शन है। अपने एनसीईआरटी की जो लैंग्वेज है उसमें जर्म प्लाज्म का यूज किया गया है। ठीक है बच्चों, तो मेरे कहने का मतलब क्या है कि जर्म प्लाज्म क्या हो गया, किसी प्लांट के अंदर जितने भी जो जीन्स हैं, जितने भी जो एलील्स हैं, उनको हम एक साथ क्या कहते हैं, जर्म प्लाज्म। और प्लांट वैरायटीज, किसी स्पीसीज की जितने भी वैरायटीज हैं, उन वैरायटीज में जितने भी टाइप्स के जीन्स पाए जाते हैं, जितने भी टाइप्स के एलील्स पाए जाते हैं, उनका अगर मैं ग्रुप की बात करूं, उनको आप एक साथ क्या कहते हो, जीन पूल। तो यहां पे कंडीशंस किसके बारे में है, जर्म प्लाज्म के कलेक्शन के बारे में है, कि ऐसी कौन सी स्टेप है जिसके अंदर जर्म प्लाज्म जो है उनका कलेक्शन किया जाता है। जर्म प्लाज्म का कलेक्शन कौन से स्टेप में करते हैं, तो बच्चों पहले वन बाय वन एक बार स्टेप्स की बात कर लेते हैं। इवेल्युएशन एंड सिलेक्शन ऑफ पेरेंट्स, जनकों का मूल्यांकन तथा चयन, कलेक्शन ऑफ वेरिएबिलिटीज, परिवर्तनशीलताओं का संग्रहण, क्रॉस हाइब्रिडाइजेशन, क्रॉस संकरण, कॉमर्शियलाइजेशन ऑफ न्यू कल्टीवेट्स, नए संकरों का व्यवसायीकरण। देखिए, जैसे अगर आप कंडीशन देखें बच्चों, सबसे पहले यहां पर जो स्टेप आता है, फर्स्ट स्टेप ऑफ प्लांट ब्रीडिंग, पादप प्रजनन का जो पहला पद है, जो फर्स्ट स्टेप ऑफ प्लांट ब्रीडिंग है, वो बच्चों आप यहां पे कह सकते हैं कलेक्शन। ये है कलेक्शन ऑफ वेरिएबिलिटीज, ऑफ वेरिएबिलिटीज, परिवर्तनशीलताओं का संग्रहण, ये बच्चों यहां पे फर्स्ट स्टेप होता है। इस फर्स्ट स्टेप के अंदर क्या है, जैसे मान लो बच्चों आपको एबेलमोस्कस एस्कुलेंटस, जो ओकरा है, आपको एबेलमोस्कस एस्कुलेंटस के अंदर कोई वैरायटी प्रोड्यूस करनी है, ओकरा भिंडी जो है, आपको भिंडी की एक वैरायटी बनानी है, तो इसके लिए आप लोग क्या करोगे, भिंडी की जितनी भी वैरायटीज हैं, आप सारी वैरायटीज को कलेक्ट कर लोगे। मान लो जस्ट एग्जांपल, भिंडी की सपोज 50 वैरायटीज हैं, तो आप लोग क्या करोगे, भिंडी की जो 50 वैरायटीज हैं उनका कलेक्शन करोगे, 1, 2, 3, 4, 5 ऐसे करते करते 50 वैरायटीज। तो जिस प्लांट की आपको वैरायटी प्रोड्यूस करनी है, जिस प्लांट की आपको वैरायटी बनानी है, उस प्लांट की पहले से जितनी भी जो वैरायटी होती है, हम बच्चों सबसे पहले क्या करेंगे, उनका कलेक्शन करेंगे, दैट इज कॉल्ड कलेक्शन ऑफ वेरिएबिलिटीज। समझ रहे बात को, जिस प्लांट की वैरायटी को फॉर्म करना है, उस प्लांट की पहले से जो वैरायटी है, हम बच्चों क्या करेंगे, उनका कलेक्शन करेंगे, दैट इज कॉल्ड कलेक्शन ऑफ वेरिएबिलिटीज। ये यहां पे कलेक्शन ऑफ वेरिएबिलिटीज है, मतलब जितनी भी जो वैरायटीज है उनका कलेक्शन कर लिया। ठीक है, अब क्या होगा, जैसे मान लो बच्चों यहां पर ये प्लांट की वैरायटीज है, सपोज ये यहां पे प्लांट की वैरायटीज है, अब इस प्लांट की वैरायटी के अंदर बच्चों कौन से टाइप के जीन है, तो मैं मान लेता हूं सपोज इस प्लांट के अंदर मान लो बच्चों ये जीन है, ये जीन सपोज लेंथ का है, ये जीन सीड के कलर का है, ये सीड के साइज का है, ये फ्लावर के कलर का है, ये प्रोडक्शन का है, कुछ भी मान लो इस प्लांट के अंदर, ये यहां पे सारे के सारे जीन्स की बात कर ली, ये वैरायटी जो है इस वैरायटी में कौन से जीन है, इस वैरायटी में साहब ये जीन्स है, इस वैरायटी के अंदर ये जीन्स है, इस वैरायटी के अंदर ये जीन्स है। तो आपने क्या किया, आपने सबसे पहले जितनी भी जो प्लांट की वैरायटी है, आपको जिस स्पीसीज की, जिस जाति की नई किस्म बनानी है, जिस स्पीसीज की अपने को नई वैरायटी बनानी है, हम उस स्पीसीज की पहले से जो वैरायटीज है उनका कलेक्शन कर लेंगे। और बच्चों उनका कलेक्शन करने के बाद में हम इन सब के जर्म प्लाज्म को देखेंगे, इन सब के अंदर कौन से जीन है, इसमें कौन से जीन है। बच्चों जीन्स का ग्रुप, एलील्स का ग्रुप, आप एक साथ क्या कह सकते हो, जर्म प्लाज्म। मैं इसके जीन्स देखूंगा, इनका जर्म प्लाज्म देखूंगा, मैं इसके जीन्स, इसके एलील्स देखूंगा, इसके जर्म प्लाज्म देखूंगा। ठीक है, तो देखो बच्चों यहां पर जो जर्म प्लाज्म है, हम उनका कलेक्शन करते हैं। भाई आपने प्लांट की वैरायटीज का कलेक्शन किया है, तो प्लांट की वैरायटीज का कलेक्शन किया है, इस बात का मतलब यह है आपने डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के जो जर्म प्लाज्म है उनका कलेक्शन किया है। ये मान लो बच्चों यहां पे प्लांट की 4 वैरायटीज है, ये यहां पे प्लांट की 4 वैरायटीज है, तो इस वैरायटी के अंदर अलग जीन्स है, इस वैरायटी में अलग जीन्स है, इस वैरायटी में डिफरेंट टाइप्स ऑफ जीन्स है, इसमें डिफरेंट टाइप्स ऑफ जीन्स है, और जीन्स का जो ग्रुप है दैट इज कॉल्ड जर्म प्लाज्म। इसका जर्म प्लाज्म डिफरेंट टाइप का है, G1,
ये जर्मप्लाज्म डिफरेंट टाइप का है G2, ये जर्मप्लाज्म में ये जीन्स का ग्रुप डिफरेंट टाइप का है G3, ये यहाँ पे क्या हो गया, आप कह सकते G4 हो गया। तो मेरी बात समझ रहे, इसका मतलब क्या हुआ बच्चों, जो फर्स्ट स्टेप्स है कलेक्शन ऑफ वेरिएबिलिटीज, परिवर्तनशीलताओं का संग्रहण। बच्चों कलेक्शन ऑफ वेरिएबिलिटीज के अंदर क्या होगा, जितनी भी जो वैरायटी है, जितनी भी वैरायटीज है, आप बच्चों उन सब का यहां पे क्या कर लोगे, कलेक्शन कर लोगे, जितना आपसे पॉसिबल है आपने उसका कलेक्शन कर लिया। फिर यहां पे हर वैरायटी के अंदर जो प्लांट है आप उसका जर्म प्लाज्म देखोगे, आप उसके जीन्स देखोगे कि साहब यहां पर ये जो प्लांट्स है इसमें ये गुड जीन है, ये बैड जीन है, बात समझ रहे हो, वो देखेंगे। तो पहले आपने यहां पे क्या किया, कलेक्शन ऑफ वेरिएबिलिटीज। फिर बच्चों उसके बाद में क्या करेंगे, ये तो फर्स्ट स्टेप हो गया, फिर आप यहां पे करोगे इवैल्यूएशन एंड सिलेक्शन ऑफ पेरेंट्स, जनकों का मूल्यांकन और चयन, जर्म प्लाज्म को कलेक्ट करने के बाद में, कलेक्शन ऑफ वेरिएबिलिटीज करने के बाद में आप बच्चों इनका इवैल्यूएशन करोगे, इनका मूल्यांकन करोगे कि इस प्लांट में इतने जीन गुड है, इतने जीन बैड है, इसमें इतने जीन गुड है, इतने जीन बैड है, फिर वो वैरायटी जिसमें गुड जीन सबसे ज्यादा है, वो वैरायटी जिसमें गुड कैरेक्टर, अच्छे लक्षण, गुड जीन सबसे ज्यादा है, आप बच्चों उनका सिलेक्शन कर लोगे। मान लोगे आपने इसका सिलेक्शन कर लिया, इसका सिलेक्शन कर लिया, दैट इज कॉल्ड इवैल्यूएशन एंड सिलेक्शन ऑफ पेरेंट। बच्चों आपने दो पेरेंट का सिलेक्शन कर लिया जिसमें सबसे ज्यादा क्या है, गुड जीन है। इसके बाद नंबर 3 बच्चों होगा क्रॉस हाइब्रिडाइजेशन। हम लोग क्या करेंगे, इन दोनों प्लांट के बीच में हाइब्रिडाइजेशन कराएंगे, स्टेमन और कार्पल के बीच में हम यहाँ पे आर्टिफिशियल पोलिनेशन कराएंगे, ठीक है, वो बैगिंग से होता है, याद करो पढ़ा था आपने, जेनेटिक्स के अंदर भी डिस्कशन किया था इसके बारे में, और जो प्लांट एम्ब्रियोलॉजी है उसके बारे में डिस्कशन किया था, ठीक है, कि अपने पास में यहाँ पर क्या होगा, क्रॉस हाइब्रिडाइजेशन होगा, मतलब दोनों प्लांट के बीच में क्या होगा, हाइब्रिडाइजेशन होगा। फिर इसके बाद बच्चों क्या होगा, फिर इसके बाद नंबर 4 स्टेप आता है। नंबर 4 स्टेप क्या होता है कि हाइब्रिडाइजेशन के बाद में आपके पास जितने भी हाइब्रिड बने हैं उन हाइब्रिड में से वो हाइब्रिड जिसमें सबसे बेस्ट करेक्टर है आप उनका सिलेक्शन करते हो, फिर वो जो बेस्ट हाइब्रिड है उसका बच्चों क्या कर देते हैं, कॉमर्शियलाइजेशन कर देते हैं, उसका व्यवसायीकरण कर देते हैं, हालांकि उससे पहले उसकी टेस्टिंग वगैरह भी होती है। तो हमारा जो क्वेश्चन है, हमारा बच्चों क्वेश्चन क्या है कि जर्म प्लाज्म का कलेक्शन कौन सी स्टेप में करते हैं। बच्चों जर्म प्लाज्मा कलेक्शन तो फर्स्ट स्टेप में करते हैं, जहां पे आपने कलेक्शन ऑफ वेरिएबिलिटीज की थी, जहां पे आपने डिफरेंट डिफरेंट टाइप के, जहां पे आपने डिफरेंट डिफरेंट टाइप के जो प्लांट वैरायटीज है उनका कलेक्शन किया था, समझ रहे बात को। तो इस क्वेश्चन का जो बच्चों करेक्ट आंसर है वो अपने पास में हो जाएगा सेकेंड ऑप्शन, कलेक्शन ऑफ वेरिएबिलिटीज। जब आप डिफरेंट डिफरेंट टाइप की वैरायटीज लेके आते हो तब आप डिफरेंट डिफरेंट जर्म प्लाज्म का कलेक्शन करते हैं। आंसर बच्चों यहाँ पे कौन सा हो गया, आंसर यहाँ पे आपका हो गया सेकंड। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो कौन सा हो गया, सेकंड। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 124, मेनी बीन इज रेजिस्टेंस टू फॉलोइंग डिजीज इंट्रोड्यूस्ड बाई म्यूटेशन, उत्परिवर्तन द्वारा उत्पन्न अनेकों बीन की फसलें प्रतिरोधी है। बच्चों म्यूटेशन जो है, हम लोग प्लांट ब्रीडिंग के अंदर दो तरीके से नई वैरायटी बना सकते हैं, या तो बच्चों प्लांट ब्रीडिंग के अंदर हम लोग जो ट्रेडिशनल मेथड है, जो परंपरागत विधि होती है जिसमें आप दो किस्मों के बीच में हाइब्रिडाइजेशन कराकर बच्चों नई वैरायटी तैयार कर सकते हैं, या फिर जो दूसरा मेथड है प्लांट ब्रीडिंग में वो बच्चों म्यूटेशन है। म्यूटेशन के अंदर हम लोग क्या करते हैं, जो गामा रेज होती है इस गामा रेस का यूज करते हैं, और बच्चों म्यूटेशन के थ्रू भी कई बार ऐसी पॉसिबिलिटी, ऐसी संभावना बनती है जिससे जो नई वैरायटी है वो बन जाती है। ऐसे ही जो यहाँ पर बीन है, जो मूंग है बच्चों, इसमें पाउडरी मिल्ड्यू और आप यहाँ पे कह सकते हैं येलो मोज़ेक वायरस, इन दोनों के लिए रेजिस्टेंस हमने बच्चों यहाँ पर नई वैरायटी बना ली है। तो कह सकते हैं कि जो मूंग है, जो बीन है बच्चों, उसमें म्यूटेशन के थ्रू प्लांट ब्रीडिंग के अंदर हमने नई वैरायटी बनाई है, जो कि पाउडरी मिल्ड्यू और जो येलो मोज़ेक वायरस है, इनके लिए बच्चों ये क्या शो करते हैं, रेजिस्टेंस शो करते हैं। तो आंसर बच्चों यहां पे क्या आ गया, फोर्थ ऑप्शन आ गया,
समझ रहे? ये बच्चों यहाँ पे पाउडर मिंडू है और ये तो मुझे वायरस है। तो देखो बच्चों बिल्कुल यहाँ पे एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन है और काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन भी यहाँ पे है, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बच्चों यहाँ पर ये है। उसके बाद देखते हैं, सेलेक्ट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट, गलत कथन का चयन कीजिए। फिल्ट्रेशन एंड सेडिमेंटेशन आर टू स्टेप्स विच यूज्ड ड्यूरिंग फिजिकल ट्रीटमेंट ऑफ सीवेज। बच्चों सीवेज जो है, सीवेज का ट्रीटमेंट दो स्टेप में कंप्लीट होता है। सीवेज का ट्रीटमेंट दो स्टेप में कंप्लीट होगा, पहले होता है इसका प्राइमरी ट्रीटमेंट, उसके बाद में सेकेंडरी ट्रीटमेंट। ये जो यहाँ पे फिजिकल ट्रीटमेंट दिया हुआ है ना, ये फिजिकल ट्रीटमेंट कहते हैं प्राइमरी ट्रीटमेंट को ही, क्योंकि बच्चों प्राइमरी ट्रीटमेंट में कोई माइक्रोब यूज में नहीं आता, तो माइक्रोब्स के यूज में नहीं आने से हम उसे क्या कह देते हैं, फिजिकल ट्रीटमेंट, और इसमें फिजिकल मेथड काम आते हैं। जैसे अपन कह सकते हैं फिल्ट्रेशन एंड सेडिमेंटेशन, जो सीवेज है उस सीवेज के प्राइमरी ट्रीटमेंट के अंदर सीवेज की अपर सरफेस पर जो भी सबस्टांसेस पाए जाते हैं, जो यूजलेस सबस्टांस पाए जाते हैं, हम लोग बच्चों क्या करते हैं उनको छलनी से बाहर निकाल देते हैं, इसे हम कहते हैं फिल्ट्रेशन। फिर उसके बाद में उसके बेंथिक जोन में जो भी सबस्टांस डिपॉजिट होता है आप उसको अलग कर देते हो, दैट इज कॉल्ड सेडिमेंटेशन। तो बिल्कुल अपन कह सकते हैं कि फिल्ट्रेशन एंड सेडिमेंटेशन जो है वो दो स्टेप है फिजिकल ट्रीटमेंट के, प्राइमरी ट्रीटमेंट के। तो बच्चों ये स्टेटमेंट यहाँ पे करेक्ट है, लेकिन कुछ आपको इनकरेक्ट है। माइक्रोब्स आर यूज्ड इन सेकेंडरी ट्रीटमेंट। जैसे जो प्राइमरी ट्रीटमेंट होता है ना, इस प्राइमरी ट्रीटमेंट को तो हम लोग कहते हैं फिजिकल ट्रीटमेंट, फिजिकल ट्रीटमेंट। बच्चों प्राइमरी ट्रीटमेंट को क्या कहते हैं, फिजिकल ट्रीटमेंट, क्योंकि इसके अंदर आपने कहा कि एक तो फिल्ट्रेशन और एक सेडिमेंटेशन टेक्निक्स यूज में आती है। जो बच्चों यहां पे सेकेंडरी ट्रीटमेंट है, जो सेकेंडरी ट्रीटमेंट है, हम कह सकते हैं कि सेकेंडरी ट्रीटमेंट को हम लोग कहते हैं बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट। ये बच्चों बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट है। ये बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट क्यों है, क्योंकि बच्चों इसके अंदर माइक्रोब्स यूज में आते हैं। तो हम कह सकते हैं कि जो प्राइमरी ट्रीटमेंट है वो फिजिकल ट्रीटमेंट है, उसमें सेडिमेंटेशन होगा और फिल्ट्रेशन होगा, और जो सेकेंडरी ट्रीटमेंट है वो बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट है, बिकॉज बच्चों यहाँ पे यूज किसका होता है, माइक्रोब्स का होता है। तो बिल्कुल हम कह सकते हैं सही स्टेटमेंट है, करेक्ट स्टेटमेंट है। ओनली एरोबिक बैक्टीरिया, ओनली एरोबिक बैक्टीरिया आर यूज्ड इन बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट इन सीवेज। सीवेज का जो बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट है, उस बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट के अंदर सिर्फ एरोबिक बैक्टीरिया ही यूज में आते हैं, ये बच्चों रॉन्ग स्टेटमेंट है। बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट में क्या होते हैं बच्चों, दो टाइप के टैंक होते हैं, एक तो यहां पे होता है एरोबिक टैंक और एक यहां पे होता है एन एरोबिक टैंक। एक तो बच्चों कौन सा है, एरोबिक टैंक, और दूसरा यहां पर है एनएरोबिक टैंक, ठीक है, ध्यान देना। सेकेंडरी ट्रीटमेंट में जो एरोबिक टैंक होता है ना, इस एरोबिक टैंक में तो आते हैं एरोबिक माइक्रोब, और जो एन एरोबिक टैंक है इसमें आते हैं एन एरोबिक बैक्टीरिया, एन एरोबिक माइक्रोब। तो कहने का मतलब यह है कि सेकेंडरी ट्रीटमेंट के अंदर, बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट के अंदर एरोबिक बैक्टीरिया यूज में आता है, बट ओनली नहीं, क्योंकि यहां पर एन एरोबिक बैक्टीरिया जो है उनका भी यूज होता है। तो बच्चों ओनली के आने से थर्ड स्टेटमेंट यहां पे क्या हो गया, रॉन्ग हो गया, पूछा भी आपको थर्ड स्टेटमेंट ये इनकरेक्ट ही है। फोर्थ देखते हैं, मीथेन गैस इज प्रोड्यूस्ड इन एन एरोबिक टैंक ऑफ सेकेंडरी ट्रीटमेंट ऑफ सीवेज। सीवेज का जो सेकेंडरी ट्रीटमेंट है, उसमें मीथेन गैस प्रोड्यूस होती है। बिल्कुल जो बच्चों यहां पे सेकेंडरी ट्रीटमेंट है, जो बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट है, उसके एन एरोबिक टैंक के अंदर मिथेनोजन बैक्टीरिया वगैरह पाए जाते हैं, ये बच्चों हम कह सकते हैं जो बायोगैस है, जो मिथेन गैस है, उसका प्रोडक्शन करते हैं। तो हम यहां पे कहेंगे बच्चों इसका जो करेक्ट आंसर है वो क्या हो जाएगा, थर्ड, क्योंकि आपको इनकरेक्ट पूछा है। तो बच्चों यहां पे आंसर कौन सा हो गया इसका, थर्ड, इसका करेक्ट आंसर हो गया। चलिए आगे चलते इसके बाद में, नेक्स्ट बच्चों यहां पे है क्वेश्चन नंबर 126। इन विच ऑफ फॉलोइंग प्लांट्स
विटामिन ए एंड विटामिन सी आर रेस्पेक्टिवली रिच अमाउंट. निम्न में से कौन से पादपों में क्रमशः विटामिन ए और विटामिन सी पाए जाते हैं? बच्चों क्रमशः है, इसका मतलब जो पहले लिखा होगा उसमें विटामिन ए आना चाहिए और दूसरे बार जो लिखा होगा उसमें विटामिन सी आना चाहिए. ठीक है, पंपकिन एंड कैरेट. तो बच्चों हमने पढ़ा है एप्लीकेशन ऑफ बॉटनी के अंदर 9th चैप्टर में. देखो बकायदा बच्चों बिल्कुल एनसीईआरटी बेस्ड है, एग्जाम में आता है एनसीईआरटी बेस्ड है. तो पंपकिन जो है बायोफोर्टिफिकेशन में, उस पंपकिन में विटामिन ए को इंक्रीज किया गया है. कैरेट में क्या होता है, विटामिन ए है पंपकिन में, विटामिन ए. स्पिनच में विटामिन ए, मस्टर्ड में विटामिन सी, बिटर गोट करेले में विटामिन सी, कैरेट में विटामिन ए, मस्टर्ड में विटामिन सी. तो आपको पूछा है यहां पर इन विच ऑफ फॉलोइंग प्लांट्स विटामिन ए एंड विटामिन सी आर रेस्पेक्टिवली इन रिच अमाउंट. तो बच्चों पहले यहां विटामिन ए आना चाहिए, फिर विटामिन सी आना चाहिए. इसका करेक्ट आंसर कौन सा हो गया, फोर्थ ऑप्शन हो गया. ठीक है बच्चों आगे चलते हैं. अगला यहां पर जो अपना क्वेश्चन है 127, पूसा कोमल इज द वैरायटी ऑफ. पूसा कोमल किसकी किस्म है, पूसा कोमल किसकी वैरायटी है, किसकी किस्म है? देखिए वीट नो, ब्रसिका नो, काउपी यस, चिली नो. बच्चों वीट जो है अपने एनसीईआरटी के अंदर बकायदा एक टेबल दे रखी है, ये बच्चों वहां से क्वेश्चन बनाया हुआ है. पूसा कोमल जो है ये बच्चों वीट की वैरायटी नहीं है. उस टेबल में पढ़ा होगा आपने कि जो वीट की बच्चों वैरायटी दे रखी है वो वैरायटी है हिमगिरी. ब्रेसिका जो है उसकी बच्चों है पूसा शुब्रा, पूसा स्नेबोल करन लाइन. काउपी जो है बिल्कुल अपन कह सकते हैं, इसकी बच्चों वैरायटी कौन सी है, पूसा कोमल है. और चिली जो है इसकी बच्चों वैरायटी कौन सी है, पूसा सदाबहार है. तो हम कह सकते हैं कि पूसा कोमल जो है ये बच्चों वैरायटी किसकी है, काउपी की है. और याद रखना ये जो काउपी है जिसको हिंदी में कहते हैं लोबिया, क्या कहते हैं इसको, लोबिया. ये लोबिया, ये काउपी इसकी एक वैरायटी है जिसे हमने क्या कहा, पूसा कोमल. पूसा कोमल इसकी वैरायटी है और इस वैरायटी के अंदर बच्चों रेजिस्टेंस है. इस वैरायटी के अंदर रेजिस्टेंस है किसके लिए, बैक्टीरियल ब्लाइट के लिए. बैक्टीरियल ब्लाइट डिजीज के लिए, बैक्टीरियल ब्लाइट डिजीज जो है इस बैक्टीरियल ब्लाइट डिजीज के लिए रेजिस्टेंस इसमें किया गया है. बच्चों लोबिया काउपी जो होता है उसमें दिक्कत ही आती है कि काउपी के अंदर एक डिजीज होता है जिसका नाम है बैक्टीरियल ब्लाइट. इसमें क्या होता है बच्चों, इसमें जो लीफ होती है, जो लीफ हुआ करती है, उस लीफ के अंदर बच्चों ब्राउन कलर के स्पॉट बन जाते हैं. लीफ में क्या होता है, ब्राउन कलर के स्पॉट बन जाते हैं. और लीफ में जो ब्राउन स्पॉट बनते हैं ना वो बच्चों येलो कलर की आप कह सकते हैं लेयर से कवर रहते हैं, इसे हम लोग कहते हैं बैक्टीरियल ब्लाइट. तो बच्चों कहेंगे कि लोबिया के अंदर, काउपी के अंदर लीफ पर ब्राउन कलर के स्पॉट बन जाते हैं जो पीली पीली लेयर से कवर रहते हैं, जो येलो कलर की कवरिंग से कवर रहते हैं, इसे बोलते हैं बैक्टीरियल ब्लाइट. तो बैक्टीरियल ब्लाइट से बचने के लिए हमने बैक्टीरियल ब्लाइट के लिए रेजिस्टेंस एक बच्चों वैरायटी तैयार की है जिसका नाम क्या है, पूसा कोमल. तो बच्चों यहां पर करेक्ट आंसर कौन सा हो गया कि पूसा कोमल जो है वो काउपी की वैरायटी है. ठीक है बच्चों आगे चलते हैं. आगे यहां पर है 128, विच वन ऑफ फॉलोइंग इज नॉट रिलेटेड विद सिंगल सेल प्रोटीन. निम्न में से कौन सा एक SCP से संबंधित नहीं है. बच्चों SCP का मतलब यहां पर है सिंगल सेल प्रोटीन. SCP का मतलब यहां पर क्या है, सिंगल सेल प्रोटीन. कौन सा सिंगल सेल प्रोटीन से रिलेटेड नहीं है, सिंगल सेल प्रोटीन से संबंधित नहीं है. स्पाइरुलिना, बिल्कुल बच्चों एनसीईआरटी की लाइन है. स्पाइरुलिना जो है ये बच्चों स्पाइरुलिना सम बीजीए अगर मैं कहूं
तो यह स्पायरुलिना जो है वो एक ब्लू ग्रीन एल्गी है, मोनेरा किंगडम में आता है। तो यह स्पायरुलिना जो है वो बच्चों एससीपी से रिलेटेड है, क्योंकि जो स्पायरुलिना है उसका हम यूज करते हैं प्रोटीन के फॉर्म में, ठीक है। प्रोटीन जो है उस प्रोटीन के फॉर्म में अगर आपको यूज करना है तो आप इसका यूज कर सकते हैं। सम बीजिए बच्चों, एनसीईआरटी की लाइन लिखिए, एक बात सुनना बड़े ध्यान से। हम लोग बच्चों यहां बात कर रहे हैं एससीपी के बारे में, सिंगल सेल प्रोटीन के बारे में। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, एक कोशिकीय जीव जिसमें प्रोटीन की कंसंट्रेशन बहुत ज्यादा होती है, हम उनका एज ए फूड यूज कर सकते हैं, वो है सिंगल सेल प्रोटीन। बच्चों सिंगल सेल प्रोटीन में हम बैक्टीरिया काम में ले सकते हैं, हम साइनोबैक्टीरिया मतलब ब्लू ग्रीन एल्गी का भी यूज कर सकते हैं। तो देखो बच्चों यहाँ पे जो स्पायरुलिना है ये एक ब्लू ग्रीन एल्गी तो है जिसका हम यूज करते हैं एज ए एससीपी, तो बिल्कुल क्या हो गया, संबीजी हो गया। मिथेनोबैक्टीरिया, बच्चों मिथेनोबैक्टीरिया जो है वो प्रोटीन का प्रोडक्शन नहीं करते बल्कि मिथेन गैस का प्रोडक्शन करते हैं, बायोगैस का प्रोडक्शन करते हैं, गोबर गैस का प्रोडक्शन करते हैं। मिथाइलोफिलस, बिल्कुल एनसीईआरटी में रखा है, मिथाइलोफिलस जो है ये बच्चों एक बैक्टीरिया है, ये तो है साइनोबैक्टीरिया ब्लू ग्रीन एल्गी, और जो ये है ये यहां पर है बैक्टीरिया। बच्चों ये ब्लू ग्रीन एल्गी है तो बिल्कुल यहां पे संबीजीय सही माना जाएगा। तो स्पायरुलिना, संबीजीय और मिथाइलोफिलस, ये तीनों जो है रिलेटेड किससे है, सिंगल सेल प्रोटीन से। लेकिन जो बच्चों मिथेनोजन है, लेकिन जो मिथेनोजन है ये तो आर्किबैक्टीरिया है, ये क्या है आर्किबैक्टीरिया जो प्रोटीन का फॉर्मेशन नहीं करता, ये बच्चों प्रोटीन का फॉर्मेशन नहीं करता बल्कि ये मिथेन गैस का प्रोडक्शन करता है। तो अपन यहां पे कह सकते हैं कि जो मिथेनोबैक्टीरिया है उसका रिलेशन सिंगल सेल प्रोटीन से नहीं है बल्कि ये मिथेन गैस प्रोड्यूस करता है, ये बायोगैस प्रोड्यूस करता है, ठीक है। बच्चों आगे चलते हैं, इसका करेक्ट आंसर कौन सा हो गया, विच इज नॉट रिलेटेड विद एससीपी, करेक्ट आंसर इज थर्ड ऑप्शन, ठीक है। आगे चलते बच्चों, देखिए एंजाइम्स विच रिलेटेड विद जूस इंडस्ट्री एंड डिटर्जेंट मॉडिफिकेशंस आर रेस्पेक्टिवली, कौन से एंजाइम क्रमशः जूस उद्योग तथा डिटर्जेंट रूपांतरण में उपयोग में आते हैं क्रमशः, ठीक है, रेस्पेक्टिवली देखते हैं, प्रोटीएस एंड पेक्टिनेस। बच्चों प्रोटीएस जो है ये ऐसा एंजाइम होता है जो प्रोटीन को डाइजेस्ट करता है, प्रोटीएस एंजाइम डाइजेस्ट करता है प्रोटीन को। पेक्टिनेस एंजाइम जो होता है वो ऐसा एंजाइम है जो पेक्टिन को डाइजेस्ट करता है, ठीक है। और इन दोनों का जो बच्चों यूज है वो जूस इंडस्ट्री में होता है, अगर आप कंडीशन देखें तो इसका भी जूस इंडस्ट्री में, इसका यूज भी जूस इंडस्ट्री में होता है। लेकिन आपको जूस इंडस्ट्री एंड डिटर्जेंट मॉडिफिकेशन दोनों पूछे। लाइपेज, लाइपेज जो है इसका बच्चों यूज होता है डिटर्जेंट मॉडिफिकेशन में। लाइपेज ऐसा एंजाइम होता है जो लिपिड का, ऑयल का डाइजेशन कर देता है। बच्चों कई बार कपड़ों पर जो तेल के धब्बे लग जाते हैं वो तेल के धब्बे इजीली निकलते नहीं है, तो अगर लाइपेज एंजाइम का यूज किया जाए तो वो उस तेल का, उस ऑयल का डाइजेशन कर देगा। तो बच्चों हम लोगों ने क्या किया, उस लाइपेज एंजाइम को डिटर्जेंट के अंदर डाल दिया ताकि जैसे डिटर्जेंट का यूज करते हैं तो उसमें प्रेजेंट लाइपेज एंजाइम, वो जो वहां पे आप कह सकते हैं तेल वगैरह के धब्बे होते हैं, ठीक है, जो स्ट्रेंस है उनको, बच्चों स्ट्रेंस को वो साफ कर देता है, ठीक है। तो लाइपेज जो है वो किसमें है, डिटर्जेंट मॉडिफिकेशन में। पेक्टिनेस, बिल्कुल पेक्टिनेस और प्रोटीएस दोनों का यूज किसमें होता है, जूस इंडस्ट्री में होता है। पेक्टिनेस एंड लाइपेज, पेक्टिनेस का यूज किसमें होगा, जूस इंडस्ट्री में होगा। लाइपेज का यूज किसमें होता है, डिटर्जेंट के मॉडिफिकेशन में होता है। पेक्टिनेस एंड प्रोटीएस, पेक्टिनेस जो है इसका यूज भी किसमें होगा, जूस इंडस्ट्रीज में, और प्रोटीएस का यूज भी किसमें होगा, जूस इंडस्ट्री में। आपको पूछा रेस्पेक्टिवली जूस इंडस्ट्री एंड डिटर्जेंट मॉडिफिकेशन, तो जूस एंड डिटर्जेंट, जूस एंड डिटर्जेंट बच्चों करेक्ट आंसर यहां पर कौन सा हो गया, थर्ड ऑप्शन हो गया। कुछ बच्चे यहां पर सिली मिस्टेक भी कर देते हैं, जल्दीबाजी में क्या करते हैं, रेस्पेक्टिवली पढ़ते नहीं है और लाइपेस और पेक्टिनेस को टिक मार देते हैं। नहीं, आपको रेस्पेक्टिवली पूछा है तो बच्चों यहां पे ध्यान दीजिएगा, यहां पे नहीं आएगा पेक्टिनेस,
बाद में क्या आएगा, लाइपेज। पेक्टिनेज जो होता है वो जूस इंडस्ट्री में यूज होता है, और जो बच्चों लाइपेज है जो कि लिपिड जो कि ऑयल है उसके स्टेंस को रिमूव कर देता है, इसका बच्चों हम लोग यूज करते हैं कहां पर, डिटर्जेंट के मॉडिफिकेशन के अंदर। ठीक है, जो मार्केट का बोटल्ड जूस होता है, जो मार्केट का बच्चों जूस होता है वो ज्यादा क्लियर दिखाई देता है। क्यों? क्योंकि बच्चों हम लोग क्या करते हैं, पेक्टिनेज का यूज करते हैं, प्रोटीज का यूज करते हैं। पेक्टिनेज का यूज करने से क्या होता है बच्चों, पेक्टिनेज जो है वो मिडिल लेमेला को डिसोल्व कर देगा, और जब कोशिकाओं के बीच में मध्य पटलिका, जब सेल्स के बीच में मिडिल लेमेला डिसोल्व हो जाती है तो बच्चों सारी सेल अलग अलग हो जाती है, सेपरेट हो जाती है, जिससे वहां पर जो जूस है बिल्कुल बच्चों आप कह सकते हो साफ आपको दिखाई देता है, उसमें इस तरीके से क्लोट नहीं बनते, पूरा वो साफ क्लीन जूस होता है, क्लियर जूस होता है। तो आंसर बच्चों यहां पे कौन सा हो गया, थर्ड। मेरे ख्याल से कोई डाउट आपको इसमें है नहीं, आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 130। फोर प्रोडक्शन ऑफ हैप्लोइड प्लांट ड्यूरिंग प्लांट टिश्यू कल्चरिंग, विच ऑफ फॉलोइंग एक्स प्लांट इज यूज्ड, निम्न में से कौन सा कर्तोतक, निम्न में से कौन सा कर्तोतक अगुणित पादप के उत्पादन हेतु पादप उत्तक संवर्धन तकनीक में उपयोग में आता है। बच्चों कहने का मतलब यहां पर यह है कि आपको हैप्लोइड प्लांट प्रोड्यूस करना है, जो प्लांट टिश्यू कल्चरिंग है पीटीसी, उस प्लांट टिश्यू कल्चरिंग के अंदर आपको हैप्लोइड प्लांट प्रोड्यूस करना है, आपको एन प्लांट प्रोड्यूस करना है। अगर इसमें हैप्लोइड प्लांट प्रोड्यूस करना है तो ध्यान दीजिएगा, हैप्लोइड प्लांट को प्रोड्यूस करने के लिए आपको बच्चों हैप्लोइड सेल चाहिए होती है, जैसे अपने पास में ये क्या है, एक कल्चर मीडियम, कल्चर मीडियम में आपने सेल यूज में ली एन, तो बच्चों एन सेल जब कल्चर मीडियम में डिवीजन करती है नया प्लांट बनाती है, तो बच्चों वो नया प्लांट भी यहां पर कैसा होगा, एन होगा। तो अगर आपको हैप्लोइड प्लांट प्रोड्यूस करना है तो हैप्लोइड प्लांट प्रोड्यूस करने के लिए आपने जो एक्स प्लांट यूज किया है वो बच्चों एक्स प्लांट भी कैसा होना चाहिए, वो भी अपने पास में एन होना चाहिए, वो भी अपने पास में हैप्लोइड होना चाहिए। तो हम कह सकते हैं कि प्लांट टिश्यू कल्चरिंग में हैप्लोइड प्लांट को प्रोड्यूस करने के लिए अपने को हैप्लोइड ही एक्स प्लांट चाहिए होता है, क्योंकि बच्चों यहां पे माइटोसिस होगा, मियोसिस नहीं होगा, तो प्लोइडी सेम रहेगी। अगर यहां पे एन होगा तो प्लांट भी एन होगा, यहां पे टू एन होगा तो प्लांट भी टू एन होगा, क्योंकि बच्चों यहां पे माइटोसिस होता है प्लांट टिश्यू कल्चरिंग में। ठीक है, बात समझ रहे हो? तो अपन यहां पे कह सकते हैं कि प्लांट टिश्यू कल्चरिंग के अंदर हैप्लोइड प्लांट का प्रोडक्शन करने के लिए आपको हैप्लोइड स्ट्रक्चर चाहिए। एंथर सेल, शूट एपेक्स, रूट एपेक्स, इंटरकैलरी मेरिस्टेम। बच्चों इंटरकैलरी मेरिस्टेम मेरिस्टेमेटिक पार्ट है, ये तीनों आप जो यहां पर देख रहे हो ये मेरिस्टेमेटिक टिश्यू है, और बच्चों मेरिस्टेमेटिक टिश्यू कैसा होता है, टू वन होता है। एंथर, अब एंथर में रीजन है, एंथर में कुछ सेल एन भी होती है, कुछ सेल टू वन भी होती है। बात समझ रहे मेरी? जैसे बच्चों माइक्रोस्पोर है, जो लघु बीजाणु है माइक्रोस्पोर है, वो एन होता है, वो एंथर की सेल ही तो है। तो बच्चों एंथर में जो सेल है जैसे कि माइक्रोस्पोर है, वो बच्चों आपको यहां पर एन मिल सकता है, तो हम एंथर सेल का यूज करेंगे हैप्लोइड प्लांट के फॉर्मेशन के लिए। एक बात ध्यान रखना बच्चों, अगर ऐसे लिखा होता एनी सेल ऑफ एंथर, तब नहीं हो पाएगा, एंथर की कोई भी सेल नहीं, बल्कि एंथर की वो सेल जो हैप्लोइड है, जो माइक्रोस्पोर है। समझ रहे बात को? ये अपने सामने कंडीशन है, तो मेरे ख्याल से कोई दिक्कत आपको इसमें है नहीं। फॉर प्रोडक्शन ऑफ हैप्लोइड प्लांट ड्यूरिंग प्लांट टिश्यू कल्चरिंग, तो यहां पर करेक्ट आंसर जो है वो बच्चों कौन सा हो गया, फर्स्ट हो गया। ओके, आगे चलते हैं इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 131 देखते हैं। स्विस चीज एंड रोकीफोर्ट चीज आर प्रोड्यूस्ड थ्रू, जो स्विस पनीर है और जो रोकीफोर्ट पनीर है किनके द्वारा उत्पादित होते हैं, मतलब ऐसे कौन से कौन से माइक्रोब है जो स्विस चीज एंड रोकीफोर्ट चीज जो है उनका प्रोडक्शन करते हैं, उनका उत्पादन करते हैं। आइए बात करते हैं अपन, जैसे देखिए बच्चों स्विस चीज जो होता है, अगर आप कंडीशन देखें तो याद रखना, स्विस चीज जो है इसका फॉर्मेशन होता है प्रोपियोनी बैक्टीरियम शार्मिनाई से। बकायदा बच्चों एनसीईआरटी की लाइन है, प्रोपियोनी बैक्टीरियम शार्मिनाई
जो है उसका यूज करते हैं स्विस चीज के लिए। और प्रोपियोनी बैक्टीरियम, बैक्टीरियम मतलब बैक्टीरिया, तो मैं कह सकता हूं कि स्विस चीज जो है उसका प्रोडक्शन करने के लिए हम लोग एक बैक्टीरिया यूज में लेते हैं। और बच्चों बैक्टीरिया कौन सा है? बैक्टीरिया यहां पर है प्रोपियोनी बैक्टीरियम शर्मनाई। अगर आप रोक्यूफोर्ट चीज की बात करो तो रोक्यूफोर्ट चीज जो है, याद रखना बच्चों, रोक्यूफोर्ट चीज का अगर प्रोडक्शन करना है तो आपको फंजाई का यूज करना पड़ेगा, और उस फंजाई का नाम है पेनिसिलियम रोक्यूफोर्टाई। अपनी एनसीईआरटी के अंदर फंजाई का नाम तो नहीं दे रखा, लेकिन इतना जरूर दे रखा है कि रोक्यूफोर्ट चीज जो है उस रोक्यूफोर्ट चीज का प्रोडक्शन करने के लिए आपको फंजाई का यूज करना पड़ता है। हो वो फंजाई कौन सा है, मैंने बता दिया आपको कौन सा बच्चों फंजाई है, पेनिसिलियम रोक्यूफोर्टाई। तो रोक्यूफोर्टाई के नाम पर ही इसका नाम क्या हो गया, रोक्यूफोर्ट चीज हो गया। अरे बात समझ रहे हो क्या? तो बच्चों मेरे कहने का मतलब यहां पर ये है 131 के अंदर कि स्विस चीज जो है वो तो बनता है प्रोपियोनी बैक्टीरियम शार्मनाई बैक्टीरिया से, रोक्यूफोर्ट चीज जो है ये बनता है पेनिसिलियम रोक्यूफोर्टाई फंजाई से। ठीक है, तो बच्चों पहले यहां पे क्या आएगा, बैक्टीरिया, उसके बाद में क्या आएगा, फंजाई। बैक्टीरिया एंड फंजाई रेस्पेक्टिवली, बिल्कुल सही है, फंजाई एंड बैक्टीरिया, नो गलत है, क्योंकि बच्चों यहां फंजाई नहीं बैक्टीरिया आएगा, बैक्टीरिया ओनली नो, फंजाई ओनली नो। तो मैं कह सकता हूं कि स्विस चीज और जो रोक्यूफोर्ट चीज है उनके प्रोडक्शन के लिए आपको बैक्टीरिया एंड फंजाई चाहिए होते हैं। तो रेस्पेक्टिवली अगर बात यहां पे करूं तो आंसर बच्चों कौन सा आ गया, फर्स्ट बैक्टीरिया एंड फंजाई रेस्पेक्टिवली क्रमशः है जीवाणु तथा कवक। ठीक है बच्चों आगे चलते हैं इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 132 देखते हैं इसके अंदर। बच्चों बिल्कुल फोकस तरीके से आप इसको देखिए, उम्मीद है आपने पेपर को और वीडियो को दोनों को एंजॉय किया होगा। देखिए बच्चों, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट बायोगैस, जैव गैस, अच्छा बायोगैस प्लांट, जैव गैस प्लांट के संदर्भ में निम्न कथनों पर ध्यान दीजिए। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट बायोगैस प्लांट, इन इंडिया दीज प्रोजेक्ट्स आर डेवलप्ड ड्यू टू द एफर्ट्स ऑफ IARI एंड KVIC। भारत में यह परियोजना IARI तथा KVIC के प्रयासों द्वारा सुविकसित की गई है। अगर आप कंडीशन देखिए इसमें तो हम कह सकते हैं जैसे इंडिया में ये जो बच्चों यहां पर बायोगैस प्लांट है, सबसे पहले IARI इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट और खादी विलेज इंडस्ट्रियल कमीशन जो है बच्चों इनके एफर्ट से तैयार की गई है। जो अपने पास में बायोगैस प्लांट है, ये बायोगैस प्लांट मुख्यतः जो ग्रामीण क्षेत्र है, रूरल एरियाज है बच्चों, वहां पे लगाए गए हैं। और देखो बिल्कुल एनसीईआरटी की लाइन है, IARI और KVIC इन दोनों के एफर्ट से, इन दोनों के प्रयासों से इंडिया के अंदर जो बायोगैस प्लांट का प्रोजेक्ट है उसको डेवलप किया गया है। ठीक है बच्चों, ये आपको याद करनी है, एनसीईआरटी की लाइन है, करेक्ट स्टेटमेंट है। सेल्यूलोजिक सबस्टांसेस आर डाइजेस्टेड इन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन एंड बायोगैस इज प्रोड्यूस्ड, बिल्कुल एनसीईआरटी की लाइन है बच्चों। बायोगैस का प्रोडक्शन जो है, बायोगैस के प्रोडक्शन में रोल होता है मिथेनोजन बैक्टीरिया का, मिथेनोबैक्टीरिया का। ये मिथेनोजन क्या करता है, ये मिथेनोजन जो गोबर होता है, जो डंग होता है बच्चों, उस डंग का एनएरोबिक रेस्पिरेशन के थ्रू यूज करता है और क्या निकालता है, बायोगैस प्रोड्यूस करता है। तो याद रखना यहां पर जो डंग है बच्चों वो क्या है, गोबर किससे बनता है, घास खाने से, सेलुलोज खाने से। तो मैं कह सकता हूं कि सेलुलोजिक सबस्टांस आर डाइजेस्टेड इन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन एंड बायोगैस इज प्रोड्यूस्ड। ठीक है बच्चों, एनसीईआरटी लाइन है, कोई दिक्कत नहीं इसके अंदर, करेक्ट। उसके बाद में सी, ए ग्रुप ऑफ प्रोकैरियोट्स आर रेस्पॉन्सिबल फॉर दिस प्रोसेस। बच्चों अब देखिए, ये भी बच्चों एनसीईआरटी बेस्ड ही है, हर लाइन एनसीईआरटी बेस्ड है, लेकिन उसका एक्सप्लेनेशन देखिए आप। आपने ये कहा कि बायोगैस प्लांट के अंदर हम लोग मिथेनोजन बैक्टीरिया यूज करते हैं, और बच्चों मिथेनोजन बैक्टीरिया किसमें आते हैं, याद करो आर की बैक्टीरिया है, ये प्रोकैरियोट्स में आते हैं। तो हम कह सकते हैं कि बायोगैस प्लांट के अंदर, बायोगैस प्लांट के अंदर
मेथेनोजेंस का यूज करते हैं, प्रोकैरियोट्स का यूज करते हैं, या मैं कहूं आर्किबैक्टीरिया का यूज करते हैं, तो बच्चों बिल्कुल ये स्टेटमेंट यहां पे क्या है, करेक्ट है। इन इंडिया दिस प्रोग्राम इज सक्सेसफुली यूज्ड इन रूरल एरिया, बिल्कुल जो बच्चों ग्रामीण क्षेत्र जो रूरल एरिया है जहां पे पशु वगैरह जनरली ज्यादा पाए जाते हैं बच्चों, वहां पर हम लोगों ने क्या किया, बायोगैस के काफी प्लांट लगाए हैं ताकि उनका जो डंग है, उनका जो गोबर है, उसको यूज में लिया जाए, जिससे खाद भी बन जाती है, मैन्योर भी बन जाती है, और बच्चों बायोगैस का प्रोडक्शन भी हो जाता है। तो हम कह सकते हैं कि बायोगैस प्लांट जो है, इन बायोगैस प्लांट को मेनली जो रूरल एरिया है यहां पे सक्सेसफुली एस्टेब्लिश किया गया है। तो बच्चों यहां पे करेक्ट स्टेटमेंट है, हाउ मेनी स्टेटमेंट्स आर करेक्ट, 4, 3, 2, 1। तो देखो बच्चों यहां पर ए स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है, बी भी करेक्ट है, सी भी करेक्ट है, डी भी करेक्ट है। तो बच्चों आंसर यहां पे कौन सा हो गया, फर्स्ट ऑप्शन। ठीक है बच्चों, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, काफी यहां पे इंफॉर्मेशन है, चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 133, विच स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट अबाउट IR-8? IR-8 के बारे में कौन सा कथन गलत है? थोड़ा सा बच्चों बताना चाहूंगा मैं आपको, इंडिया के अंदर सेमी ड्वार्फ वैरायटी की अगर आप बात करें तो हम कह सकते हैं इंडिया के अंदर सेमी ड्वार्फ वैरायटी प्रोड्यूस की गई, अर्धवामन किस्में प्रोड्यूस की गई, ये वीट की भी थी, गेहूं की भी थी, और चावल राइस की भी थी। ठीक है, मैं यहां बात कर रहा हूं किसके बारे में, राइस की जो सेमी ड्वार्फ वैरायटी है उसकी बच्चों में कंडीशन देख रहे हैं। तो याद रखना, राइस जो है उस राइस की सेमी ड्वार्फ वैरायटी जो है वो बच्चों बनाई गई, एंड राइस की ये सेमी, अब कुछ बच्चे क्या सोचते हैं कि सर ये IR-8 जो है ये सेमी ड्वार्फ वैरायटी है, नो ये सेमी ड्वार्फ वैरायटी नहीं थी। एक्चुअली बच्चों हमने जो राइस की सेमी ड्वार्फ वैरायटी बनाई थी, जो अर्धवामन किस्में बनाई थी, वो बनाई थी एक तो IR-8 के थ्रू, इसके अलावा थाईचुंग नेटिव फर्स्ट के थ्रू, IR-8 और थाईचुंग नेटिव फर्स्ट, ये दो ऐसी राइस की स्पीसीज थी। ये जो IR-8 है ये फिलीपींस की थी, और जो थाईचुंग नेटिव फर्स्ट है ये बच्चों ताइवान से थी। ये कहां से थी, ये आप कह सकते हैं फिलीपींस से थी। तो बच्चों इंडिया में क्या हुआ, इंडिया में राइस की सेमी ड्वार्फ वैरायटी, ये सेमी ड्वार्फ वैरायटी क्या होती है, ऐसी वैरायटी जिसका प्रोडक्शन भी ज्यादा हो और उसमें डिजीज भी कम हो, डिजीज के लिए रेजिस्टेंस हो, वो हमने बच्चों बनाई थी सेमी ड्वार्फ वैरायटी। ये ज्यादा प्रोडक्शन वाली, डिजीज के लिए रेजिस्टेंस वाली जो सेमी ड्वार्फ वैरायटी है, ये वीट की भी थी, ये राइस की भी थी। बात समझ रहे हम बच्चों, यहाँ पे क्वेश्चन में किसकी बात कर रहे हैं, राइस की बात कर रहे हैं। तो ये जो यहाँ पे राइस की सेमी ड्वार्फ वैरायटी है, इस बच्चों वैरायटी को तैयार किया गया था किस किस से, IR-8 जो कि इंटरनेशनल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट फिलीपींस में उसकी थी, और थाईचुंग नेटिव फर्स्ट जो कि ताइवान में थी। इन दोनों राइस की वैरायटी को लेकर हमने तैयार कर लिया सेमी ड्वार्फ वैरायटी ऑफ राइस। तो देखते हैं कॉन्सेप्ट को, विच स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट अबाउट IR-8? इट इज ए वैरायटी ऑफ वीट, नो ये बच्चों वीट की वैरायटी नहीं है। हालांकि NCERT में जो वीट वाला पैराग्राफ है उसी में दे रखा है, लेकिन बच्चों ये वैरायटी वीट की नहीं है, वीट की तो है कल्याण सोना, सोनालिका, वो बच्चों वीट की वैरायटी है, गलत हो गया। डेवलप्ड एट फिलीपींस, जो IR-8 है ये फिलीपींस में डेवलप्ड है, बिल्कुल सही है बच्चों। IR का मतलब होता है IRRI, इंटरनेशनल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट, ये बच्चों फिलीपींस में है, और इस इंस्टीट्यूट ने
ये वैरायटी बनाई थी IR8, और बच्चों हमने इसका यूज किया था क्या बनाने के लिए, सेमी ड्वार्फ वैरायटी बनाने के लिए। तो देखो बच्चों, फर्स्ट यहाँ पर जो स्टेटमेंट है वो रॉन्ग है, सेकंड स्टेटमेंट है डेवलप्ड एट फिलीपींस, बिल्कुल जो IR8 है ये बच्चों फिलीपींस में डेवलप हुई थी। सेमी ड्वार्फ राइस वैरायटी वर डेराइव फ्रॉम इट, बिल्कुल जो भारत में अर्धवामन चावल की किस्म है वो बच्चों भारत में इंडिया में सेमी ड्वार्फ वैरायटी जो है राइस की वो बच्चों इसी से हमने डेराइव की थी। सिर्फ इसी से नहीं, ये भी था और आप कह सकते हैं थाईचुंग नेटिव फर्स्ट भी थी, दोनों ही थी, बिल्कुल सही है। फिर IR8 के बारे में कौन सा इनकरेक्ट है, आगे देखते हैं। रिलेटेड विद IRRI, बिल्कुल सही है बच्चों, इंटरनेशनल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट जो फिलीपींस है उसने इसको तैयार किया था। तो बच्चों इसका नाम है IR, इसका फुल फॉर्म है IRRI, इंटरनेशनल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट, ठीक है बच्चों। तो आप कह सकते हैं यहाँ पे ये स्टेटमेंट करेक्ट है, ये भी स्टेटमेंट करेक्ट है, ये भी स्टेटमेंट करेक्ट है। तो बच्चों आपको यहाँ पे इनकरेक्ट पूछा है, तो आंसर यहाँ पे कौन सा हो गया, फर्स्ट ये व्हीट की वैरायटी नहीं है, ये राइस की वैरायटी है। एक बच्चों मैं आपको एडवाइस यहाँ पे देना चाहूंगा कि कुछ बच्चे सोचते हैं कि IR8 जो है वो अपने इंडिया में है, नहीं, IR8 जो है वो फिलीपींस की वैरायटी थी जिसका हमने यूज करके राइस की वैरायटी तैयार की है। राइस की भी कौन सी वैरायटी, राइस की भी सेमी ड्वार्फ वैरायटी, तो कोई दिक्कत नहीं है बच्चों, इसका आंसर कौन सा हो गया, फर्स्ट ऑप्शन हो गया। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 134, विच वन इज ओड अबाउट सेकेरम बारबेरी वैरायटी। बच्चों सेकेरम बारबेरी जो है ये वैरायटी है सुगर केन की, जो बच्चों यहां सुगर केन है आप कह सकते हैं ये सुगर केन की वैरायटी है, गन्ने की वैरायटी है। और सेकेरम बारबेरी दो वैरायटी है, एक तो है सेकेरम बारबेरी और दूसरी बच्चों यहां पर है सेकेरम ऑफिसिलेरम। एक तो सेकेरम बारबेरी और दूसरी बच्चों यहां पे कौन सी है, सेकेरम ऑफिसिलेरम। जो सेकेरम बारबेरी है ये बच्चों आप कह सकते हैं नॉर्थ इंडिया की वैरायटी है, और जो सेकेरम ऑफिसिलेरम है वो साउथ इंडिया की वैरायटी है। हम बच्चों यहां पे सेकेरम बारबेरी किस्म जो है उसके बारे में डिस्कशन करना चाहेंगे। तो सेकेरम बारबेरी के बारे में है, नॉर्थ इंडियन वैरायटी, बिल्कुल करेक्ट है। लो प्रोडक्शन ऑफ सुगर, बिल्कुल करेक्ट है। थिन स्टेम, बिल्कुल करेक्ट है। बच्चों एक्चुअली क्या होता है, ये जो सेकेरम बारबेरी है, ये जो गन्ना है, ये जो शुगर केन है, इसका जो स्टेम है वो बहुत थिन होता है, बहुत पतला होता है। और इतना तो आप सब जानते हो कि गन्ने में हम जो शुगर बनाते हैं, हम जो जूस निकालते हैं वो उस स्टेम से आता है। स्टेम मोटा होगा तो जूस ज़्यादा निकलेगा, ज़्यादा प्रोडक्शन होगा। स्टेम अगर थिन होगा तो जूस कम निकलेगा, प्रोडक्शन भी कम होगा। तो अपन यहाँ पे कह सकते हैं कि सेकेरम बारबेरी जो है इसका स्टेम थिन है जिससे तो प्रोडक्शन होता है। रिच अमाउंट ऑफ शुगर, नो, ये बच्चों यहाँ पे रॉन्ग है, क्योंकि सेकेरम बारबेरी जो है उसका प्रोडक्शन कम है, उसका स्टेम काफी पतला है, उसमें शुगर का जो कंटेंट है वो बच्चों काफी कम होता है। रिच अमाउंट ऑफ शुगर यहाँ पे नहीं होती है। तो आपको पूछा है विच वन इज ओड अबाउट सेकेरम बारबेरी वैरायटी, कौन सा इनमें से विषम है। तो देखो बच्चों तीन तो यहाँ पे सही है, ये एक यहाँ पे गलत है, तो विषम ओड बच्चों यहाँ पे कौन सा हो गया, फर्स्ट हो गया रिच अमाउंट ऑफ शुगर, समझ रहे। चलिए आगे चलते इसके बाद में, क्वेश्चन नंबर 135, Which pair of phytohormones? Which pair of phytohormones is used in plant tissue culturing? निम्न में से कौन सा पादप हार्मोन का युग्म PTC उपयोग में आता है, पादप उत्तक संवर्धन तकनीक में काम में आता है। देखिए होता बच्चों यहां पर क्या है, जैसे ये अपने पास में एक कल्चर मीडियम होता है, और इस कल्चर मीडियम में हम लोग बच्चों प्लांट की कोई भी सेल ले लेते हैं। हमने प्लांट की यहाँ पर सेल ले ली, लेकिन बच्चों वो सेल का लिविंग होना जरूरी है। जैसे मान लो जाइलम है तो वो तो नॉन लिविंग सेल है, हम उसका यूज नहीं कर सकते। हमने बच्चों क्या किया, एक कल्चर मीडियम लिया, इस कल्चर मीडियम में आपने क्या किया, इस कल्चर मीडियम के अंदर हमने प्लांट की सेल डाल दी। फिर बच्चों प्लांट की सेल क्या करती है, कल्चर मीडियम में डिविजन करती है, और जब इसमें डिवीजन होगा तो बच्चों यहां पर सेल्स का एक ग्रुप बन जाता है, ग्रुप ऑफ सेल्स। लेकिन बच्चों ये जो सेल्स है ना,
वो अनडिफरेंशिएटेड है। ये यहां पे क्या बन गया, गुच्छा बंच बन गया, ग्रुप ऑफ अनडिफरेंशिएटेड सेल्स। जो बच्चों अपने पास में अनडिफरेंशिएटेड सेल है, जो अविभेदित कोशिका है, उनका ग्रुप बन गया, ग्रुप बन गया सेल का। ये तो हमारे समझ में आता है, लेकिन सर ये अनडिफरेंशिएटेड का मतलब क्या है? डियर स्टूडेंट्स, अनडिफरेंशिएटेड का मतलब ये है कि अभी ये जो सेल्स हैं, इन सेल्स का जो वर्क है वो बच्चों डिफाइन नहीं है, इनका फंक्शन, इनका कार्य जो है वो अभी निर्धारित नहीं है, वो निश्चित नहीं है, वो अनफिक्स्ड है। समझ रहे? मतलब ऐसा नहीं है कि भाई ये सेल्स आगे जाके रूट बनाती है, ये सेल्स आगे जाके स्टेम बनाएगी, ये बच्चों अभी फिक्स नहीं है, इनका फंक्शन अभी अनफिक्स्ड है, इसे हम कहते हैं अनडिफरेंशिएटेड सेल। तो बच्चों क्या बन गया, ग्रुप ऑफ अनडिफरेंशिएटेड सेल। फिर बच्चों हम लोग क्या करते हैं, ये कल्चर मीडियम, हम लोग यहां पे ऑक्सिन एंड साइटोकाइनिन हार्मोन का यूज करते हैं। हम लोग यहां पे ऑक्सिन एंड साइटोकाइनिन हार्मोन का यूज करते हैं। इन हार्मोनों से बच्चों क्या होता है, इन हार्मोनों से ये जो आप यहां पर कैलस देख रहे हो बच्चों, इस कैलस में रूटिंग रूट बन जाती है बच्चों, यहां पे स्टेम बन जाता है। तो हम कह सकते हैं कि प्लांट टिश्यू कल्चरिंग के अंदर हम लोग कौन से हार्मोन काम में लेते हैं, ऑक्सिन एंड साइटोकाइनिन, ये हार्मोन यूज करते हैं। इन हार्मोन्स के यूज करने से क्या होता है, रूटिंग एंड शूटिंग, रूट का निर्माण, शूट का निर्माण हो जाता है। दैट इज कॉल्ड मोर्फोजेनेसिस। मोर्फोजेनेसिस अंग निर्माण। तो याद रखना बच्चों, प्लांट टिश्यू कल्चरिंग में हम लोग जो ये फाइटो हार्मोन्स यूज में लेते हैं, बच्चों क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है नीट में कि प्लांट टिश्यू कल्चरिंग में फाइटो हार्मोन्स का यूज क्यों करते हैं, रूट के फॉर्मेशन के लिए, स्टेम के फॉर्मेशन के लिए, मतलब मोर्फोजेनेसिस के लिए, अंग निर्माण के लिए। समझ रहे? ओके, फर्स्ट ऑप्शन यहां पे है ऑक्सिन एंड एबीए। तो देखो बच्चों, ऑक्सिन का यूज तो हम करते हैं, एबीए का यूज नहीं करते हैं। एब्सिसिक एसिड जो है ये तो बच्चों प्लांट ग्रोथ इनहिबिटर है, ये प्लांट की ग्रोथ को आप कह सकते हैं अपोज करता है, प्लांट की ग्रोथ को स्टॉप करता है, इनहिबिट करता है। तो ऑक्सिन सही है, एब्सिसिक एसिड गलत हो गया। ऑक्सिन एंड साइटोकाइनिन बिल्कुल करेक्ट है, एब्सिसिक एसिड एंड इथाइलिन दोनों प्लांट की ग्रोथ को इनहिबिट करते हैं, ऑक्सिन इथाइलिन नहीं। तो बच्चों यहां पे आंसर कौन सा हो गया, सेकंड ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। तो मैं कह सकता हूं कि प्लांट टिश्यू कल्चरिंग के अंदर कौन से प्लांट हार्मोन यूज करते हैं, प्लांट टिश्यू कल्चरिंग में ऑक्सिन एंड साइटोकाइनिन का यूज करते हैं। उससे क्या होता है, उससे जो कैलस है उस कैलस से प्लांट बन जाता है। बच्चों कैलस की जो सेल है वो अनडिफरेंशिएटेड थी, केलस की सेल अनडिफरेंशिएटेड थी, उनके फंक्शन फिक्स नहीं थे, लेकिन जब आपने इन हार्मोन्स का यूज किया, जब आपने इन हार्मोन का यूज किया, तो इन हार्मोन का यूज करने से वो जो अनडिफरेंशिएटेड सेल थी, उन अनडिफरेंशिएटेड सेल्स के ग्रुप से, उस केलस से बच्चों फॉर्मेशन किसका हो गया, रूट का, फॉर्मेशन किसका हो गया, शूट का। दैट इज कॉल्ड मॉर्फोजेनेसिस, ठीक है। और बच्चों इसके लिए हम लोग कौन से हार्मोन का यूज करते हैं, ऑक्सिन का एंड साइटोकाइनिन का, हम बच्चों यहां पर क्या करते हैं, यूज करते हैं। चलिए आगे चलते हैं, इसके बाद में नेक्स्ट, फॉर द डेवलपमेंट ऑफ ए न्यू प्लांट वैरायटी फॉर डिजीज रेजिस्टेंस। एक बात मेरे दिमाग में आई, बहुत अच्छी लाइन है, अगर प्लांट ब्रीडिंग के अंदर अपने को डिजीज रेजिस्टेंस वैरायटी प्रोड्यूस करनी है, रोगों से लड़ने की क्षमता रखने वाली, रोग प्रतिरोधक पादप किस्म का निर्माण करना हो, अगर आपको यहां पे डिजीज रेजिस्टेंस प्लांट प्रोड्यूस करना हो, तो आप जो है यूज करोगे वाइल्ड वैरायटी का, जंगली किस्म का। किसी भी स्पीसीज की जो वाइल्ड वैरायटी होती है, किसी भी जाति की जो जंगली किस्म होती है, उस वाइल्ड वैरायटी के अंदर जो बच्चों रेजिस्टेंस होता है वो बहुत ज्यादा होता है। इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, जनरली अगर आपको डिजीज के लिए रेजिस्टेंस वैरायटी प्रोड्यूस करनी है, तो बच्चों हम लोग किसका यूज करते हैं, हम लोग उस स्पीसीज की वाइल्ड वैरायटी के साथ में क्रॉस करा देते हैं, उस किस्म का जंगली किस्म के साथ क्रॉस करा देते हैं, ताकि रोगों से लड़ने की क्षमता जो है वो आ जाए। चलिए क्वेश्चन पे आते हैं,
for the development of a new plant variety for disease resistance and high yielding, which is the correct sequence of the process. एक रोग प्रतिरोधक क्षमता और उच्च उत्पादन युक्त नई पादप किस्म के विकास के लिए निम्न में से प्रक्रमों का सही क्रम क्या होगा? बिल्कुल देखते हैं, हाइब्रिडाइजेशन ऑफ सिलेक्टेड पेरेंट्स, टेस्टिंग, सिलेक्शन एंड इवेल्युएशन ऑफ द हाइब्रिड्स, रिलीज ऑफ न्यू वैरायटीज, स्क्रीनिंग जर्मप्लाज्म फॉर डिजीज रेजिस्टेंस एंड हाई यील्डिंग। ओके, देखते हैं, देखो प्लांट ब्रीडिंग में क्या सीन है मैं बताऊंगा आपको। बच्चों सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, अगर आपको किसी वैरायटी को तैयार करना है तो बच्चों सबसे पहले क्या करेंगे, उस स्पीस की अगर नई वैरायटी तैयार करनी है तो पहले से जो वैरायटी है हम उनको कलेक्ट कर लेते हैं। मान लो आपको राइस की वैरायटी बनानी है तो राइस की वैरायटी बनाने के लिए राइस की जो पहले की वैरायटीज है हम बच्चों उनको एक साथ कर लेते हैं, उनका कलेक्शन कर लेते हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 200, 500 जितनी भी जो राइस की वैरायटीज है हमने बच्चों सबका क्या कर लिया, कलेक्शन कर लिया। इसको बोलते हैं कलेक्शन ऑफ वेरिएबिलिटीज। आपने यहां पे डिफरेंट डिफरेंट वैरायटीज जो है उनका कलेक्शन कर लिया। मैंने बताया था आपको पिछले वाले क्वेश्चन के अंदर कि एक वैरायटी जो है वो एक जर्म प्लाज्म को, एक वैरायटी एक टाइप के जर्म प्लाज्म को इंडिकेट करती है। तो चाहे जैसे बोल दो कलेक्शन ऑफ वेरिएबिलिटीज या इसे बोल दो स्क्रीनिंग जर्म प्लाज्म फॉर डिजीज रेजिस्टेंस एंड हाई यील्डिंग, हम बच्चों क्या करेंगे, रोग प्रतिरोधकता और उच्च उत्पादन के लिए जर्म प्लाज्म का कलेक्शन करेंगे। सबसे पहले आप ऐसी वैरायटी लेके आओ जिनके अंदर डिजीज के लिए रेजिस्टेंस भी है और दूसरे वैरायटी के अंदर हाई यील्डिंग कैपेसिटी है, उच्च उत्पादक की क्षमता है। बच्चों बात समझ रहे मेरी? तो मैं यहां पे कहूंगा कि बच्चों पहला स्टेप यहां पे हो जाएगा ई। फर्स्ट स्टेप क्या होगा, ई, जिसके अंदर आप लोगों ने क्या किया, जिसके अंदर आप लोगों ने जर्म प्लाज्म का कलेक्शन किया। वो सारी वैरायटीज हमने ले ली जिनके अंदर हाई यील्डिंग भी है और जिनके अंदर हाई रेजिस्टेंस भी है। फिर बच्चों उसके बाद में क्या होगा, फिर इसके बाद में जैसे मान लो आप इस तरीके से प्लांट लेके आ गए, ये बच्चों यहां बहुत सारे प्लांट है, इन प्लांट में से ये सारे प्लांट जो ना बच्चों इनमें हाई यील्डिंग भी है और आप कह सकते हो क्या है, रेजिस्टेंस भी है। अब इनमें वो प्लांट जिनमें सबसे ज्यादा, इनमें वो प्लांट जिनमें सबसे ज्यादा गुड कैरेक्टर है हम उनका सिलेक्शन करते हैं। तो बच्चों उसके बाद में क्या हो गया, उसके बाद में हो गया सिलेक्शन एंड इवेल्युएशन ऑफ द हाई, सॉरी इसके बाद बच्चों क्या होगा, इसके बाद यहां पर होगा वो जर्मप्लाज्म जो आपने यहां पर सेलेक्ट किए हैं, उन जर्म प्लाज्म का हम बच्चों यहां पे क्या करेंगे, चेक करेंगे। उसके बाद स्टेप तो यहां पे होता है इवेल्युएशन एंड सिलेक्शन ऑफ पेरेंट्स, ठीक है, वो बच्चों यहां पे है नहीं, उसके आगे चलते हैं। अब जब आपने सिलेक्शन कर लिया तो सिलेक्शन करने के बाद में क्या कराओगे, सिलेक्शन करने के बाद में ये जो सिलेक्टेड प्लांट है बच्चों इनके बीच में क्रॉस होगा तो क्या हो जाएगा, तो यहां पर हो जाएगा सिलेक्शन, यहां पर हो जाएगा हाइब्रिडाइजेशन ऑफ सिलेक्टेड पेरेंट्स। तो बच्चों ई के बाद में क्या आ जाएगा, ए। देखो बच्चों सबसे पहले क्या करते हैं हम लोग, सबसे पहले जर्म प्लाज्म का कलेक्शन किया, फिर उसके बाद में जो बेटर जर्म प्लाज्म है उनको सेलेक्ट करेंगे, लेकिन बच्चों वो स्टेप यहां पे है नहीं, तो आगे चलो। फिर उनका सिलेक्शन करने के बाद में जो गुड जर्म प्लाज्म है उनके बीच बच्चों क्या होगा, आप कह सकते हो हाइब्रिडाइजेशन होगा। तो यहां पर क्या आ गया, हाइब्रिडाइजेशन ऑफ सिलेक्टेड पेरेंट्स। तो बच्चों ई के बाद में यहां पर क्या आ गया, ए आ गया। फिर हाइब्रिडाइजेशन करने के बाद में क्या होगा, संकरण कराने के पश्चात, हाइब्रिडाइजेशन कराने के पश्चात जो हाइब्रिड्स बनते हैं वो काफी सारे बनते हैं। आपको हाइब्रिडाइजेशन के बाद में बनने वाले हाइब्रिड्स में से बेस्ट हाइब्रिड को सेलेक्ट करना है जिसमें जितने भी जो कैरेक्टर आए हैं वो गुड कैरेक्टर आए। बच्चों ये भी पॉसिबिलिटी होती है, अगर प्लांट्स के बीच में क्रॉस होता है तो बनने वाली जो प्रोजेनीज होती है उनमें से कुछ प्रोजेनीज, कुछ संततियां ऐसी होती हैं जिनमें सारे गुड कैरेक्टर होते हैं, कुछ संततियां ऐसी हैं जिनमें ऑलमोस्ट कैरेक्टर बैड होते हैं, कुछ ऐसे हैं जिनमें गुड कैरेक्टर भी है बैड कैरेक्टर भी है। तो उन हाइब्रिड में से आपको वो हाइब्रिड चूज करना है जिनमें ऑलमोस्ट कैरेक्टर कैसे होते हैं, गुड होते हैं। तो बच्चों इसके बाद में क्या हो गया, सिलेक्शन एंड इवेल्युएशन ऑफ द हाइब्रिड, जो गुड हाइब्रिड है हम बच्चों क्या करते हैं उसका सिलेक्शन करते हैं, सी हो गया। फिर उसके बाद क्या करते हैं,
फिर वो जो हाइब्रिड आपने चुना है जो कि आपके हिसाब से बिल्कुल परफेक्ट है, जिसमें मैक्सिमम गुड कैरेक्टर है, हम बच्चों उसकी टेस्टिंग करते हैं, उसको उगाते हैं, उसकी टेस्टिंग करते हैं, देखिए सही है या नहीं है। तो बच्चों उसके बाद में क्या हो गया, बी। उसके बाद में बच्चों उसके बाद में यहां पे होगा डी, रिलीज ऑफ न्यू वैरायटीज। फिर बच्चों हम लोग क्या करते हैं, ये जो यहां पे नई वैरायटी बनी है इसको बच्चों रिलीज कर देते हैं, उसका जो कॉमर्शियलाइजेशन है, जो व्यापारीकरण है वो कर देते हैं। तो बच्चों ई ए सी बी डी आंसर यहां पे होगा, थर्ड ऑप्शन ई ए सी बी डी, ठीक है आंसर बच्चों यहां पे आ गया थर्ड ऑप्शन। मेरे ख्याल से कोई दिक्कत नहीं। देखो बच्चों अपने यहां कह सकते हैं क्वेश्चन पूरा का पूरा एनसीईआरटी का ही है, एनसीईआरटी की भाषा का हमने यहां पे यूज किया है, तो मेरे ख्याल से कोई डाउट आपको इसमें आना नहीं चाहिए। अच्छे से आप कॉन्सेप्ट को क्लियर करते हुए आगे चलिए। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 137, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट कर्ड फॉर्मेशन। दही निर्माण के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। बिल्कुल, लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया कंप्लीटली डाइजेस्ट मिल्क प्रोटीन, लैक्टिक अम्ल जीवाणु दुग्ध प्रोटीन का पूर्णतः पाचन करते नहीं। बच्चों एनसीईआरटी में साफ साफ लिखा है, जिससे बच्चे कई बार गौर ही नहीं करते, बच्चों वहां लिखा है कि जो अपने पास में लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया है वो मिल्क प्रोटीन का कंप्लीटली डाइजेशन नहीं करते, बल्कि बच्चों वो वहां पे पार्शियली डाइजेशन करते हैं। अगर बच्चों मिल्क प्रोटीन का कंप्लीट डाइजेशन हो गया तो फिर बच्चे का क्या, तो हम यहां पे कह सकते हैं लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया जो होते हैं वो मिल्क प्रोटीन का कोगुलेशन करते हैं, या आप कह सकते हैं उसका कंप्लीटली डाइजेशन नहीं करते बल्कि उसका जो पार्शियली डाइजेशन है वो करते हैं। बात समझ रहे हैं, ये पहले बच्चों यहां पे कंडीशन है। तो फर्स्ट बिल्कुल यहां पे करेक्ट स्टेटमेंट है, बैक्टीरिया इंक्रीज, सॉरी ये रॉन्ग स्टेटमेंट हो गया ना, लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया जो है वो कंप्लीटली डाइजेशन करते हैं, ये यहां पे रॉन्ग स्टेटमेंट है, पार्शियली करते हैं। बैक्टीरिया इंक्रीज द वैल्यू ऑफ विटामिन B12, बिल्कुल सही है, जो बच्चों बैक्टीरिया होता है वो विटामिन B12 जो है उसकी अमाउंट को बढ़ाते हैं, जो कि हमारे लिए बेनिफिशियल है। बैक्टीरिया ऑल्सो हेल्पफुल टू चेक द ग्रोथ ऑफ डिजीज कॉजिंग बैक्टीरिया इन स्टोमक, बिल्कुल बच्चों एनसीईआरटी की लाइन है। जीवाणु क्या करते हैं, जो लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया होते हैं वो क्या करते हैं बच्चों, ये जो लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया है वो हमारे पेट में जो डिजीज कॉज करने वाले बैक्टीरिया है बच्चों उनकी ग्रोथ को स्टॉप कर देते हैं। बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है। मिल्क इज चेंज्ड इनटू कर्ड विद द हेल्प ऑफ यूकैरियोटिक बैक्टीरिया, नो बच्चों बैक्टीरिया यूकैरियोटिक होते नहीं है बल्कि प्रोकैरियोटिक होते हैं, तो हम कह सकते हैं स्टेटमेंट यहां पे रॉन्ग हो गया। तो देखो हाउ मेनी स्टेटमेंट्स आर रॉन्ग, यहां पे बच्चों आपको रॉन्ग स्टेटमेंट पूछे हैं, है ना, तो ए जो है वो रॉन्ग है, बी स्टेटमेंट यहां पर जो है वो करेक्ट है, सी स्टेटमेंट करेक्ट है, डी स्टेटमेंट बच्चों यहां पे क्या हो गया, रॉन्ग हो गया। तो हाउ मेनी स्टेटमेंट्स आर रॉन्ग, आंसर बच्चों यहां पे हो गया थर्ड ऑप्शन। यहां करेक्ट भी 2 है और इनकरेक्ट भी कितने हैं, 2 है। ठीक है बच्चों आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 138, साइक्लोस्पोरिन ए इज प्रोड्यूस्ड बाई, साइक्लोस्पोरिन ए का उत्पादन कैसे होता है। तो बच्चों बकायदा हम जानते हैं कि साइक्लोस्पोरिन ए जो होता है, ये साइक्लोस्पोरिन ए क्या करता है बच्चों, ये इम्यूनोसप्रेसिव है, जो इम्यूनिटी है उसको बच्चों एक बार कुछ टाइम के लिए सप्रेस कर देता है, ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन में इसका यूज होता है। तो साइक्लोस्पोरिन ए जो है इसका प्रोडक्शन हम बच्चों करते हैं, आप कह सकते हैं ट्राइकोडर्मा पॉलिस्पोरम से करते हैं, बिल्कुल बच्चों मोनास्कस परप्यूरियस से यीस्ट का प्रोडक्शन होता है, न कि साइक्लोस्पोरिन ए का, स्ट्रेप्टोकोकस से स्ट्रेप्टोकाइनेस बनता है, न कि साइक्लोस्पोरिन ए, एस्परजिलस नाइगर से सिट्रिक एसिड बनता है, न कि साइक्लोस्पोरिन ए। तो बच्चों साइक्लोस्पोरिन ए जो है इसका प्रोडक्शन कौन करता है, साइक्लोस्पोरिन ए का प्रोडक्शन करता है, यहां हम कह सकते हैं ट्राइकोडर्मा पॉलिस्पोरम। तो बताओ बच्चों करेक्ट आंसर क्या हो गया, ट्राइकोडर्मा पॉलिस्पोरम हो गया, समझ गए। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 139, एंटीबायोटिक कैन ऑब्टेन, एंटीबायोटिक किससे प्राप्त की जाती है, ओनली फ्रॉम बैक्टीरिया। देखो बच्चों मैं बता दूंगा, मेन बात यह है कि एंटीबायोटिक जो होती है ना, ये एंटीबायोटिक हम लोग ऑब्टेन करते हैं बैक्टीरिया से निकालते हैं, फंजाई से निकालते हैं मेनली, तो बैक्टीरिया और फंजाई इन दो से ही मेनली एंटीबायोटिक निकालते हैं, इसके अलावा
एक बच्चों यहां पे होता है क्लोरेलिन। देखो बच्चों ये एनसी एंटीबायोटिक है जो एल्गी से निकालते हैं, लेकिन ये एक्सेप्शन है, मेनली कहां से निकालते हैं, बैक्टीरिया से एंड फंजाई से। तो एंटीबायोटिक कैन ऑब्टेन ओनली फ्रॉम बैक्टीरिया, नो, फ्रॉम बैक्टीरिया एंड एनिमल्स, नो, एनिमल से नहीं निकालते, फ्रॉम बैक्टीरिया एंड फंजाई, बिल्कुल करेक्ट है, बैक्टीरिया फंजाई से, ओनली फ्रॉम फंजाई, नो। तो हम कह सकते हैं एंटीबायोटिक कैन ऑब्टेन फ्रॉम बैक्टीरिया एंड फंजाई। बच्चों करेक्ट आंसर इसका क्या हो गया, थर्ड ऑप्शन हो गया। इसका सही आंसर कौन सा हो गया, तीसरा ऑप्शन हो गया। ये बच्चों मैंने आपको एक हल्की सी एक्स्ट्रा बात बताई है, मान लो बाय चांस इसे पूछ ले सपोज कि एंटीबायोटिक का फॉर्मेशन ओनली बैक्टीरिया एंड फंजाई से होता है, नो, ये ऐसी एंटीबायोटिक है जो एल्गी से आती है, क्लोरेला से आती है, क्लोरेलिन। ठीक है बच्चों, आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 140 के अंदर। Which one of following is odd? निम्न में से कौन सा एक विषम है, विषम कौन सा है? Acetic acid production of bacteria. बच्चों acetic acid जो है इसका production अगर आप देखें तो acetic acid का production होता है acetobacter acetae से, जो कि बिल्कुल एक bacteria है। Butyric acid इसका production होता है Clostridium butylicum से, ये भी बच्चों क्या है, एक bacteria है। सिट्रिक एसिड ये जो है बच्चों इसको हम ऑब्टेन करते हैं एस्परजिलस नाइगर से, और जो एस्परजिलस नाइगर है वो बच्चों एक फंजाई है, ये दोनों हो गया। लैक्टिक एसिड ये निकलता है लैक्टोबैसिलस बैसिलाई से, बैक्टीरिया है, बिल्कुल सही है। तो बच्चों अपन कह सकते हैं कौन सा ओड हुआ, थर्ड ऑप्शन, सिट्रिक एसिड जो है इस सिट्रिक एसिड का प्रोडक्शन बैक्टीरिया से आप कह सकते हैं नहीं होता है, बल्कि फंजाई से होता है। और बच्चों वो फंजाई कौन सा है, बिल्कुल बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट है, एलसीटी दे रखा है, ये जो फंजाई है जो सिट्रिक एसिड का प्रोडक्शन करता है इस फंजाई का नाम है एस्परजिलस नाइगर। तो बच्चों आंसर कौन सा हो गया, तीसरा हो गया, ये यहां पे रॉन्ग है, ये यहां पे ओड है। आगे चलते हैं 141, सीवेज ट्रीटमेंट प्रोसेस इन विच ए पार्ट ऑफ डीकंपोजर्स माइक्रोब्स is recycled into starting process is, वाहिक मल उपचार का कौन सा भाग जिसमें अपघटक सूक्ष्म जीवों का उपयोग आरंभिक प्रक्रिया के पुनः आरंभन के लिए करते हैं, मतलब जो माइक्रोब्स है, जो डीकंपोजर्स माइक्रोब्स है, इन डीकंपोजर माइक्रोब्स को हम वापस यूज करते हैं किसी प्रोसेस को स्टार्ट करने के लिए, तो कौन से है, ए पार्ट ऑफ डीकंपोजर्स माइक्रोब्स is recycled into starting process is, ये बच्चों पार्ट यहां पे कौन से हैं, प्राइमरी ट्रीटमेंट। बच्चों प्राइमरी ट्रीटमेंट के अंदर तो माइक्रोब्स का यूज ही नहीं होता, वहां तो सेडिमेंटेशन होता है, वहां तो फिल्ट्रेशन होता है, तो प्राइमरी ट्रीटमेंट यहां पे नहीं जाएगा। एक्टिवेटेड स्लज, बिल्कुल जो एक्टिवेटेड स्लज है जो कि आप कह सकते हैं सेकेंडरी ट्रीटमेंट, जैसे सेकेंडरी ट्रीटमेंट जो होता है बच्चों, सेकेंडरी ट्रीटमेंट के अंदर क्या होता है, पहले काम आता है एरोबिक टैंक, फिर बच्चों यहां पे आता है एन एरोबिक टैंक। तो ये जो यहां पर एरोबिक टैंक होता है ना, इस एरोबिक टैंक के अंदर बैक्टीरिया भी होते हैं, फंजाई भी होते हैं। ये क्या करते हैं बच्चों, ये एरोबिक टैंक में जो बैक्टीरिया फंजाई है वो ऑर्गेनिक सबस्टांस को, जो मल होता है, जो एक्सक्रीटरी सबस्टांस है, उसको बच्चों डीकंपोज करते हैं, तो उनके लिए टर्म यूज की गई है डीकंपोजर। तो डीकंपोजर टर्म किसके लिए यूज की गई है, ऑर्गेनिक सबस्टांस को डीकंपोज करने वालों के लिए, जो कि बैक्टीरिया है, जो कि फंजाई है, समझ रहे। ये बैक्टीरिया फंजाई एरोबिक टैंक में होते हैं, हम लोग बच्चों क्या करते हैं, जैसे ही एरोबिक टैंक के अंदर ये जो एक्टिवेटेड स्लज है वो डाल देते हैं, तो फिर बच्चों क्या होता है, इस एरोबिक टैंक के अंदर जो बैक्टीरिया है, जो फंजाई है, वो बच्चों आप कह सकते हैं जो ऑर्गेनिक सबस्टांस है, जो एक्सक्रीटरी सबस्टांस है, जो उत्सर्जी पदार्थ है, उनका बच्चों क्या करते हैं, ये डीकंपोजिशन करते हैं और खुद के नंबर को इंक्रीज करते हैं। ध्यान दे बात को, एक्सक्रीटरी सबस्टांस धीरे धीरे क्या हो रहे हैं, कम हो रहे हैं, मल पदार्थ धीरे धीरे कम हो रहा है,
ऑर्गेनिक सबस्टांस धीरे धीरे बच्चों कम हो रहा है, लेकिन बैक्टीरिया फंजाई की खुद के नंबर जो है वो बच्चों धीरे धीरे क्या हो रहे हैं, इंक्रीज हो रहे हैं। हम लोग क्या करते हैं, इसको बच्चों बोलते हैं एक्टिवेटेड स्लज, जहां पे ऑर्गेनिक सबस्टांस तो क्या हो रहा है कम और माइक्रोब्स क्या हो रहे हैं ज्यादा, ये एक्टिवेटेड स्लज है, ये सक्रिय आपक है। इस एक्टिवेटेड स्लज का हम बच्चों कुछ पार्ट रख लेते हैं ताकि इन फ्यूचर जब दोबारा हम यहाँ पे सेकेंडरी ट्रीटमेंट करें तो इस एरोबिक टैंक के अंदर वो बैक्टीरिया फंजाई होने चाहिए वो बच्चों पहले से निकाल के रख देते हैं। जिस तरीके से दही बनाने के लिए कर्ड फॉर्मेशन के लिए आप थोड़ा सा कर्ड रखते हो उसको दूध में डाल देते हैं ताकि कर्डिंग हो जाए, उसी तरीके से बच्चों हम लोग क्या करते हैं, जहां पे आपने एज ए इनोकुलम कर्ड का यूज किया था बच्चों यहां पर एरोबिक टैंक के अंदर एज एन इनोकुलम आप यूज करते हो एक्टिवेटेड स्लज का, समझ रहे बात को। तो बच्चों आंसर यहां पे क्या हो गया, एक्टिवेटेड स्लज फिजिकल ट्रीटमेंट। बच्चों प्राइमरी ट्रीटमेंट फिजिकल ट्रीटमेंट तो एक ही बात है, या तो माइक्रोब्स का यूज ही नहीं होता, टर्शियरी ट्रीटमेंट ये बच्चों होता ही नहीं है, ट्रीटमेंट खाली दो ही होते हैं, एक तो प्राइमरी और एक सेकेंडरी, ठीक है। आंसर यहां पे हो गया सेकेंड ऑप्शन, ठीक है बच्चों आगे चलते हैं। उसके बाद में है विच इज अनमेस्ड, तो देखो बेटा यहां पे आपको जो अनमेस्ड है बच्चों, यहां पर जो अनमेस्ड है आपको उसका सिलेक्शन करना है। देखिए राइजोबियम कैन इंक्रीज द फर्टिलिटी ऑफ सोइल, एनसीईआरटी में लिखा है कि अगर कोई माइक्रोब फर्टिलिटी को इंक्रीज करे उन्हें बच्चों बोलते हैं बायो फर्टिलाइजर, वो है बायो फर्टिलाइजर। और बायो फर्टिलाइजर के अंदर बैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया एंड फंजाई का यूज होता है। तुम कह सकते हैं बैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया, फंजाई ये बायो फर्टिलाइजर है, मतलब जो फर्टिलिटी है उसको बच्चों इंक्रीज करते हैं। राइजोबियम क्या है, बैक्टीरिया, बिल्कुल फर्टिलिटी को इंक्रीज कर सकते हैं। फ्रंकिया बच्चों ये भी अपने पास में क्या है, आप कह सकते हैं बैक्टीरिया है, फर्टिलिटी को इंक्रीज कर सकते हैं। एनाबिना ये क्या है, साइनोबैक्टीरिया है बच्चों, ये भी फर्टिलिटी को इंक्रीज कर सकते हैं। वायरस जो है ये बच्चों फर्टिलिटी को इंक्रीज नहीं कर सकते, ये बायो फर्टिलाइजर नहीं है। तो अपन यहां पे कह सकते हैं कि ये जो बायो फर्टिलाइजर है, अब कुछ बच्चों के डाउट हो सकता है कि सर बेकुलो वायरस तो था, अरे भाई बेकुलो वायरस जो है वो आप कह सकते हो जो सोइल की फर्टिलिटी है उसको इंक्रीज नहीं करता, बल्कि जो हार्मफुल इंसेक्ट है उनको किल करता है। बच्चे कह रहा पूछते हैं कि सर आपने पढ़ाया तो था कि जो बेकुलो वायरस है वो भी होता है, अरे बेकुलो वायरस जो है वो सोइल में है लेकिन वो बच्चों इंसेक्ट्स को किल करता है, न कि उस सोइल की फर्टिलिटी को इंक्रीज करता है। तो बच्चों वायरस जो है वो एज ए बायो फर्टिलाइजर यूज में नहीं आएगा, वो जो यहाँ पे सोइल की फर्टिलिटी है उसको इंक्रीज नहीं कर सकता। तो बच्चों यहाँ पे अनमेस्ट कौन सा हो गया, फोर्थ ऑप्शन हो गया, समझ रहे बात को, ये कंडीशन यहाँ पे। आगे देखते हैं द मेन कॉम्पोनेंट ऑफ गोबर गैस इज CH4 CO2 H2S या N2O, गोबर गैस का मुख्य घटक क्या है। देखो बच्चों बायोगैस जो है उसमें सबसे ज्यादा क्या होता है, ये बच्चों मीथेन है, उसके बाद CO2 होती है, लेकिन बच्चों सबसे ज्यादा मेन कंपोनेंट जो है, देखो वैसे तो बच्चों CH4 एंड CO2 दोनों ही मेन कंपोनेंट है, लेकिन ज्यादा अमाउंट किसकी होती है, CH4 की होती है, ज्यादा अमाउंट किसकी होती है, मीथेन की होती है। तो बच्चों आंसर यहां पर कौन सा हो गया, फर्स्ट ऑप्शन हो गया। अब बच्चों अपन यहां करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 144, विच इज मिसमैच्ड हाइब्रिड वैरायटी फॉर देयर डिजीज रेजिस्टेंस, निम्न में से कौन सी संकरित प्रजाति उसकी रोग प्रतिरोधकता के साथ सही सुमेलित नहीं है, पूसा स्वर्णिम वाइट रस्ट, पूसा कोमल चिली मोजेक वायरस, हिमगिरी लीफ एंड स्ट्रिप रस्ट, पूसा सदाबहार टबेको मोजेक वायरस, बिल्कुल। तो देखो बच्चों यहां पे जो मिसमैचिंग है वो अपने सामने है पूसा कोमल की, पूसा कोमल जो है, पूसा कोमल जो है ये बच्चों लोबिया की वैरायटी है, जो काउपी है आप कह सकते हैं,
जो काउपी है बच्चों उसकी वैरायटी है, और इसमें जो रेजिस्टेंस है वो बच्चों है बैक्टीरियल ब्लाइट के लिए। किसके लिए है? बैक्टीरियल ब्लाइट के लिए। तो अपन यहां कह सकते हैं कौन सा मिसमैच है, पूसा कोमल। ये बच्चों यहां पर जो है इसमें चिली मोजेक वायरस के लिए रेजिस्टेंस नहीं है, बल्कि चिली मोजेक वायरस जो है उसके लिए रेजिस्टेंस किसमें है? पूसा सदाबहार में है। ये बच्चों चिली की एक यहाँ पे वैरायटी है जिसमें चिली मोजेक वायरस एंड टबेको मोजेक वायरस दोनों के लिए क्या रेजिस्टेंस है? बिल्कुल, जो बच्चों एनसीईआरटी की टेबल है उसमें दे रखा है। तो आंसर यहाँ पे कौन सा हो गया? सेकंड हो गया। आगे चलते बच्चों। हाँ बच्चों, नेक्स्ट अपन क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पर 145, विच इज रिप्रेजेंटेड बाई ए इन गिवन फिगर। चित्र में दिए गए ए द्वारा किसे प्रदर्शित किया गया है? देखिए ये बच्चों यहाँ पर जो डायग्राम आप देख रहे हो ये अपने एनसीईआरटी का डायग्राम है। जैसे कि पता है आपको नीट में जो डायग्राम्स आते हैं वो एनसीईआरटी से स्कैन करते हैं, तो बच्चों अपने भी यहाँ पे एनसीईआरटी का डायग्राम लिया है। एंड ये जो यहाँ पे डायग्राम है आप देख सकते हैं जो फंजाई है वो बच्चों फंजाई की कॉलोनी को शो करता है। तो कॉलोनीज ऑफ बैक्टीरिया ग्रोइंग इन ए पेट्री डिश, नो, फंगल कॉलोनी ऑन पेट्री डिश, बिल्कुल सही है। कॉलोनी ऑफ कोकस बैक्टीरिया, कॉलोनी ऑफ रोडशेप बैक्टीरिया। तो देखो बच्चों अपने पास ये एनसीईआरटी का डायग्राम है, और बच्चों एनसीईआरटी के डायग्राम को भी आपको बहुत अच्छे से पढ़ना है। उसमें जो लेबलिंग का देखिए, उसमें जो नाम लिखे हुए बच्चों वो भी आपको बहुत अच्छे से पढ़ना है। तो क्वेश्चन नंबर 145 में बच्चों करेक्ट आंसर यहाँ पे कौन सा हो गया? सेकंड इसका करेक्ट आंसर हो गया। आगे देखते हैं, विच स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट फॉर एंटीबायोटिक। प्रतिजैविक के बारे में कौन सा कथन गलत है? द बेसिक मीनिंग ऑफ एंटीबायोटिक इज प्रो लाइफ विद रेफरेंस ऑफ ह्यूमन। प्रतिजैविक का मूल अर्थ मनुष्य के संदर्भ में जीवन के लिए है। बिल्कुल बच्चों सही है। हम लोग जो एंटीबायोटिक लेते हैं वो एंटीबायोटिक हमारी बॉडी में जाके जो माइक्रोब है, जो डिजीज कोज करने वाला माइक्रोब है उसे किल करती है, उसे खत्म करती है और अपने को बचाती है, अपने को सेव रखती है। तो मैं कह सकता हूं बिल्कुल सही स्टेटमेंट है कि जो एंटीबायोटिक है उसका बेसिक मीनिंग ह्यूमन के रेफरेंस में क्या है? प्रो लाइफ है। एंटीबायोटिक कैन बी सिक्रेटेड फ्रॉम प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म, बिल्कुल सही है। एंटीबायोटिक का जो बच्चों सिक्रेशन है वो बैक्टीरिया मतलब प्रोकैरियोटिक, फंजाई मतलब यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म से हो सकता है। अब देखो बच्चों एनसीईआरटी की जो लैंग्वेज है वही है, हल्का सा मैंने इसको मॉडिफाई कर दिया, ये एनसीईआरटी बेस्ड हो गया। आगे देखिए, एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन आर ओनली प्रेजेंट इन मेन डीएनए, क्रोमोसोमल डीएनए ऑफ बैक्टीरिया। बच्चों ये भी लाइन आप कह सकते हैं यहाँ पे ये स्टेटमेंट क्या है? ये रॉन्ग है। अब ये कैसे रॉन्ग हुआ? ये भी एनसीईआरटी में है। एनसीईआरटी में जो 11th क्लास के अंदर सेल बायोलॉजी वाला चैप्टर है आपने कभी गौर किया होगा, वहां लिखा हुआ है कि जो बैक्टीरिया होता है उसमें एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल जो है उसमें बैक्टीरिया में एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए होता है जिसको प्लाज्मिड कहते हैं, और उस प्लाज्मिड के अंदर एंटीबायोटिक के लिए रेजिस्टेंस जीन होते हैं। तो देखो बच्चों यहाँ प्लाज्मिड की बात ही नहीं कर रहा, यहाँ एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए की बात नहीं कर रहा, यहाँ तो क्रोमोसोमल डीएनए की बात कर रहे हैं। तो बच्चों बिल्कुल अपन कह सकते हैं स्टेटमेंट कैसा हो गया? रॉन्ग हो गया। अब ये एनसीईआरटी में है, इस चैप्टर में नहीं है, लेकिन एनसीईआरटी के सेल बायोलॉजी वाले चैप्टर में है। ठीक है स्टूडेंट्स, आगे देखिए, द फर्स्ट डिस्कवर्ड एंटीबायोटिक इज सीक्रेटेड बाई फंजाई, बिल्कुल, और उसका नाम क्या था? पेनिसिलिन। फंजाई का नाम क्या था? पेनिसिलियम नोटेटम। तो देखो बच्चों चार यहां पे स्टेटमेंट है, चारों एनसीईआरटी के। हाँ जी, इनकरेक्ट कौन सा है? फर्स्ट करेक्ट है, बी जो है ये करेक्ट है, सी बच्चों यहां पे रॉन्ग हो गया, डी करेक्ट है। तो बच्चों आंसर कौन सा हो गया? थर्ड ऑप्शन हो गया, क्योंकि आपको रॉन्ग ही पूछा है। आगे देखते हैं, इन विच वन ऑफ फॉलोइंग फूड क्वालिटी इज इंप्रूव्ड, निम्न में से किस एक की भोजन गुणवत्ता में सुधार किया जाता है? निम्न में से किस में जो बच्चों फूड की क्वालिटी है इसको इंप्रूव करते हैं? तो बायोमैग्निफिकेशन नहीं, ये पढ़ा था आपने इकोलॉजी के अंदर। बायोमैग्निफिकेशन के अंदर तो जो टॉक्सिक सब्सटेंस होते हैं, जो विषैले पदार्थ है, उनकी मात्रा बढ़ती है अगले पोषण स्तर में, नेक्स्ट ट्रॉफिक लेवल में, यहां रॉन्ग हो गया। बायोफोर्टिफिकेशन बिल्कुल सही है। बच्चों बायोफोर्टिफिकेशन में हम लोग क्या करते हैं? हम लोग प्लांट ब्रीडिंग के थ्रू, पादप प्रजनन के द्वारा ऐसी ऐसी किस्में बनाते हैं जिसमें जो बच्चों पोषक पदार्थ है वो ज्यादा हो। बायोसिस्टमैटिक्स नहीं, तो क्लासिफिकेशन में आता है। बायो इन्फॉर्मेटिक्स नहीं,
ये बच्चों आप कह सकते हो मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में आता है, यहाँ पे जो जेनेटिक इंफॉर्मेशन उनको स्टोर करते हैं। तो ऐसी कौन सी ब्रांच है जिसमें फूड की जो क्वालिटी है उसको इंप्रूव करते हैं, ये बच्चों कौन सा हो गया, आप कह सकते हैं बायो फोर्टिफिकेशन हो गया, आंसर यहां पे हो गया सेकंड। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 148, सेलेक्ट द मिसमैच्ड, गलत मिलान का चयन कीजिए, बिल्कुल करेंगे। यीस्ट एथेनॉल प्रोडक्शन, यीस्ट जो है वो एथेनॉल का उत्पादन करता है, बिल्कुल सही है। स्ट्रेप्टोकाइनेस वो क्लोट बूस्टर है, बिल्कुल सही है। जो बच्चों थक्का है उस थक्के को खत्म करने के लिए, थक्के को डिसॉल्व करने के लिए एज ए क्लोट बस्टर हम बच्चों क्या काम में लेते हैं, एज ए क्लोट बस्टर स्ट्रेप्टोकाइनेस काम में लेते हैं। और स्ट्रेप्टोकाइनेस जो है इसको हम बच्चों निकालते हैं स्ट्रेप्टोकोकस बैक्टीरिया से। इसके बाद में लाइपेस, डिटर्जेंट फॉर्मुलेशन, बिल्कुल हमने कहा था डिटर्जेंट को फॉर्मुलेट करने के लिए, मॉडिफिकेशन करने के लिए हम लाइपेस का यूज करते हैं। लैक्टेज इम्यूनोसप्रेसिव, ये बच्चों यहाँ पे रॉन्ग हो गया, इम्यूनोसप्रेसिव जो है वो लैक्टेज नहीं है बल्कि साइक्लोस्पोरिन ए है। तो बच्चों यहाँ पर मिसमैच जो है वो कौन सा हो गया, फोर्थ हो गया, आंसर कौन सा हो गया इसका, फोर्थ हो गया। आगे देखते हैं, इन बायो फोर्टिफिकेशन विच कंटेंट कंटेंट्स इज आर इंक्रीज, जैव पुष्टिकरण में कौन सा या कौन से घटक बढ़ाए जाते हैं, उनकी मात्रा को अधिक किया जाता है। प्रोटीन कंटेंट ओनली, प्रोटीन एंड विटामिन कंटेंट ओनली, प्रोटीन विटामिन एंड ऑयल कंटेंट, या विटामिन कंटेंट ओनली, बच्चों आंसर इसका तीसरा है। हमने पढ़ा था एनसीईआरटी की लाइन है बायो फोर्टिफिकेशन, बायो फोर्टिफिकेशन क्या है, व्हाट इज बायो फोर्टिफिकेशन, बायो फोर्टिफिकेशन के अंदर हम लोग बच्चों क्या करते हैं, प्लांट ब्रीडिंग के थ्रू जो प्लांट में न्यूट्रिशनल वैल्यू है, जो पादप में पोषक पदार्थ है उसको बढ़ाते हैं। जैसे बच्चों दे रखा है एनसीईआरटी के अंदर विटामिन ए की मात्रा को बढ़ाया गया था, गाजर में बढ़ाया गया था, पालक में बढ़ाया गया था, बात समझ रहे, विटामिन सी की मात्रा को बढ़ाया गया था, सरसों में बढ़ाया गया था, करेले के अंदर बढ़ाया गया था, टमाटर के अंदर बढ़ाया गया था। तो बच्चों इस तरीके से अपन यहाँ पे कह सकते हैं कि बायो फोर्टिफिकेशन के अंदर जो विटामिन है उनकी मात्रा भी बढ़ाते हैं, जो प्रोटीन है उनकी मात्रा बढ़ाते हैं, ठीक है, जैसे एटलस 66 है, इसके अलावा जो ऑयल कंटेंट है बच्चों उसकी मात्रा भी बढ़ाते हैं। तो हम यहाँ कह सकते हैं आंसर बच्चों कौन सा हो गया, तीसरा हो गया। हाँ, तो नेक्स्ट बच्चों बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 150, डिस्टिलेशन ऑफ फर्मेंटेड ब्रोथ विल प्रोड्यूस, किण्वन पदार्थ में किसके निर्माण के लिए आसवन विधि संपन्न होती है, विस्की, वाइन, रम, ब्रांडी, बियर। तो देखो बच्चों, जैसे कि अपने को पता है कि एल्कोहल का जो निर्माण है हम लोग यीस्ट से करते हैं, एल्कोहल का निर्माण यीस्ट से करते हैं, लेकिन बच्चों वो जो एल्कोहल बनती है, यीस्ट जो है, ये यीस्ट जो एल्कोहल का फॉर्मेशन करता है, ये जो एल्कोहल बनती है, अब इस एल्कोहल के अंदर कंसंट्रेशन को बढ़ाने के लिए, सांद्रता जो है उसको बढ़ाने के लिए डिस्टिलेशन आसवन मेथड जो है उसका यूज करते हैं। तो बच्चों याद रखना, इसके अंदर ये अपने पास में एक तो वाइन और एक बियर, ये दो ऐसे हैं जिनके अंदर डिस्टिलेशन का यूज नहीं होता, बाकी यहां पे कह सकते हैं विस्की, रम और ब्रांडी, ये तीन यहां पर ऐसे एल्कोहल के टाइप है जिसका हम फॉर्मेशन करते हैं फर्मेंटेशन के बाद में डिस्टिलेशन करके, ठीक है। और बच्चों डिस्टिलेशन करते क्यों है, डिस्टिलेशन इसलिए करते हैं ताकि एल्कोहल जो है उस एल्कोहल की कंसंट्रेशन को इंक्रीज किया जाए। अगर आपको एल्कोहल की कंसंट्रेशन को चेंज करना है तो एल्कोहल की कंसंट्रेशन को चेंज करने के लिए हम बच्चों यहां पर क्या करेंगे, डिस्टिलेशन करेंगे। तो डिस्टिलेशन जो है वो किस किस का होता है, आप कह सकते हैं विस्की, रम एंड ब्रांडी, ACE, ACD। तो बच्चों यहां पे कौन सा आ गया, थर्ड ऑप्शन आ गया, ए विस्की, सी रम और डी बच्चों यहां पे क्या आ गया, ब्रांडी। तो मेरे ख्याल से इस क्वेश्चन में कोई आपको डाउट आना नहीं चाहिए, बाकी बच्चों इसमें जो भी कंडीशन है हमने यहां पर देख ली। आगे बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 151, विच यूकैरियोटिक बायो फर्टिलाइजर एब्जॉर्ब फॉस्फोरस फ्रॉम सोइल एंड पास टू प्लांट, कौन सा यूकैरियोटिक जैव उर्वरक फॉस्फोरस को मृदा से अवशोषित करता है तथा पादप को प्रदान करता है।
नोस्टोक, ग्लोमस, एजोस्पाइरलम या एजोटोबैक्टर। देखो बच्चों, ये अपने पास में जो आप कंडीशन देख रहे हैं, इस कंडीशन को करने के दो तरीके हैं। सबसे पहली बात, यहाँ पे बायो फर्टिलाइजर की बात कर रहे हैं, तो बायो फर्टिलाइजर जो होता है, अगर आप कंडीशन देखें, बायो फर्टिलाइजर क्या होता है, एक तो बच्चों होता है फर्टिलाइजर और एक होता है बायो फर्टिलाइजर। फर्टिलाइजर वो है जो सोइल की फर्टिलिटी को इंक्रीज करता है, लेकिन बायो फर्टिलाइजर का मतलब यह है कि कोई ऐसे माइक्रोब्स जो सोइल की फर्टिलिटी को इंक्रीज करते हैं, जो मृदा की उर्वरता को बढ़ाते हैं, वो जो सूक्ष्म जीव है, वो जो माइक्रोब्स है, उन्हें हम लोग बच्चों क्या कहते हैं, बायो फर्टिलाइजर कहते हैं। तो आपको यहां पर ऐसे माइक्रोब्स यहां पर देखने हैं, आपको ऐसे माइक्रोब्स यहां पर देखने हैं जो सोइल की फर्टिलिटी को इंक्रीज करे। और बच्चों कंडीशन क्या है, कंडीशन यहां पर यह है कि वो यूकेरियोटिक होना चाहिए, वो यहां पर यूकेरियोटिक होना चाहिए। तो अपन यहां पर कह सकते हैं जैसे नोस्टोक है, तो बच्चों नोस्टोक जो है ये क्या होता है, अगर आप कंडीशन देखें तो मैं कह सकता हूं नोस्टोक में, नोस्टोक जो है ये अपने पास में एक ब्लू ग्रीन एल्गी है। इसका मतलब क्या हो गया, प्रोकैरियोटिक। ये जो ब्लू ग्रीन एल्गी है वो प्रोकैरियोटिक है, नोस्टोक। ग्लोमस, ग्लोमस जो है ये बच्चों फंजाई है, या मैं यू कहूं कि ग्लोमस फंजाई का एक जीनस है, फंजाई का एक वंश है, ठीक है। ग्लोमस फंजाई है, और बच्चों फंजाई जो है वो क्या होते हैं, यूकेरियोटिक होते हैं। एजोस्पाइरलम, ये बच्चों बैक्टीरिया है, और बैक्टीरिया क्या होते हैं, प्रोकैरियोटिक। एजोटोबैक्टर, ये भी बच्चों यहां पर बैक्टीरिया है, और बैक्टीरिया क्या होते हैं, प्रोकैरियोटिक। तो मैं कह सकता हूं आपको यहां पर यूकेरियोटिक फर्टिलाइजर जो है उसको सर्च करना है। तो देखो बच्चों यहां पर यूकेरियोटिक फर्टिलाइजर कौन है, फंजाई, और फंजाई का यहां पर जीनस कौन सा है, ग्लोमस है। समझ रहे बात को, तो अपन यहां पर कह सकते हैं कि ये जो आप यहां पर देख रहे हो, ये यहां पर यूकेरियोटिक फर्टिलाइजर है, और बच्चों ग्लोमस जीनस के फंजाई क्या करते हैं, ग्लोमस जीनस के जो फंजाई होते हैं ना बच्चों, वो फंजाई क्या करते हैं, वो सोइल से फॉस्फोरस को एब्जॉर्ब करते हैं और उस फॉस्फोरस को प्लांट को प्रोवाइड कर देते हैं। समझ रहे, तो बच्चों यहां पे आंसर कौन सा आ गया आपका, सेकंड, इसका करेक्ट आंसर है, ठीक है। बाकी आप इसमें थोड़ा सा बच्चों दिमाग लगा के भी कर सकते हो, यहां पे आपको यूकेरियोटिक पूछा है, तो देखो यूकेरियोटिक तो खाली यहां पर एक ही है, ग्लोमस फंजाई, ठीक है। ये बच्चों बिल्कुल एनसीईआरटी में वर्ड यूज किया हुआ है। चलिए आगे चलते हैं इसके बाद में, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 152। ड्यूरिंग सीवेज ट्रीटमेंट फिजिकल रिमूवल ऑफ पार्टिकल्स इज इन्वॉल्व्ड इन, वाहित मल के उपचार के दौरान भौतिक रूप से कणों को हटाना किसमें सम्मिलित है, भौतिक रूप से कणों को हटाना किसमें सम्मिलित है। थोड़ा सा बच्चों मैं यहां पर ध्यान चाहूंगा, यहां पर एक तो वर्ड है पार्टिकल, और सेकंड टर्म क्या है, फिजिकल रिमूवल। जैसे कि आपको पता है कि सीवेज का जो ट्रीटमेंट होता है, इस सीवेज के ट्रीटमेंट के अंदर अपने पास में टू स्टेप है। पहला जो स्टेप है वो अपने पास में क्या है, ये है फिजिकल स्टेप, या इसे आप कह सकते हैं प्राइमरी स्टेप। और सेकंड जो स्टेप है, इसे बच्चों हम लोग क्या कहते हैं, सेकंड स्टेप को हम लोग कहते हैं नंबर टू, बायोलॉजिकल स्टेप, या हम इसे कह सकते हैं सेकेंडरी ट्रीटमेंट। तो फिजिकल मतलब प्राइमरी स्टेप है, और बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट मतलब सेकेंडरी ट्रीटमेंट है। अब देखो बच्चों, आपको फिजिकली रिमूव करना है पार्टिकल्स को, पार्टिकल्स को रिमूव करना है फिजिकली, फिजिकली पार्टिकल्स को रिमूव करने का मतलब है आपको माइक्रोब का, आपको सूक्ष्म जीव का उपयोग बच्चों यहां पे नहीं करना है। अगर सूक्ष्म जीव का उपयोग नहीं करोगे, माइक्रोब्स का यूज नहीं करोगे, इसका मतलब फिजिकली हो गया, प्राइमरी ट्रीटमेंट ही हो गया। क्योंकि बच्चों अगर आप यहां पे माइक्रोब्स का यूज करते तब तो वो कौन सा हो जाता, सेकेंडरी ट्रीटमेंट हो जाता। तो देखो यहां पे लिखा हुआ है कि फिजिकली रिमूवल, आपने किसी माइक्रोब का यूज नहीं किया है, और माइक्रोब का यूज किस में नहीं होता, प्राइमरी ट्रीटमेंट में नहीं होता। तो मैं कह सकता हूं कि ड्यूरिंग सीवेज ट्रीटमेंट फिजिकल रिमूवल ऑफ पार्टिकल्स इज इन्वॉल्व्ड इन, एरोबिक टैंक ऑफ सेकेंडरी ट्रीटमेंट, नो,
क्योंकि बच्चों सेकेंडरी ट्रीटमेंट में तो माइक्रोब का यूज करना है और आपको यहाँ पर फिजिकल रिमूवल लिखा हुआ है, मतलब माइक्रोब को आपको कंसिडर नहीं करना है। एन एरोबिक टैंक ऑफ सेकेंडरी ट्रीटमेंट, प्राइमरी ट्रीटमेंट, ये बच्चों बिल्कुल यहाँ पे सही है, इसका आंसर जाएगा थर्ड ऑप्शन कि भाई प्राइमरी ट्रीटमेंट जो है, इस प्राइमरी ट्रीटमेंट के अंदर हम लोग माइक्रोब का यूज नहीं करते और बिना माइक्रोब के, बिना सूक्ष्म जीव के अगर आप रिमूवेशन कर रहे हो, अगर आप हटा रहे हो, इसका मतलब वो प्राइमरी ट्रीटमेंट है, वो फिजिकल ट्रीटमेंट है। तो बच्चों यहां पे आंसर कौन सा हो गया, थर्ड ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। आगे चलते हैं इसके बाद क्वेश्चन नंबर 153। विच वैरायटी ऑफ ब्रेसिका इज डेवलप्ड फॉर डिजीज रेजिस्टेंस अगेंस्ट रस्ट पैथोजन। सरसों की कौन सी किस्म किट रोग जनक हेतु प्रतिरोधी है? तो देखिए बच्चों, पहली बात तो आपको यहां पर देखनी है कि वैरायटी किसकी है। बच्चों वैरायटी यहां पर है ब्रेसिका, सरसों, मस्टर्ड इसकी वैरायटी है। तो बच्चों आपने देखा होगा अपनी एनसीईआरटी के अंदर चैप्टर नंबर 9 में जो टेबल दे रखी है, उस टेबल के अंदर बकायदा बच्चों दे रखा है कि ब्रेसिका मस्टर्ड जो है, इस ब्रेसिका के अंदर पूसा स्वर्णिम, पूसा स्वर्णिम जिसको कह सकते हैं करण राई, ये ऐसी वैरायटी है जो, ये ऐसी वैरायटी है जो रस्ट पैथोजन के लिए रेजिस्टेंस शो करती है। तो बच्चों इसका आंसर क्या हो गया, पूसा स्वर्णिम हो गया। ये बच्चों रस्ट पैथोजन है, कौन सा पैथोजन है, रस्ट पैथोजन है। इसके अंदर क्या होता है कि जो लीव्स वगैरह होती है बच्चों, उन लीव्स के ऊपर व्हाइट व्हाइट से पार्टिकल से आ जाते हैं रस्ट, जो सफेद कलर का पाउडर जैसा जो है वो बच्चों लीव्स पे आ जाता है, ठीक है। और आप यहाँ पे कह सकते हैं कि वो जो वहां पे मस्टर्ड है बच्चों, वो जो वहां पर ब्रेसिका है, ये जो यहाँ पर ब्रेसिका है, इस ब्रेसिका के अंदर रस्ट डिजीज नहीं हो, इसके लिए हमने यहाँ पर जो वैरायटी तैयार की है उस बच्चों वैरायटी का नाम क्या है, पूसा स्वर्णिम। समझ रहे बात को, हिमगिरी जो है वो इसका आंसर नहीं होगा, क्योंकि बच्चों हिमगिरी जो है वो वीट की वैरायटी है, पूसा कोमल ये काउपी की वैरायटी है, लोबिया की वैरायटी है, पूसा शुभ्रा ये बच्चों आप यहाँ पे कह सकते हैं गोभी की वैरायटी है, ठीक है। तो आंसर यहाँ पे कौन सा हो गया, थर्ड ऑप्शन हो गया। आगे चलते हैं इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 154। कंसीडर द फॉलोइंग, निम्न पर विचार कीजिए, बिल्कुल बच्चों विचार करेंगे। बियर प्रोडक्शन, एंटीबायोटिक प्रोडक्शन, चीज प्रोडक्शन, ब्रेड प्रोडक्शन, हाउ मेनी फंक्शंस आर रिलेटेड विद फंजाई, कितने कथन कवकों से संबंधित है, कितने कथन कवकों से संबंधित है। देखिए यहां पर अगर आप कंडीशन देखें तो बच्चों कवक जो है वो किस किस से संबंधित है, बियर प्रोडक्शन, बिल्कुल बच्चों बियर आप कह सकते हैं एल्कोहल। अब ये जो बियर है इसका फॉर्मेशन आप कह सकते हैं विदाउट डिस्टिलेशन होता है। थोड़ा सा बताना चाहूंगा आपको, जैसे अगर आपको एल्कोहल का फॉर्मेशन करना है तो बच्चों एल्कोहल के फॉर्मेशन में हम सबसे पहले क्या कराते हैं, फर्मेंटेशन कराते हैं, सबसे पहले क्या कराते हैं, फर्मेंटेशन कराते हैं। चाहे कोई सी भी एल्कोहल हो, एल्कोहल का फॉर्मेशन फर्मेंटेशन से तो होगा ही होगा, है ना। विस्की हो, ब्रांडी हो, रम हो, बियर हो, कुछ भी हो, उनका फॉर्मेशन जो है फर्मेंटेशन से तो होगा ही होगा। अब फर्मेंटेशन के बाद में जो सेकेंड स्टेप है वो बच्चों यहां पे क्या होता है, आप कह सकते हैं डिस्टिलेशन होता है, आसवन होता है। समझ रहे बात को, तो एल्कोहल का जो प्रोडक्शन है वो फर्मेंटेशन से होगा, डिस्टिलेशन से होगा, है ना। डिस्टिलेशन जो है वो बियर का नहीं होता, वाइन का नहीं होता, बाकी ब्रांडी का, रम का, विस्की का होता है। और फर्मेंटेशन जो है वो तो चाहे कोई सी भी एल्कोहल हो, एल्कोहल का फॉर्मेशन करने के लिए फर्मेंटेशन तो बच्चों करना ही पड़ेगा। बात समझ रहे हो क्या, फर्मेंटेशन तो होगा ही होगा। अब ये बोल रहा है कि कितने फंजाई से रिलेटेड है, तो देखो बच्चों फर्मेंटेशन जो है ये फर्मेंटेशन किससे होता है, आप कह सकते हैं यीस्ट से, सैकेरोमाइसिस सेरेबेसी, रिवर्स यीस्ट। तो हम कह सकते हैं कि बियर का प्रोडक्शन बच्चों, बियर जो है उस बियर के लिए डिस्टिलेशन तो नहीं होगा लेकिन फर्मेंटेशन तो होगा ही होगा, वो तो सारी एल्कोहल का होता है। और बच्चों उस फर्मेंटेशन के अंदर यीस्ट का रोल होगा, उस फर्मेंटेशन के अंदर यीस्ट का रोल होगा, मतलब फंजाई का रोल होगा। एंटीबायोटिक प्रोडक्शन, बच्चों सबसे पहले जिस एंटीबायोटिक की डिस्कवरी हुई थी, सबसे पहले जिस एंटीबायोटिक की डिस्कवरी हुई थी वो बच्चों यहां पर एंटीबायोटिक थी पेनिसिलिन।
और वो एंटीबायोटिक जो कि पेनिसिलिन थी उसका प्रोडक्शन हुआ था पेनिसिलियम नोटेटम फंजाई से। इसका मतलब आप कह सकते हैं कि फंजाई जो है वो एंटीबायोटिक का सिक्रेशन करते हैं, वो एंटीबायोटिक का प्रोडक्शन करते हैं। तो बिल्कुल फंजाई जो है वो एंटीबायोटिक का प्रोडक्शन करते हैं। चीज प्रोडक्शन, बच्चों चीज में एनसीईआरटी के अंदर दो एग्जांपल दे रखे हैं, एक तो स्विस चीज और एक रॉक्यूफोर्ट चीज। स्विस चीज जो है वो बनता है प्रोपियोनी बैक्टीरियम शार्मेनाई, मतलब बैक्टीरिया से, और रॉक्यूफोर्ट चीज जो है वो बनता है पेनिसिलियम रॉक्यूफोर्टाई से। पेनिसिलियम रॉक्यूफोर्टाई से वो बच्चों एक फंजाई है। तो मैं कह सकता हूं कि चीज का जो प्रोडक्शन है वो भी फंजाई से रिलेटेड है। मैं ये नहीं कहता कि सारी चीज फंजाई से बनती है, नो, कुछ चीज जो है वो फंजाई से बन सकती है। तो बिल्कुल फंजाई जो है उसका बच्चों रिलेशन किससे है, आप कह सकते हैं चीज प्रोडक्शन से। ब्रेड प्रोडक्शन, ब्रेड याद करो बच्चों बेकर यीस्ट, यीस्ट जो है वो एल्कोहल का फॉर्मेशन करता है और यीस्ट जो है वो ब्रेड का फॉर्मेशन भी करता है। बात समझ रहे हैं, ये यीस्ट एल्कोहल का फॉर्मेशन भी करता है और ब्रेड का प्रोडक्शन भी करता है। तो हम कह सकते हैं कि यहां पर फंजाई से रिलेटेड फंक्शन कितने हैं, 1, 2, 3, 4। आंसर बच्चों यहां पे क्या आ गया, फर्स्ट ऑप्शन, कि यहां पे चारों फंक्शन जो है वो फंजाई से रिलेटेड है। ठीक है बच्चों, आगे चलते हैं इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 155। विच वन ऑफ फॉलोइंग रेडिएशन इज यूज्ड फॉर प्रोडक्शन ऑफ म्यूटेशन ब्रीडिंग प्लांट्स। निम्न में से कौन सी एक विकिरण उत्परिवर्तन द्वारा पादप प्रजनन उत्पादन करती है। बच्चों प्लांट ब्रीडिंग, पादप प्रजनन, प्लांट ब्रीडिंग, प्लांट ब्रीडिंग के अंदर क्या होता है, हम लोग एक नई किस्म को तैयार करते हैं, हम लोग एक नई किस्म को तैयार करते हैं प्लांट ब्रीडिंग के अंदर। अब ये दो तरीके से हो सकती है। पहला बच्चों यहां पे होता है ट्रेडिशनल, ट्रेडिशनल मेथड, परंपरागत विधि। बच्चों परंपरागत विधि के अंदर तो क्या होगा, परंपरागत विधि के अंदर तो ये होगा कि हम लोग दो वैरायटी लेंगे, एक में से पोलन गेंस लिए, फिर वो जो पोलन गेंस है उसको डाल देते हैं कहां पर, स्टिग्मा के ऊपर, ठीक है, हाइब्रिडाइजेशन कराते हैं, वो बच्चों ट्रेडिशनल मेथड है। इसके अलावा ट्रेडिशनल मेथड के अलावा भी हम बच्चों क्या कर सकते हैं, प्लांट ब्रीडिंग कर सकते हैं, और वो जो प्लांट ब्रीडिंग है वो म्यूटेशन से होती है, और म्यूटेशन के लिए हम लोग बच्चों यूज करते हैं येलो लाइट, रेड लाइट, गामा रेज या पॉलीक्रोमिक लाइट। बच्चों पॉलीक्रोमिक लाइट का मतलब होता है ऐसी लाइट जिसमें पॉली मतलब मैनी, क्रोम मतलब कलर, जिसमें बहुत सारे कलर हो, जैसे सनलाइट है। तो बच्चों यहां पे सनलाइट का यूज नहीं करते, रेड लाइट का यूज नहीं करते, येलो लाइट जो है हम उसका भी यहां पे यूज नहीं करते, हम बच्चों म्यूटेशन के लिए यूज करते हैं किसका, आप कह सकते हैं गामा रे का। तो कह सकते हैं प्लांट ब्रीडिंग जो है वो ट्रेडिशनल मेथड के अलावा म्यूटेशन से भी पॉसिबल है, समझ रहे हैं। और बच्चों म्यूटेशन के लिए अपन कह सकते हैं यूज में लेते हैं किसको, गामा रेस को, समझ रहे, बकायदा बच्चों एनसीईआरटी में दे रखा है और ब्रैकेट में दे रखा है, फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन। ओके डियर, आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 156। विच स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट अबाउट एंटीबायोटिक। प्रतिजैविक के बारे में कौन सा कथन गलत है। एंटीबायोटिक्स आर प्रोड्यूस्ड बाई ऑल माइक्रोब्स। बच्चों एनसीईआरटी में आपने लाइन देखी होगी, वहां पे लिखा है फ्यू माइक्रोब्स, वहां लिखा है कुछ सूक्ष्म जीव, न कि लिखा है ऑल माइक्रोब, न कि लिखा है सभी सूक्ष्म जीव। तो देखो ये यहां पे गड़बड़ हो गया, प्रतिजैविक का उत्पादन सभी सूक्ष्म जीवों द्वारा होता है, नहीं बच्चों एंटीबायोटिक का प्रोडक्शन सारे माइक्रोब्स के थ्रू नहीं हो सकता, रॉन्ग स्टेटमेंट हो गया। एंटीबायोटिक्स आर केमिकल सबस्टांस, बिल्कुल, जैसे मान लो बच्चों ये यहां पे कोई माइक्रोब है, ये कोई बैक्टीरिया है, कोई फंजाई है, समझ रहे, ये माइक्रोब क्या करता है, एक केमिकल सिक्रीट करता है, और वो केमिकल दूसरे माइक्रोब को या तो किल कर देगा या उसकी ग्रोथ को इनहिबिट कर देगा,
या तो उसको मार देगा या फिर दूसरे सूक्ष्म जीव की वृद्धि को रोक देता है। तो बच्चों ये जो केमिकल है ना, इसी का नाम क्या है, एंटीबायोटिक है। ये यहाँ पर एंटीबायोटिक है। तो एंटीबायोटिक क्या है, एंटीबायोटिक एक रसायन है, एक केमिकल है जिसका सिक्रेशन एक माइक्रोब करता है दूसरे माइक्रोब को किल करने के लिए या उसकी ग्रोथ को आप कह सकते हैं इनहिबिट करने के लिए। तो देखो बच्चों बिल्कुल एंटीबायोटिक क्या है, एक केमिकल सबस्टांस है, सही स्टेटमेंट है। एंटीबायोटिक्स कैन किल अदर माइक्रोब्स, एंटीबायोटिक जो है वो अदर माइक्रोब्स को किल कर सकती है। बिल्कुल देखो बच्चों अदर माइक्रोब्स को किल कर रही है, किल भी कर सकती है और उसकी जो ग्रोथ है उसको इनहिबिट भी कर सकती है। पेनिसिलिन वॉज द फर्स्ट एंटीबायोटिक, बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है बच्चों, पेनिसिलिन जो है वो फर्स्ट एंटीबायोटिक है। थोड़ा सा मैं आपको रिवाइज करा दूं, सबसे पहले एंटीबायोटिक की डिस्कवरी की थी अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने और वो एंटीबायोटिक थी पेनिसिलिन। इसका सिक्रेशन होता है एक फंजाई से जिसका नाम है पेनिसिलियम नोटेटम और उसी के बेसिस पर नाम दिया गया है पेनिसिलिन। तो डिस्कवरी बच्चों किसने की थी, डिस्कवरी की थी अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। फिर उसके बाद में यहां पर जो चेन है और जो फ्लोरे है बच्चों, उन्होंने क्या किया, उस केमिकल को एंटीबायोटिक के रूप में सजेस्ट किया, फिर इन तीनों को क्या दे दिया, नोबेल प्राइज दे दिया। ठीक है, तो देखो बच्चों विच स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट अबाउट एंटीबायोटिक, आंसर बच्चों यहां पे फर्स्ट है। फर्स्ट क्यों है, क्योंकि यहां पे ओल आ गया, जो एंटीबायोटिक है उसका सिक्रेशन ओल माइक्रोब नहीं करते, सभी सूक्ष्म जीव स्त्रावण नहीं करते। आगे देखते हैं इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 157, कंसीडर द फॉलोइंग पॉइंट्स, निम्न बिंदुओं पर विचार कीजिए। बिल्कुल करेंगे साहब विचार, इम्यूनो सप्रेसिव, बच्चों इम्यूनो सप्रेसिव का मतलब होता है जो इम्यून सिस्टम को सप्रेस करे, उसको दबाए, कमजोर करे। इम्यूनो एक्टिवेटिव, ये वो है जो इम्यून सिस्टम को और एक्टिव करता है, प्रतिरक्षा सक्रिय। यूज्ड इन ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन, जब ऑर्गन ट्रांसप्लांट करे, जब अंग प्रत्यारोपण करे उस समय उपयोग में आता है। प्रोड्यूस्ड बाय ट्राइकोडर्मा पॉलिस्पोरम, रिप्रेजेंट कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन। थोड़ा सा बच्चों मैं आपको बताना चाहूंगा ये कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन क्या है। चलो पहले क्वेश्चन देखते हैं, प्रतियोगी संदमन दर्शाता है। हाँ भाई, हाउ मेनी स्टेटमेंट आर रिलेटेड विद स्टेटिन, ये देखो बच्चों ये लाइन है ना, रिप्रेजेंट कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन, ये एनसीईआरटी की लाइन है, स्टेटिन के अंदर ही दे रखी है, आपने गौर किया हो तो। देखो इसका मतलब क्या है, अभी समझेंगे अपन, है ना। तो हाउ मेनी स्टेटमेंट आर रिलेटेड विद स्टेटिन, इम्यूनो सप्रेसिव नहीं, इम्यूनो सप्रेसिव जो है वो साइक्लोस्पोरिन ए है, न कि स्टेटिन है। इम्यूनो एक्टिवेटिव ऐसा कुछ नहीं है। यूज्ड इन ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन, नो, ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन में साइक्लोस्पोरिन ए का यूज करते हैं। प्रोड्यूस्ड बाय ट्राइकोडर्मा पॉलिस्पोरम, नो, ट्राइकोडर्मा पॉलिस्पोरम से आप कह सकते हैं साइक्लोस्पोरिन ए जो है उसका प्रोडक्शन होता है। रिप्रेजेंट कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन, ये बच्चों बिल्कुल यहां पे आप कह सकते हैं करेक्ट है। तो स्टेटिन के बारे में कितने स्टेटमेंट सही है, सिर्फ ईस्ट करेक्ट है, बाकी सारे बच्चों रॉन्ग है। आंसर क्या हो गया, फर्स्ट हो गया। देखो बच्चों जैसे एक्चुअली स्टेटिन क्या करता है, स्टेटिन ब्लड के अंदर, रक्त के अंदर जो कोलेस्ट्रॉल का लेवल है उससे बच्चों डिक्रीज करता है, रक्त में कोलेस्ट्रॉल का जो लेवल है उसे कम करता है। कैसे कम करता है, हमारे ब्लड में ऐसा एंजाइम जो कोलेस्ट्रॉल का फॉर्मेशन करता है, ये बच्चों स्टेटिन क्या करता है, ये स्टेटिन उस एंजाइम के साथ में अटैच हो जाता है। जैसे ये बच्चों यहां पर एंजाइम है, ये एंजाइम किसी सबस्ट्रेट के साथ जुड़कर, अगर आप कंडीशन देखें, ये एंजाइम जो है ये एंजाइम किसी सबस्ट्रेट के साथ जुड़कर फॉर्मेशन करता है किसका, कोलेस्ट्रॉल का। होता क्या है बच्चों, ये स्टेटिन जो है ना उस सबस्ट्रेट की जगह पर ये जुड़ जाता है, और ये स्टेटिन उस सबस्ट्रेट की जगह पर ये जुड़ जाता है जिससे अब ये एंजाइम रिएक्शन किससे कर लेगा, स्टेटिन से कर लेगा, और लिपिड का फॉर्मेशन करने वाला सबस्ट्रेट जो है उससे रिएक्शन कर ही नहीं पाएगा, जिससे लिपिड का फॉर्मेशन नहीं होगा, I mean to से कोलेस्ट्रॉल का फॉर्मेशन नहीं होगा। ठीक है, तो थोड़ा सा बच्चों मैं आपको यहां बताना चाहूंगा, जैसे जो स्टेटिन है वो क्या करता है, ब्लड के अंदर कोलेस्ट्रॉल के लेवल को कम कर देता है।
क्या रिप्रेजेंट करता है? कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन। बच्चों इनहिबिशन का मतलब है एंजाइम को इनहिबिट करना, एंजाइम जो है उसको रोक देना, एंजाइम को रोक देना, ठीक है। जैसे मान लो बच्चों यहां पर ये कोई एंजाइम है, ये एंजाइम अपने सबस्ट्रेट के साथ रिएक्शन करके कोलेस्ट्रॉल का फॉर्मेशन करता है। तो एंजाइम सबस्ट्रेट के साथ में अटैच हो, उससे पहले बच्चों क्या होता है, स्टेटिन इस एंजाइम के साथ में जुड़ जाता है। अब ये एंजाइम जो है, देखो बच्चों उसके साथ में जुड़ कौन गया, स्टेटिन, जिससे अब ये एंजाइम उस सबस्ट्रेट के साथ नहीं जुड़ पाएगा जो कोलेस्ट्रॉल का फॉर्मेशन करता है। तो देखो अब ये एंजाइम कोलेस्ट्रॉल का फॉर्मेशन कर नहीं पाएगा, ये एंजाइम उस सबस्ट्रेट के साथ जुड़कर कोलेस्ट्रॉल का फॉर्मेशन करता था, लेकिन ये एंजाइम उस सबस्ट्रेट के साथ अटैच हो, उससे पहले इसको घेर किसने लिया, उससे पहले ही उसे कवर किसने कर लिया, स्टेटिन ने कर लिया, जिससे न तो एंजाइम सबस्ट्रेट के साथ अटैच होगा और न कोलेस्ट्रॉल का फॉर्मेशन होगा, समझ रहे। तो फिर सर इनहिबिशन का मतलब क्या है? देखो बच्चों एंजाइम को इनहिबिट कर दिया ना, अब एंजाइम अपना काम नहीं कर पाएगा, अब ये एंजाइम कोलेस्ट्रॉल का फॉर्मेशन नहीं कर पाएगा। कॉम्पिटिटिव का मतलब क्या है? कॉम्पिटिटिव का मतलब ये है कि पहले ये सबस्ट्रेट एंजाइम के साथ जुड़ना चाहता था, अब जो स्टेटिन है वो एंजाइम के साथ जुड़ गया, इसका मतलब जो सबस्ट्रेट है और जो स्टेटिन है वो दोनों स्ट्रक्चर में एक जैसे हैं, वो दोनों एंजाइम के साथ में अटैच हो सकते हैं, दोनों में कंपटीशन हुआ और स्टेटिन आगे निकल गया, वो एंजाइम के साथ में अटैच हो गया, समझ रहे, ये अपने सामने कंडीशन है। तो इस तरीके से अपन कह सकते हैं कि ये कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन है। कॉम्पिटिटिव का मतलब होता है कॉम्पिटिशन का होना, और बच्चों कॉम्पिटिशन किस किस के बीच में होगा? कॉम्पिटिशन जो है वो स्टेटिन एंड उस सबस्टेट के बीच में होगा जो कोलेस्ट्रॉल का फॉर्मेशन करता है, समझ रहे। और यहाँ पे इनहिबिशन किसका हुआ है? एंजाइम का हुआ है। तो बच्चों आंसर यहाँ पे कौन सा हो गया? फर्स्ट ऑप्शन हो गया। आगे देखें क्वेश्चन नंबर 158, नॉर्मन बारलोग इज रिलेटेड विद, नॉर्मन बारलोग किससे संबंधित है? येलो रिवोल्यूशन, ग्रीन रिवोल्यूशन, ब्लू रिवोल्यूशन, व्हाइट रिवोल्यूशन। तो बच्चों आपको पता है कि नॉर्मल बारलोग जो है वो हरित क्रांति से संबंधित है, ग्रीन रिवोल्यूशन से संबंधित है, तो यहाँ पे आंसर कौन सा हो गया? ग्रीन रिवोल्यूशन। क्योंकि जो ग्रीन रिवोल्यूशन है वो नॉर्मन बारलोग ने किया था, जिसके अंदर जो व्हीट है, जो राइस है, उनके प्रोडक्शन को बढ़ाया गया था, ठीक है, बिल्कुल एनसीईआरटी का स्टेटमेंट है। 159, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनोकुलम सबस्टेंस, निम्न में से कौन सा निवेशी द्रव्य इनोकुलम पदार्थ है? विदाउट बैक्टीरिया कंटेन मिल्क, स्मॉल अमाउंट ऑफ कर्ड एडेड टू फ्रेश मिल्क, लार्ज अमाउंट ऑफ मिल्क कंटेन यीस्ट, स्टार्टर सबस्टांस कंटेन मिलियंस ऑफ एलेबी एडेड इन ग्लूकोज। देखिए जैसे ये बच्चों अपने पास में कोई कंटेनर है और इस कंटेनर के अंदर आपने जो मिल्क है वो डाल रखा है, दूध यहाँ पे डाल रखा है। बच्चों कर्ड फॉर्मेशन के लिए क्या होता है, कर्डिंग के लिए क्या होता है, हम लोग ये जो मिल्क है इस मिल्क के अंदर लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया डाल देते हैं, और ये जो लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया है ये क्या करते हैं, ये लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया इस मिल्क को चेंज किस में कर देंगे, कर्ड के अंदर, समझ रहे बात को। तो ये बच्चों यहाँ पर जो थोड़ा सा आप यहाँ पर कर्ड दे लेते हो वो यहाँ पे इनोकुलम है, वो निवेशी द्रव्य है। दूध में जो थोड़ा सा दही डालते हो, बच्चों दही तो एक बहाना है, आपको वहां पे वास्तव में लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया डालने होते हैं, तो वो जो वहां पे दही की थोड़ी सी मात्रा है, वो जो यहाँ पे थोड़ी सी लिटिल अमाउंट ऑफ कर्ड है, वो बच्चों यहाँ पे इनोकुलम है, जहाँ पे दही के अंदर, दही के रूप में आप बहुत सारे लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया लेते हैं। तो ये है विदाउट बैक्टीरिया कंटेनिंग मिल्क, नहीं, पहली बात तो इनोकुलम मिल्क नहीं होता, कर्ड होता है, विदाउट बैक्टीरिया नहीं होता, विद बैक्टीरिया होता है। स्मॉल अमाउंट ऑफ कर्ड बिल्कुल सही है, एडेड टू फ्रेश मिल्क बिल्कुल करेक्ट है, फ्रेश मिल्क के अंदर आप जो थोड़ा सा अमाउंट दही का लेते हो वो बच्चों वहां पे इनोकुलम है, जिसमें बहुत सारे क्या होते हैं, लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया होते हैं। लार्ज अमाउंट ऑफ मिल्क कंटेन यीस्ट, ऐसा कुछ नहीं है, न तो यहाँ पे कोई यीस्ट काम आता है, और न आप यहाँ पे कह सकते हो ये इनोकुलम मिल्क है। स्टार्टर सबस्टांस बिल्कुल, कंटेन मिलियंस ऑफ एलेबी बिल्कुल, एडेड इन ग्लूकोज, नहीं बच्चों मिल्क जो है उस मिल्क के अंदर ग्लूकोज नहीं होता, बल्कि बच्चों दूध में क्या होता है, लैक्टोज होता है,
तो ये स्टेटमेंट भी सही हो जाता अगर यहाँ पे ग्लूकोज की जगह लैक्टोज होता। भाई स्टार्टर सबस्टांस है, बिल्कुल स्टार्ट करता है कर्ड फॉर्मेशन को, दही के निर्माण को शुरुआत करता है। कंटेन मिलियंस ऑफ एलएबी, बिल्कुल उसमें बहुत सारे क्या होते हैं आप कह सकते हैं लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया होते हैं, लेकिन बच्चों उसको आप दूध में मिक्स करते हो, उसको आप लैक्टोज के साथ मिक्स करते हो, न कि ग्लूकोज के साथ में मिक्स करते हो, तो आप यहां पे कह सकते हैं बच्चों करेक्ट इसका आंसर जो है वो कौन सा हो गया, सेकेंड हो गया, फोर्थ भी यहां पे रॉन्ग है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 116, फ्लॉक्स आर फाउंड इन, उर्णक किसमें पाए जाते हैं? बच्चों सीवेज जो है, इस सीवेज का ट्रीटमेंट, बच्चों सीवेज से जनरली एग्जाम में क्वेश्चन आता है उसको भी आप ध्यान से पढ़ना। सीवेज का ट्रीटमेंट पहला स्टेप कौन सा था, प्राइमरी ट्रीटमेंट, और दूसरा स्टेप क्या था, सेकेंडरी ट्रीटमेंट। सेकेंडरी ट्रीटमेंट के अंदर दो टाइप के टैंक हम काम में लेते हैं, एक तो होता है एरोबिक टैंक और दूसरा बच्चों यहां पे होता है एन एरोबिक टैंक। एरोबिक टैंक के अंदर आप लोग बैक्टीरिया लेते हैं और बच्चों साथ में क्या होते हैं उसके फंजाई होते हैं, ज्यादा बैक्टीरिया है वो फंजाई के साथ में है, ठीक है। तो बच्चों अपन यहां पे कह सकते हैं कि ये जो एरोबिक टैंक होता है, इस एरोबिक टैंक के अंदर जो बैक्टीरिया है, फंजाई है, जो इसका गुच्छा ग्रुप होता है, उसे बच्चों लोग क्या कहते हैं, फ्लॉक्स कहते हैं। तो देखो फ्लॉक्स किस में है, एरोबिक टैंक में है। एरोबिक टैंक किस में आता है, सेकेंडरी ट्रीटमेंट में आता है, तो प्राइमरी ट्रीटमेंट ऑफ सीवेज नहीं, क्योंकि बच्चों प्राइमरी ट्रीटमेंट में तो कोई माइक्रोब यूज में ही नहीं आता। एरोबिक टैंक ऑफ सेकेंडरी ट्रीटमेंट, ये बिल्कुल सही है, सेकेंडरी ट्रीटमेंट का जो एरोबिक टैंक है उसमें फ्लॉक्स पाए जाते हैं। एन एरोबिक टैंक ऑफ सेकेंडरी ट्रीटमेंट, सेकेंडरी ट्रीटमेंट तो ठीक है लेकिन एन एरोबिक टैंक नहीं होता, रॉन्ग हो गया, बोथ वन एंड टू नो। तो बच्चों आंसर यहां पे क्या हो गया, सेकंड हो गया, ये बिल्कुल यह करेक्ट आंसर है कि जो सेकेंडरी ट्रीटमेंट करते हैं उसमें जो एरोबिक टैंक होता है उस एरोबिक टैंक के अंदर फ्लॉक्स प्रेजेंट होते हैं, आंसर यहां पे हो गया सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 161, माइकोराइजा इज, बच्चों माइकोराइजा काफी इंपॉर्टेंट है, ये माइकोराइजा आपके एप्लीकेशन ऑफ बॉटनी में अगर आप कंडीशन देखें चैप्टर नंबर 9 के अंदर भी है, इसके अलावा जो आपका चैप्टर नंबर सेकंड है वहां भी माइकोराइजा है, ये काफी इंपॉर्टेंट है। तो बच्चों माइकोराइजा क्या है, माइकोराइजा जो है एक रिलेशन है, और ये बच्चों रिलेशन किस किस के बीच में है, जैसे ये बच्चों यहां पर एक प्लांट की रूट है, ये प्लांट की रूट है, रूट तो है लेकिन बच्चों देखो इस रूट पर क्या नहीं है, रूट हेयर नहीं है। अगर रूट पर हेयर नहीं है, टकली रूट है, तो हम कह सकते हैं बिना हेयर की जो रूट होती है उस रूट का सरफेस एरिया काफी लेस होता है, काफी कम होता है, जिससे एब्जॉर्प्शन नेग्लिजिबल हो पाता है। जड़ है, मूल है, पर उस पे मूल रोम नहीं है, जिससे जल का अवशोषण क्या होता है, बहुत कम होता है। तो बच्चों फिर यहां पे क्या होता है, फिर यहां पे आप कह सकते हैं इस तरीके से फंजाई आते हैं। ये देखो बच्चों यहां पर जहां पर रूट हेयर होने चाहिए थे, अब वहां पर कौन आ गए, फंजाई आ गए। बच्चों यहां पे कौन आ गए, फंजाई आ गए। रूट का एंड फंजाई का अगर आप कंडीशन देखें, रूट का फंजाई का ये जो रिलेशन है इसे आप लोग कहते हैं माइकोराइजा, जिसमें जो रूट है वो इस फंजाई को रहने के लिए आवास शेल्टर देता है, फूड देता है, जबकि जो फंजाई है वो इसको वाटर एंड मिनरल्स देते हैं, ये बच्चों माइकोराइजा है। तो माइकोराइजा एक रिलेशन है किस किस के बीच का, रूट प्लस फंजाई के बीच का। ये फंजाई रूट के साथ रहता है तो कैसा हो गया, सिम्बायोटिक हो गया, सहजीवी हो गया। देखिए माइकोराइजा इज सिम्बायोटिक एसोसिएशन ऑफ फंगस एंड रूट, सिम्बायोटिक एसोसिएशन है कवक और जड़ के मध्य का सहजीवी संबंध है, बिल्कुल सही है। सिम्बायोटिक एसोसिएशन ऑफ फंगस एंड एल्गी, कवक तथा शैवाल के मध्य सहजीवी संबंध है, बिल्कुल प्यारे बच्चों आप कह सकते हैं गलत हो गया, क्योंकि जो यहाँ पर कंडीशन है यहाँ पर एल्गी नहीं आता, एल्गी बच्चों क्या होते हैं, लोअर प्लांट्स होते हैं, जबकि जो माइक्रोराइजा है वो हायर प्लांट्स में है, क्योंकि जो हायर प्लांट्स है बच्चों आप कह सकते हैं उसी में माइक्रोराइजा होता है। सिम्बायोटिक एसोसिएशन विद बैक्टीरिया एंड रूट, नहीं ये नहीं है। तो आंसर बच्चों यहाँ पे कौन सा हो गया, फर्स्ट हो गया, ठीक है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 162, ड्यूरिंग नाइट्रोजन फिक्सेशन राइजोबियम इज ए, नाइट्रोजन के स्थिरीकरण के दौरान राइजोबियम है,
ड्यूरिंग नाइट्रोजन फिक्सेशन राइजोबियम इज ए, देखो राइजोबियम जो होता है ये बच्चों राइजोबियम आप कह सकते हैं लेग्यूम प्लांट में होता है, और लेग्यूम प्लांट के अंदर भी क्या होता है, जो कॉर्टेक्स है, कॉर्टेक्स ऑफ रूट, रूट में जो कॉर्टेक्स भाग होता है उस कॉर्टेक्स भाग में होता है और नाइट्रोजन का फिक्सेशन करता है। तो यह राइजोबियम रूट के कॉर्टेक्स भाग में है, वहां पर बैठा है, नाइट्रोजन का फिक्सेशन कर रहा है। और बच्चों याद रखना, जब ये कॉर्टेक्स भाग में नाइट्रोजन का फिक्सेशन करेगा तो जो एनर्जी चाहिए होती है वो खुद नहीं लगाएगा, बल्कि जो होस्ट प्लांट है उस प्लांट के रेस्पिरेशन से जो एनर्जी बनती है उसको यूज करता है। तो हम कह सकते हैं बिल्कुल नाइट्रोजन के फिक्सेशन के टाइम पर ये राइजोबियम लेग्यूम प्लांट के अंदर होता है। इसका मतलब बच्चों कैसा हो गया, सिम्बायोटिक हो गया, और राइजोबियम बैक्टीरिया तो है ही है, तो आंसर क्या हो गया, सिम्बायोटिक बैक्टीरिया, बिल्कुल ठीक है। एसिम्बायोटिक बैक्टीरिया नो, सिम्बायोटिक फंगस नो, तो आंसर बच्चों यहां पर कौन सा हो गया, फर्स्ट ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 163, बेकर यीस्ट इज, बेकर यीस्ट है बच्चों, यीस्ट जो है उसकी कहानी अलग है। यीस्ट ऐसा बोलता है जैसा बोओगे वैसा पाओगे। अगर ये जो यीस्ट है वो आटे पर है तो ब्रेड बनती है, अगर ये यीस्ट जो है वो आप कह सकते हो माल्टेड जूस पर है तो एल्कोहल बनती है। आटे पर है तो ब्रेड बनती है, और जो माल्टीकृत रस है तो बच्चों यहां पर एल्कोहल बनती है। तो ये जो यीस्ट है अगर ब्रेड का फॉर्मेशन कर रहा है, अगर यीस्ट ब्रेड का फॉर्मेशन कर रहा है उसे बोलते हैं बेकर यीस्ट, और अगर ये जो बच्चों यहां पर यीस्ट है वो अल्कोहल का फॉर्मेशन कर रहा है तो अल्कोहल का फॉर्मेशन करने पर वो जो यीस्ट है उसे हम क्या कहते हैं, ब्रीवर्स यीस्ट। तो देखो बच्चों यहां पर बेकर यीस्ट है, बताओ बेकरी का यीस्ट कौन सा है, सैक्रोमाइसिस सेरेबेसी है, बिल्कुल पेनिसिलियम नोटेटम नहीं है, पेनिसिलियम रोक्यूफोर्टा नहीं है, आंसर बच्चों यहां पे कौन सा आ गया, फर्स्ट। और काफी बार ये बच्चों क्वेश्चन एग्जाम के अंदर भी आया हुआ है, क्योंकि बच्चों एग्जाम में आने वाले क्वेश्चन आपको पता है एनसीईआरटी बेस्ड ही होते हैं। आगे चलते हैं 164, टोटी पोटेंसी इज द फीचर ऑफ, बच्चों एनसीईआरटी में लिखा हुआ है पादप कोशिकाएं पूर्ण सक्रियता, प्लांट सेल्स टोटी पोटेंसी शो करती है। टोटी पोटेंसी का मतलब क्या है, जैसे ये अपने पास में एक सेल है, इस सेल के अंदर ऐसी कैपेसिटी है जिससे यह सेल एक प्लांट का फॉर्मेशन कर सकती है, तो इस सेल में वो कैपेसिटी जिससे एक अकेली सेल पूरे प्लांट का फॉर्मेशन कर सकती है, इस कैपेसिटी को आप लोग क्या कहते हैं, टोटिपोटेंसी कहते हैं। ये बच्चों किस में होता है, प्लांट सेल के अंदर होता है, एनिमल सेल में नहीं होता। बच्चों एनिमल सेल में इस कैपेसिटी को क्या कहते हैं, प्लूरोपोटेंसी कहते हैं, ठीक है। अपने एनसीईआरटी में टोटी पोटेंसी है, हम इसकी बात यहां पे करेंगे, ठीक है। आंसर हो गया फर्स्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 165, पोमेटो इज, पोमेटो क्या है, सोमेटिक हाइब्रिड ऑफ पोटेटो एंड टोमेटो, जेनेटिकली मॉडिफाइड पोटेटो, प्योर पोटेटो। बच्चों हम लोगों ने क्या किया, हमने यहां पे की है सोमेटिक हाइब्रिडाइजेशन, जो पोटेटो है और जो टोमेटो है इन दोनों के जो प्रोटोप्लास्ट होते हैं उनका यूज किया। जैसे आप यहां पर ये मान के चलो ये बच्चों यहां पर सेल है पोटेटो की, और ये बच्चों यहां पर सेल किसकी है, टमेटो की। सबसे पहले ये जो बच्चों चारों तरफ सेल वॉल पाई जाती है, हम लोग क्या करते हैं इस सेल वॉल को डाइजेस्ट कर देते हैं, और सेल वॉल को डाइजेस्ट किससे करते हैं, सेल्यूलेस एंजाइम से। सेल्यूलेस क्या करता है बच्चों, सेल वॉल को डाइजेस्ट कर देगा। सेल वॉल के डाइजेस्ट होने के बाद में अब जो बच गया उसको बच्चों हम लोग क्या कहते हैं, प्रोटोप्लास्ट कहते हैं। फिर बच्चों हम उस प्रोटोप्लास्ट का संलयन कराते हैं पॉली इथाइल ग्लाइकोल की हेल्प से। याद रखना, जो दोनों सेल के बीच में आपने संलयन कराया है, जो आपने दोनों सेल्स के बीच में फ्यूजन कराया है, उस फ्यूजन से पहले आपको सेल वॉल को रिमूव करना पड़ता है, क्योंकि बच्चों अगर सेल वॉल चारों तरफ पाई जाती है तो वो सेल कभी फ्यूज हो ही नहीं सकती। तो आप एक बार सेल वॉल को रिमूव कर देते हैं, एंजाइम कौन सा होगा, सेल्यूलेस, ठीक है। फिर बच्चों आपने क्या किया, पोटेटो एंड टमेटो दोनों यहां पर जो सेल्स हैं उनको फ्यूज करके पोमेटो का फॉर्मेशन किया है, तो पोमेटो क्या हो गया, सोमेटिक हाइब्रिड। बच्चों सोमेटिक हाइब्रिड का मतलब क्या है, कि आपने पोटेटो के अंदर टमेटो के अंदर जो सोमेटिक सेल है, जो शरीर की सामान्य कोशिका होती है, न कि युग्मक गैमेट की बात नहीं कर रहे, यहां पे सोमेटिक सेल काम आ रही है, कायिक कोशिका काम आ रही है, उस सोमेटिक सेल्स को आपस में फ्यूज करके फॉर्मेशन करते हो पोमेटो का,
तो ये है सोमेटिक हाइब्रिड ऑफ पोटैटो एंड टोमेटो, बिल्कुल सही है। जेनेटिकली मॉडिफाइड पोटैटो नहीं, ऐसा नहीं है, प्योर पोटैटो नहीं। आंसर बच्चों यहां पे कौन सा हो गया, फर्स्ट इसका करेक्ट आंसर हो गया। तो बच्चों 165 में करेक्ट आंसर कौन सा हो गया, फर्स्ट हो गया। चलिए बच्चों आगे देखते हैं इसके बाद में, विच इंपोर्टेंट ऑब्जेक्टिव्स आर बेस्ड टू डेवलप ए न्यू वैरायटी अंडर बायो फोर्टिफिकेशन। कौन से महत्वपूर्ण उद्देश्य एक नई किस्म में बायो फोर्टिफिकेशन से संबंधित है, जैव पुष्टिकरण से संबंधित है। देखिए बच्चों जैसे ए यहां पे है हाई प्रोटीन कंटेंट एंड क्वालिटी। सबसे पहले बात बताना चाहूंगा मैं आपको बायो फोर्टिफिकेशन। बच्चों बायो फोर्टिफिकेशन क्या है, बायो फोर्टिफिकेशन के अंदर हम लोग जो फसलें होती है उन फसलों की जो गुणवत्ता है, फसलों की जो क्वालिटी होती है, उनमें पोषक पदार्थ जो होते हैं, उनकी न्यूट्रिशनल वैल्यू जो होती है, उनको इंक्रीज करते हैं। तो बायो फोर्टिफिकेशन के अंदर हम लोग सिर्फ और सिर्फ क्या करते हैं, जो क्रॉप्स होती है, जो फसल वगैरह होती है, उन बच्चों फसलों की जो न्यूट्रिशनल वैल्यू है, जो पोषक पदार्थ उसमें पाए जाते हैं, हम उनको बढ़ाते हैं, हम उनको इंक्रीज करते हैं। तो हाई प्रोटीन कंटेंट एंड क्वालिटी, तो देखो बच्चों प्रोटीन यहां पर क्या है, आप कह सकते हैं प्रोटीन एक बच्चों क्या है, पोषक पदार्थ ही है, न्यूट्रिशनल सबस्टांस ही है। तो बच्चों हम लोग यहां पे क्या करते हैं, जो प्रोटीन पदार्थ तो उनको बढ़ाते हैं, बिल्कुल सही बात है। बायो फोर्टिफिकेशन के अंदर हाई प्रोटीन कंटेंट एंड क्वालिटी हम लोग करते हैं। विटामिन ए एंड विटामिन सी रिच कंटेंट, बिल्कुल विटामिन ए और विटामिन सी ये पोषक पदार्थ है, और जैव पुष्टिकरण के अंदर बायो फोर्टिफिकेशन के अंदर हम लोग बच्चों पोषक पदार्थ को, हम लोग न्यूट्रिशनल वैल्यू को बढ़ाते हैं, इंक्रीज करते हैं। डिजीज रेजिस्टेंस, नो बच्चों डिजीज रेजिस्टेंस जो है ये प्लांट ब्रीडिंग का पार्ट है, लेकिन बायो फोर्टिफिकेशन का पार्ट नहीं है। क्योंकि प्लांट ब्रीडिंग के अंदर तो क्या होता है, पादप प्रजनन के अंदर तो क्या होता है, जो पोषक पदार्थ है वो भी बढ़ाते हैं, और जो रोगों से लड़ने की क्षमता है, जो रेजिस्टेंस है, वो भी इंक्रीज करते हैं। लेकिन बच्चों बायो फोर्टिफिकेशन के अंदर क्या होगा, बायो फोर्टिफिकेशन के अंदर हम लोग सिर्फ और सिर्फ जो न्यूट्रिशनल वैल्यू है, उस न्यूट्रिशनल वैल्यू को बच्चों हम क्या करेंगे, इंक्रीज यहां पे करेंगे। बात समझ रहे हैं मेरी, तो बिल्कुल अपन कह सकते हैं ये यहां पे रॉन्ग हो गया। इजी कल्टीवेटेड प्रॉपर्टीज, नो बायो फोर्टिफिकेशन का रिलेशन सिर्फ पोषक पदार्थों से है, जो न्यूट्रिएंट्स है उनसे है। माइक्रो न्यूट्रिएंट इनरिच कंटेंट, बिल्कुल सही है। बच्चों माइक्रो न्यूट्रिएंट का मतलब क्या है, ये आप जानते हैं, लिखा है बकायदा एनसीईआरटी के अंदर। जो एलिमेंट्स प्लांट के ड्राई वेट के अंदर 10 मिलीमोल पर केजी से लेस अमाउंट में होते हैं, उन्हें बच्चों कहते हैं माइक्रो न्यूट्रिएंट। जैसे मान लो यहां पे अपने पास में आप कह सकते हैं मैग्नीज है, है ना, मैग्नीज है, इसके अलावा बच्चों आयरन है, जिंक है, ये सब बच्चों यहां पर क्या होते हैं, माइक्रो न्यूट्रिएंट होते हैं। तो बिल्कुल अपन कह सकते हैं कि जो माइक्रो न्यूट्रिएंट है उनकी कंसंट्रेशन को भी इंक्रीज करना एक टारगेट है, एक उद्देश्य है किसका, प्लांट के अंदर बायो फोर्टिफिकेशन का। तो बच्चों बायो फोर्टिफिकेशन के अंदर एक ही बात का ध्यान रखिए, बायो फोर्टिफिकेशन के अंदर डिजीज के लिए रेजिस्टेंस क्रिएट करना ये उसका एम नहीं है, ये उसका टारगेट नहीं है, सिर्फ जो न्यूट्रिशनल वैल्यू है, जो पोषक पदार्थ की मात्रा है, उसी को बढ़ाना उसका महत्वपूर्ण टारगेट है। तो देखो बच्चों यहां पर ए न्यूट्रिशनल वैल्यू को इंक्रीज कर रहा है, बी जो है ये भी न्यूट्रिशनल वैल्यू को इंक्रीज कर रहा है, और ई जो है ये भी न्यूट्रिशनल वैल्यू को इंक्रीज कर रहा है। तो बच्चों यहां पर आंसर क्या हो गया, थर्ड ऑप्शन, ठीक है। बकायदा देखो बच्चों एनसीईआरटी बेस्ट क्वेश्चन है, मेरे ख्याल से आपने 16 आराम से कर लिया होगा। थैंक यू, आगे चलते हैं इसके बाद में। Which of the following is wrong statement? नीचे दिए गए कथनों में से कौन सा कथन गलत है? Beetle with red and black marking ladybird and dragonflies are biocontrol agent. बच्चों एक नाम यहां पर है biocontrol agent. क्या नाम है? Biocontrol agent. ये क्या है biocontrol agent? Biocontrol agent का मतलब ये है ऐसे insect, जैसे आप यू समझिए, ये मान लो बच्चों यहां पर एक प्लांट है इस तरीके से, इस प्लांट को ये कोई ए इंसेक्ट ईट कर रहा है,
ये ए इंसेक्ट जो है ये प्लांट को खा रहा है। तो बच्चों हमने यहाँ पर ये देखा कि कुछ इंसेक्ट्स वगैरह ऐसे भी होते हैं, कुछ इंसेक्ट्स वगैरह ऐसे भी होते हैं जो उन इंसेक्ट को खाते हैं जो प्लांट को खाते हैं। तो बच्चों ये यहाँ पे क्या हो गया, बायो कंट्रोल एजेंट हो गया। ये बच्चों क्या है, बायो कंट्रोल एजेंट हो गया। तो प्लांट को हार्म पहुंचाने वाले, पादप को नुकसान पहुंचाने वाले कीटों को अगर कोई कीट खा रहा है, इसका मतलब बच्चों वो पादप की देखभाल कर रहा है, इसका मतलब वो पादप के लिए बेनिफिशियल है। क्योंकि जो प्लांट को नुकसान पहुंचा रहा है, जो प्लांट को नुकसान पहुंचा रहा है इंसेक्ट, उसे कौन कंट्रोल कर लेगा, बायो कंट्रोल एजेंट। तो बिल्कुल बच्चों एनसीईआरटी लाइन है, बीटल विद रेड एंड ब्लैक मार्किंग, लेडीबर्ड एंड ड्रैगन फ्लाई आर बायो कंट्रोल एजेंट, बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। बेकुलो वायरस इंक्लूड इन जीनस न्यूक्लियो पोलीहेड्रोवायरस, बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। बेकुलो वायरस आर पैथोजन दैट अटैक ऑन इंसेक्ट एंड अदर ऑर्थोपोड्स, बिल्कुल बच्चों बेकुलो वायरस जो है वो इंसेक्ट्स पर और अदर जो ऑर्थोपोड्स है उन पर अटैक करता है, लेकिन सभी पर नहीं करता, जो इनका टारगेट है, जो स्पेसिफिक इनके लिए सेंसिटिव है उन्हीं को इन्फ्लुएंस करेगा। बेकुलो वायरस आर नॉट इंक्लूड एज बायो कंट्रोलर एजेंट, जो बेकुलो वायरस है वो बायो कंट्रोलर एजेंट में काउंट नहीं होता। क्यों नहीं होता भाई, जो अपने पास में बेकुलो वायरस है बच्चों हो सकता है इसके अंदर काउंट। तो बच्चों यहाँ पे हम कह सकते हैं इसमें रोंग स्टेटमेंट पूछा है, रोंग बच्चों यहाँ पे कौन सा हो गया, फोर्थ ऑप्शन हो गया, रोंग यहाँ पर कौन सा हो गया, फोर्थ हो गया। ठीक है, आगे चलते हैं इसके बाद में, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 168, व्हाट इज द पॉसिबली वे टू मिनिमाइज द यूज ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर एंड पेस्टिसाइड फॉर बेटर क्रॉपिंग, उन्नत फसल के लिए रासायनिक उर्वरकों तथा पीड़कों के उपयोग को कम करने के लिए कौन सा संभव रास्ता है। बच्चों इस क्वेश्चन का मतलब ये है कि ऐसे कौन से तरीके हैं, ऐसी कौन सी टेक्निक्स हैं जिससे हम लोग जो केमिकल फर्टिलाइजर है यूरिया वगैरह उनका यूज कम करें, या फिर जो पेस्टिसाइड का बच्चों स्प्रे करते हैं प्लांट्स के ऊपर, जो पेस्टिसाइड का स्प्रे करते हैं ताकि जो कीट वगैरह है, इंसेक्ट्स वगैरह है वो खत्म हो जाए। तो कहने का मतलब यहाँ पर कहीं ना कहीं ये है कि हमारी जो केमिकल्स पर डिपेंडेंसी है एग्रीकल्चर को लेकर हमारी जो केमिकल पर डिपेंडेंसी है, आप लोग केमिकल का सिक्रेशन करते हो ताकि प्लांट्स पर कोई कीट वगैरह होते हैं, कोई इंसेक्ट वगैरह होते हैं तो बच्चों वो खत्म हो जाए, हमको उस डिपेंडेंसी को कम करना है, तो उसके लिए क्या पॉसिबिलिटी होती है देखते हैं। यूज ऑफ जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप, बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। बच्चों जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप के अंदर क्या होगा, जैसे आपने बात की थी बीटी प्लांट के बारे में, बीटी प्लांट एक ऐसा प्लांट जिसके अंदर बीटी जीन है, क्राई जीन है। जैसे हम लोग बच्चों क्या करते हैं, प्लांट जो है उस प्लांट को कोई इंसेक्ट खाता है, ये मान लो बच्चों यहां पर कोई है एक प्लांट और इस प्लांट को सपोज कोई इंसेक्ट जो है वो खाता है, तो हम लोग क्या करते हैं इस प्लांट के अंदर ऐसा जीन डाल देते हैं, प्लांट की हर सेल के अंदर ऐसा जीन डाल देते हैं जो जीन ऐसी प्रोटीन का फॉर्मेशन करता है जो कि इस इंसेक्ट के लिए बच्चों क्या है, हार्मफुल है। तो अपन यहां पर कह सकते हैं ये यहां पर एक जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप हो गया, आपने बच्चों इसको जेनेटिकली मॉडिफाइड कर दिया। जेनेटिकली मॉडिफाइड का मतलब क्या है, आपने जीन्स के अंदर चेंजेस कर दिए, जीन्स में आपने परिवर्तन कर दिया, आपने ऐसा जीन डाल दिया इस पादप के अंदर जो स्पेशल टाइप की प्रोटीन बनाता है, और ये स्पेशल टाइप की प्रोटीन पॉइजनस है, और ये स्पेशल टाइप की जो प्रोटीन है वो बच्चों क्या है, पॉइजनस है। किसके लिए पॉइजनस है, इन इंसेक्ट के लिए है। ठीक है, अब देखो बच्चों ये इंसेक्ट प्लांट के पास जाता था और इसको ईट करता था, इसको खा जाता था, तो बच्चों हम लोग क्या करते स्प्रे इंसेक्टिसाइड जो है, जो पेस्टिसाइड्स है हम उनका स्प्रे करते थे। अब बच्चों क्या हुआ, इसकी हर सेल के अंदर स्पेशल जीन है जो इसके लिए पॉइजनस आप कह सकते हैं प्रोटीन का फॉर्मेशन कर रहा है। तो जैसे ही ये इंसेक्ट यहाँ पे प्लांट के पास जाएगा तो बच्चों प्लांट की हर सेल के अंदर वो पॉइजनस प्रोटीन है, वो पॉइजनस प्रोटीन है जो इस इंसेक्ट के लिए हार्मफुल है। तो फिर बच्चों ये इंसेक्ट इस प्लांट के पास जाएगा नहीं, और आपको केमिकल का स्प्रे करने की नीड ही नहीं है, आवश्यकता ही नहीं है। ऑर्गेनिक फार्मिंग,
बिल्कुल बच्चों, ऑर्गेनिक फार्मिंग के अंदर क्या होगा, जैसे हम लोग जो है केमिकल फर्टिलाइजर का यूज करते हैं, ठीक है, केमिकल्स का स्प्रे करते हैं, केमिकल जो फर्टिलाइजर है, जो रासायनिक उर्वरक है उनका उपयोग करते हैं, ताकि मृदा की जो उर्वरता होती है, जो फर्टिलिटी है वो इंक्रीज हो। अगर बच्चों आप ऑर्गेनिक फार्मिंग करते हो, खाद वगैरह डालते हो, मैन्योर डालते हो, तो फिर खाद में ऑटोमेटिक जो फर्टिलाइजर्स है वो अवेलेबल रहते हैं, ठीक है, जो सॉइल की क्वालिटी को इम्प्रूव करते हैं। तो मैं कह सकता हूँ बच्चों, यहाँ पे आपको ऑर्गेनिक फार्मिंग करोगे ना, तब भी आपको केमिकल फर्टिलाइजर की नीड नहीं होगी। समझ रहे बात को? एग्रोकेमिकल बेस्ट फार्मिंग नहीं। एग्रोकेमिकल के अंदर तो क्या होता है, आप लोग फार्मिंग के अंदर, आप लोग खेती के अंदर एग्रोकेमिकल, एग्रीकल्चर से रिलेटेड केमिकल्स का स्प्रे करते हो, तो बच्चों ये जो यहाँ पर है वो तो बेसिकली केमिकल फर्टिलाइजर को, पेस्टिसाइड को आप कह सकते हो बढ़ावा देती है, इनको ज्यादा इंक्रीज करती है। तो कह सकते हैं कि एक तो यूज ऑफ जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप, ठीक है, इसके अलावा ऑर्गेनिक फार्मिंग, ये दो ऐसी टेक्निक है जिसके अंदर हमारी जो डिपेंडेंसी होती है, हमारी जो निर्भरता होती है केमिकल फर्टिलाइजर के ऊपर एंड पेस्टिसाइड के ऊपर, ये बच्चों कम हो जाती है। ठीक है बच्चों, कोई दिक्कत नहीं इसमें, एक बार दोबारा देख लीजिए, केमिकल फर्टिलाइजर और पेस्टिसाइड को अपने को कम करना है, तो आपने यूज किया जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप का, जो बच्चों इंसेक्ट के लिए रेजिस्टेंस शो करती है, वो कीट जो है, वो इंसेक्ट जो है वो इस प्लांट के पास में आएगा नहीं, तो फिर आपको बच्चों पेस्टिसाइड की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। आपने ऑर्गेनिक फार्मिंग खाद वगैरह डाल दी है जिससे आपको केमिकल वगैरह डालने की जरूरत नहीं है। ओके, तो यहाँ पे बच्चों आंसर हो गया अपना, 1 भी सही है, 2 भी सही है, आंसर बच्चों यहाँ पे कौन सा हो गया, 4th ऑप्शन हो गया। नेक्स्ट 169, प्रोडक्शन ऑफ ब्रिवेज एंड एंटीबायोटिक्स ऑन एन इंडस्ट्रियल स्केल टेक प्लेस थ्रू पे तथा प्रतिजीविकों का औद्योगिक स्तर पर उत्पादन किया जाता है, औद्योगिक स्तर पर उत्पादन किया जाता है, टेस्ट ट्यूब के अंदर, लैबोरेटरी स्केल के अंदर, फर्मेंटर्स के अंदर, या नन ऑफ दिस। देखो होता बच्चों यहां पर ये है कि इंडस्ट्री लेवल के ऊपर अगर आपको ब्रिवरेज एंड एंटीबायोटिक का प्रोडक्शन करना है, तो उसके लिए आपको एक लार्ज कंटेनर की नीड पड़ती है। ये देखो बच्चों यहाँ पे एक बड़ा पात्र है, एक लार्ज कंटेनर है, इस इतने बड़े पात्र के अंदर एंटीबायोटिक का प्रोडक्शन होता है, जो ब्रिवेज, जो एल्कोहल वगैरह है उनका प्रोडक्शन होता है, इनका बच्चों नाम होता है फर्मेंटर। इसका जो वॉल्यूम है वो होता है 100 लीटर से, आप कह सकते हैं 1000 लीटर, 100 लीटर से 1000 लीटर बड़ा जो बच्चों यहाँ पे कंटेनर है, हम उनका यूज करते हैं इंडस्ट्री लेवल के ऊपर ब्रिवरेज का प्रोडक्शन करने के लिए, एंटीबायोटिक का प्रोडक्शन करने के लिए। तो बच्चों टेस्ट ट्यूब में नहीं होगा, इन लेबोरेटरी स्केल के तरीके से भी नहीं हो सकता, ये तो बच्चों यहाँ पे फर्मेंटर है। ठीक है बच्चों, इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में क्वेश्चन आ भी चुका है, एनसीईआरटी बेस्ड है। चलिए नेक्स्ट आगे बात करते हैं इसके बाद में, क्वेश्चन नंबर 170, ड्यूरिंग द टाइम ऑफ सेकेंड वर्ल्ड वॉर अमेरिकन सोल्जर्स आर एक्सटेंसिवली यूज्ड विच मेडिसिन फॉर वाउंड हीलिंग। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान अमेरिकी सैनिकों के द्वारा घाव भरने के लिए बड़े स्तर पर किस औषधि का उपयोग किया गया था। बच्चों सेकेंड वर्ल्ड वॉर, ये बिल्कुल अपने एनसीईआरटी में है, सेकेंड वर्ल्ड वॉर के अंदर बच्चों क्या हुआ था, उस टाइम पर सर अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने डिस्कवरी की थी एंटीबायोटिक की, पेनिसिलिन की, और पेनिसिलिन की जो डिस्कवरी हुई थी बाद में, जब सेकेंडरी जो यहाँ पर सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ था, जो द्वितीय विश्व युद्ध हुआ था, उस टाइम पर अमेरिका के जो घायल सैनिक थे, जो बच्चों यहाँ पे इंजर्ड आप कह सकते हैं सोल्जर्स थे, उनकी रिकवरी के लिए यूज किया गया था जिस मेडिसिन को, उसका नाम था पेनिसिलिन, जो कि बच्चों यहाँ पर क्या था, एंटीबायोटिक थी, स्ट्रेप्टोमाइसिन नहीं है, एपिड्रिन नहीं है, पेनिसिलिन, ये बच्चों ऐसी एंटीबायोटिक थी जिसका अमेरिकन सोल्जर्स ने यूज किया था वाउंड हीलिंग के लिए, घाव भरने के लिए। तो बच्चों आंसर यहाँ पे कौन सा हो गया, सेकंड ऑप्शन हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 171, आइडेंटिफाई द गिवन डायग्राम, दिए गए चित्र को पहचानिए, बिल्कुल पहचानते हैं। देखो ये बच्चों आपके सामने एक डायग्राम दे रखा है, ये डायग्राम किस चीज का है, ये देखो बच्चों यहाँ पर ये जो आप देख रहे हो ये एक रोड शेप बैक्टीरिया है, ये बच्चों यहाँ पर क्या है, रोड शेप बैक्टीरिया, और बच्चों बैक्टीरिया पर देखो इस तरीके से जो आप यहाँ पर देख रहे हो,
ये फ्लेजिला है। तो स्पेरिकल बैक्टीरियम शोइंग फ्लेजिला, स्पेरिकल के आने से ये ऑप्शन गलत हो गया, ये बच्चों स्पेरिकल नहीं है, ये रोड शेप है। रोड शेप बैक्टीरिया शोइंग पिली, नहीं बच्चों पिली इस तरीके से नहीं होती है, जो पिली हुआ करती है वो तो आप कह सकते हैं इस तरीके से होती है, इतनी लार्ज नहीं होती है। तो पिली के आने से स्टेटमेंट गलत हो गया। रोड शेप्ड बैक्टीरिया शोइंग फ्लेजिला, ये बच्चों बिल्कुल सही है, ये बेसिलस है, मतलब रोड शेप्ड बैक्टीरिया है जिसके अंदर बच्चों फ्लेजिला है। आपको पता है बैक्टीरिया अगर स्पेरिकल शेप में होता है दैट इज कॉल्ड कोकस, बैक्टीरिया अगर रोड शेप में है तो उसे बच्चों हम लोग कहते हैं बेसिलस, और अगर बैक्टीरिया आप कह सकते हैं बच्चों स्पाइरल शेप में है तो बच्चों उसे हम लोग बोलते हैं स्पाइरलम, अगर कोमा शेप में है उसे बच्चों कहते हैं विब्रियो। तो देखो बच्चों यहाँ पर बैक्टीरिया कैसा है आपके सामने, ये बच्चों बैक्टीरिया जो है वो रोड शेप है, इसका मतलब ये वेसिकल है, और देखो बच्चों ये जो आप यहाँ पर देख रहे हैं ये फ्लेजिला है, क्योंकि बच्चों बैक्टीरिया प्रोकैरियोटिक सेल है और प्रोकैरियोटिक सेल में सीलिया नहीं होते, सिर्फ बच्चों क्या होते हैं फ्लेजिला ही होते हैं। तो यहाँ पे आंसर हो गया तीसरा, फोर्थ है स्पेरिकल शेप बैक्टीरिया शोइंग पिली, न तो बच्चों पिली है न यहाँ पे स्पेरिकल शेप है, तो यहाँ पे रोड शेप भी सही है और फ्लेजिला भी सही है और बैक्टीरिया भी सही है। तो बच्चों यहाँ करेक्ट आंसर कौन सा हो गया, थर्ड ऑप्शन हो गया, ठीक है ओके। नेक्स्ट 172, एल ए बी स्टैंड्स फॉर, एल ए बी से तात्पर्य है लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया, लैक्टिक एसिड माइक्रोब, लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया, लैक्टो एसिडिक बैक्टीरिया। तो देखो बच्चों एल ए बी जो है इसका मतलब क्या है, लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया, ये बच्चों वो बैक्टीरिया है जो मिल्क से कर्ड का फॉर्मेशन कर देते हैं, दूध से बच्चों आप कह सकते हैं दही का निर्माण कर देते हैं, कर्डिंग के लिए ये अपने लिए रेस्पॉन्सिबल है, ठीक है तुम कह सकते हैं। बच्चों एल ए बी का मतलब क्या है, लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया है, बिल्कुल एनसीईआरटी बेस्ड है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 173, द पफ्ड अप अपीयरेंस ऑफ डग इज ड्यू टू प्रोडक्शन ऑफ, डग के फूलने के लिए उत्तरदायी गैस है। बच्चों जो दाल चावल का ढीला ढाला आटा होता है डग जिसको हम कह सकते हैं, एक्चुअली क्या होता है उस डग के अंदर माइक्रोब्स होते हैं, और उस डग के अंदर जो माइक्रोब हुआ करते हैं ये बच्चों माइक्रोब ये सूक्ष्म जीव क्या करते हैं, ये बच्चों फर्मेंटेशन करते हैं, और फर्मेंटेशन के कारण ये कौन सी गैस छोड़ते हैं, ये CO2 गैस छोड़ते हैं, और जहां जहां से बच्चों CO2 निकलती है वहां वहां पे क्या होता है होल बन जाते हैं, पोर बन जाते हैं, जहां जहां से CO2 गैस निकलती है बच्चों वहां वहां पे पोर बन जाते हैं, और अपन कह सकते हैं कि ये जो स्ट्रक्चर है वो पफ्ड हो गई, ये फूली हुई स्ट्रक्चर हो गई, समझ रहे। तो बच्चों यहाँ पे पहली बात तो बताना चाहूंगा मैं आपको कि ये जो पफ्ड अप अपीयरेंस है, हालांकि क्वेश्चन में प्रोसेस का नाम नहीं पूछा बट एग्जाम में आपसे पूछ सकते हैं, बच्चों पफ्ड अप जो अपीयरेंस है ये होता है ड्यू टू फर्मेंटेशन, ये है ड्यू टू फर्मेंटेशन, ये भी क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है, फर्मेंटेशन के कारण स्ट्रक्चर जो है वो फूली हुई दिखाई देती है, पफ्ड अप दिखाई देती है। हाँ, और ये फर्मेंटेशन में कौन सी गैस प्रोड्यूस होती है, तो बच्चों आप यहाँ पे कह सकते हैं CO2 गैस यहाँ पे प्रोड्यूस होती है, जिससे जो दाल चावल का ढीला ढाला आटा होता है जो डग होता है वो अपने को फुला हुआ दिखाई देता है। तो बच्चों आंसर यहाँ पे हो गया फोर्थ ऑप्शन। आगे देखिए 174, सेलेक्ट द इनकरेक्ट मैचिंग, गलत मिलान को चुनिए, बिल्कुल चुनेंगे साहब, डोसा एंड इडली बैक्टीरिया, टोडी सैप फ्रॉम पाम, कर्ड लैक्टोबैसिलस, स्विस चीज फंजाई। देखिए बच्चों इडली एंड डोसे के लिए जो अभी हमने बात की थी पफ्ड अप स्ट्रक्चर क्रिएट होती है वो बच्चों बिल्कुल अपन कह सकते हैं बैक्टीरिया के कारण क्रिएट होती है, बैक्टीरिया इसका रीजन है, फर्मेंटेशन प्रोसेस है, CO2 निकलने वाली गैस है, बस ये तीन क्वेश्चन बनते हैं इससे जो मैंने आपको कवर करा दिया यहां पर। टोडी बिल्कुल सैप फ्रॉम पाम प्लांट, देखो बच्चों ये बहुत प्यारी लाइन है टोडी वाली, नहीं ये इनकरेक्ट नहीं है, इसका आंसर नहीं है, ये लाइन बहुत अच्छी लगी मेरे को, क्योंकि ये लाइन जो है दो जगह आती है, एक तो आती है एप्लीकेशन ऑफ बोटनी में, एक पढ़ाते हैं हम आपको प्लांट फिजियोलॉजी वहां पर भी आती है। जैसे साउथ इंडिया के अंदर क्या होता है, एक प्लांट होता है, साउथ इंडिया जो है उस साउथ इंडिया के अंदर
एक प्लांट होता है, उस बच्चों प्लांट का नाम है पाम प्लांट, ताड़ का पादप, पाम प्लांट। इस प्लांट से हम लोग क्या करते हैं, हम लोग इस प्लांट पे कट लगा देते हैं, चीरा लगा देते हैं। प्लांट पे जब कट लगाते हैं तो बच्चों यहां से सैप रस बाहर निकलता है, फिर उस रस का हम लोग बच्चों फर्मेंटेशन कराते हैं, किण्वन कराते हैं। और जब आप उसका फर्मेंटेशन कराते हो तो बच्चों फिर उसके बाद में निर्माण किसका होता है, टोडी का। और इस टोडी को एज ए ट्रेडिशनल ड्रिंक यूज करते हैं साउथ इंडिया के अंदर। तो देखो बच्चों टोडी जो है, ये टोडी कैसे बनाते हैं, पाम के प्लांट से। लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं है कि टोडी पाम के प्लांट से डायरेक्टली बनाते हैं, नहीं, डायरेक्टली निकलती है नहीं, पाम के प्लांट से सैप निकलता है, फिर वो जो सैप है उसका हम यूज करते हैं किसके लिए, टोडी फॉर्मेशन के लिए, है ना। और ये बच्चों यहाँ पे कट लगाकर सॉल्यूशन को बाहर निकालना, दैट इज कॉल्ड ब्लीडिंग एक्सडक्शन। चलिए आगे चलते हैं। कर्ड बिल्कुल बच्चों दही के निर्माण के लिए, कर्ड के फॉर्मेशन के लिए लैक्टोबैसिलस की नीड होती है। बच्चों स्वीस चीज जो है ये प्रोपियोनी बैक्टीरियम शार्मिनाए से बनता है, जो कि एक बैक्टीरिया है नो की फंजाई है। तो बच्चों यहां पे आंसर कौन सा हो गया, फोर्थ ऑप्शन हो गया। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 175, विच इज ए कॉल्ड बीवर्स यीस्ट। कौन सा यहां पर बीवर्स यीस्ट है। बच्चों अगर बीवर्स यीस्ट की बात अपन यहां पे करना चाहे तो बीवर्स यीस्ट कौन है, ये अपने पास में है ट्राइकोडर्मा पोलिस्पोरम, मोनोस्कस परप्यूरियस, सेकेरोमाइसिस सेरेवेसी, क्लॉस्ट्रिडियम ब्रिटानिकम। तो बच्चों यीस्ट जो होता है, यीस्ट भी कौन सा यीस्ट आप कह सकते हैं, सेकेरोमाइसिस सेरेवेसी, ये बच्चों यहां पर ब्रीवर्स यीस्ट है। ये कौन है, ब्रीवर्स यीस्ट है, ठीक है। तो बच्चों आंसर यहां पे कौन सा हो गया, थर्ड ऑप्शन। देखो बच्चों मैंने दोनों क्वेश्चन आपको दिए हैं, बीवर्स यीस्ट कौन सा है और पहले पूछा था बेकर यीस्ट कौन सा है। तो कुछ बच्चे यहां पे कंफ्यूज होते हैं कि सर ये जो सेकेरोमाइसिस सेरेवेसी है ये बेकर यीस्ट है या बीवर्स यीस्ट है। बच्चों दोनों ही है। अगर इसके थ्रू फॉर्मेशन होता है एल्कोहल का, देन दैट इज कॉल्ड ब्रीवर्स यीस्ट। और अगर सेकेरोमाइसिस सेरेवेसी के थ्रू ब्रेड बनती है, दैट इज कॉल्ड बेकर्स यीस्ट। दोनों ही बच्चों यहां पे कंडीशन है, आंसर यहां पे हो गया थर्ड ऑप्शन। आगे चलते हैं इसके बाद में। नेक्स्ट 176, फ्लॉक्स आर, उर्णक है। मास ऑफ बैक्टीरिया एसोसिएटेड विद एल्गल फिलामेंट्स, जीवाणुओं का समूह शैवालीय तंतुओं के साथ संबंध नहीं, बच्चों एल्गल के साथ में नहीं, एल्गी आने से यह स्टेटमेंट रॉन्ग हो गया। मास ऑफ फंजाई एसोसिएटेड विद एल्गल फिलामेंट, नो बच्चों एल्गियां होती नहीं है। मास ऑफ बैक्टीरिया एसोसिएटेड विद फंगल फिलामेंट, बिल्कुल सही है। बच्चों फ्लोक्स में मेनली जो आप देखते हो बैक्टीरिया होते हैं, और बच्चों ये बैक्टीरिया संबंधित किससे होते हैं, जुड़े किससे होते हैं, ये आप कह सकते हैं एसोसिएट होते हैं फंगल फिलामेंट के साथ में, जो बच्चों यहाँ पे हाइफी वगैरह है उसके साथ में ये अटैच रहते हैं। मास ऑफ फंजाई एसोसिएटेड विद बैक्टीरियल फिलामेंट, नहीं बच्चों फिलामेंट जो है वो किसके आते हैं, फंगल, याद करो बच्चों फंजाई जो है वो फंजाई इस तरीके से फिलामेंट के फॉर्म में होता है, जिसे आप लोग क्या कहते हैं, हाइफा कहते हैं, हाइफी कहते हैं। ये जो बच्चों यहाँ पे फिलामेंट है, ठीक है, इसको आप माइसीलियम कहते हैं। तो मैं कह सकता हूँ कि बच्चों यहाँ पर फ्लोक्स क्या है, ये बैक्टीरिया का मास है जो फंजाई के फिलामेंट के साथ में एसोसिएट रहता है। तो बच्चों 176 में आंसर यहाँ पे कौन सा हो गया, थर्ड ऑप्शन हो गया। ये बच्चों आपके जो एनसीईआरटी के अंदर सीवेज ट्रीटमेंट है, उस सीवेज ट्रीटमेंट के अंदर जो सेकेंडरी ट्रीटमेंट है, उस सेकेंडरी ट्रीटमेंट के अंदर जो एरोबिक टैंक है, उस एरोबिक टैंक के अंदर दिया हुआ है फ्लोक्स के बारे में, कि जब बीओडी को रिड्यूस करना होता है, जब बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड को रिड्यूस करना होता है, तो बच्चों वहां पर बैक्टीरिया होते हैं, फंजाई होते हैं, जो O2 को यूज करके जो वहां पे ऑर्गेनिक सबस्टांस है, उस बच्चों ऑर्गेनिक सबस्टांस को आप कह सकते हैं रिड्यूस करते रहते हैं। तो बिल्कुल आंसर बच्चों यहां पे कौन सा हो गया, थर्ड ऑप्शन हो गया। नेक्स्ट 177, मेजर पार्ट ऑफ द ऑर्गेनिक मैटर इन इफ्लुएंट इज कंज्यूम्ड बाई माइक्रोब्स, बहिस्त्राव में कार्बनिक पदार्थ के बड़े भाग का सूक्ष्म जीवों द्वारा उपभोग किया जाता है। मेजर पार्ट ऑफ द ऑर्गेनिक मैटर, थोड़ा सा ध्यान दीजिए बच्चों, ऑर्गेनिक मैटर जो एक्सक्रीटरी सब्सटेंस है, जो मल वगैरह होता है,
उसका जो कंजप्शन है वो बच्चों होता है एनएरोबिक टैंक में नहीं होता, क्योंकि जो एनएरोबिक टैंक है, याद करो बच्चों, एरोबिक टैंक के अंदर क्या होता है, एरोबिक टैंक के अंदर जो ऑर्गेनिक सब्सटेंस है, जरा ध्यान से देखिए बच्चों, बैक्टीरिया है और कौन है बच्चों, फंजाई है। तो ये बैक्टीरिया और फंजाई ऑर्गेनिक मैटर को डिकम्पोज करते हैं, तो ऑर्गेनिक मैटर तो क्या हो गया, खत्म हो गया, लेकिन बच्चों इन बैक्टीरिया के, इन फंजाई के नंबर बहुत ज्यादा हो जाते हैं, तो इनको डाइजेस्ट करने के लिए हम कहाँ डालते हैं, फिर इनको एनएरोबिक टैंक में डालते हैं। तो एनएरोबिक टैंक में तो डाइजेशन होता है बैक्टीरिया का, फंजाई का, जबकि जो एरोबिक टैंक है बच्चों, इसमें डाइजेशन किसका होता है, ऑर्गेनिक मैटर का होता है। तो आंसर यहाँ पे क्या हो गया, एरोबिक टैंक हो गया। प्राइमरी ट्रीटमेंट जो है बच्चों, यहाँ डाइजेशन होता ही नहीं है, या माइक्रोब्स का यूज ही नहीं होता है, ठीक है। तो ध्यान दीजिए मेरी बात को, जैसे ये कंडीशन है प्यारे बच्चों, ये अपने पास में है इस तरीके से एरोबिक टैंक, और ये बच्चों यहां पर क्या है, एन एरोबिक टैंक, ठीक है। ऑर्गेनिक सब्सटेंस जो है, ऑर्गेनिक सब्सटेंस को डाइजेस्ट करेंगे बैक्टीरिया फंजाई, ये बच्चों क्या करते हैं, बैक्टीरिया फंजाई जो होते हैं ये ऑर्गेनिक सब्सटेंस को डाइजेस्ट कर देते हैं, लेकिन इसके खुद के नंबर जो है वो बहुत ज्यादा हो जाते हैं। तो बैक्टीरिया और फंजाई के खुद के नंबर को वापस रिड्यूस करने के लिए हम इन्हें कहाँ डाल देंगे, एनएरोबिक के अंदर। यहाँ बच्चों बैक्टीरिया और फंजाई जो है इनका एनएरोबिक जो माइक्रोब्स है वो डाइजेशन कर देंगे। तो याद रखना, ऑर्गेनिक सब्सटेंस का जो डाइजेशन है वो होता है एरोबिक टैंक में, और जो एरोबिक माइक्रोब है उनका बच्चों डाइजेशन कहाँ पे होता है, एनएरोबिक टैंक में होता है, समझ रहे, ये यहाँ पे कंडीशन है। तो पूछ आपको यहाँ पे ऑर्गेनिक मैटर के बारे में है, तो देखो बच्चों ऑर्गेनिक मैटर का डाइजेशन कहाँ पे होता है, एरोबिक टैंक में होता है। आंसर यहाँ पे कौन सा हो गया, सेकंड ऑप्शन हो गया। 178 व्हिच टैंक हैज इनिशियली हायर बीओडी इफ्लुएंट, कौन सा टैंक आरंभिक उच्च बीओडी बहिस्त्राव पाया जाता है। देखो बच्चों इफ्लुएंट की यहां पर बात कर रहे हैं, तो सीधी सी बात है, सबसे पहले क्या होता है प्राइमरी ट्रीटमेंट, बच्चों सबसे पहले क्या होगा, प्राइमरी ट्रीटमेंट। प्राइमरी ट्रीटमेंट करने के बाद में जो बच गया दैट इज कॉल्ड इफ्लुएंट, इसे हम लोग बच्चों क्या कहते हैं, इफ्लुएंट कहते हैं, वो है इफ्लुएंट। बात समझ रहे क्या, तो मेरे कहने का मतलब यहां पर यह है कि प्राइमरी ट्रीटमेंट के बाद में जो इफ्लुएंट होता है उस इफ्लुएंट के अंदर क्या होता है, इस इफ्लुएंट के अंदर प्राइमरी ट्रीटमेंट के अंदर जो बड़े बड़े पार्टिकल्स होते हैं, जो पार्टिकल्स वगैरह होते हैं, उन पार्टिकल्स को तो हम लोग रिमूव कर लेते हैं प्राइमरी ट्रीटमेंट के अंदर ही, लेकिन जो बच्चों एक्सक्रेटरी सब्सटेंस है, जो बच्चों मल है, जो ऑर्गेनिक सब्सटेंस है, उनको वहां से हटाने के लिए आपको सेकेंडरी ट्रीटमेंट की जरूरत पड़ती है। तो सेकेंडरी ट्रीटमेंट के अंदर इफ्लुएंट जाता है, और बच्चों इस इफ्लुएंट के अंदर क्या होते हैं, पार्टिकल्स नहीं होते, बल्कि बच्चों यहां पे ऑर्गेनिक सब्सटेंस होता है। जैसे ये इफ्लुएंट, जैसे ही ऑर्गेनिक सब्सटेंस जाता है एरोबिक टैंक के अंदर, तो बच्चों एरोबिक टैंक के अंदर ऑर्गेनिक सब्सटेंस को डालने से आप कह सकते हैं जो बीओडी की वैल्यू है वो ज्यादा हो जाती है। बीओडी का मतलब क्या है, जैसे ये मान लो बच्चों यहां पर क्या है, अपने पास में एरोबिक टैंक, एरोबिक टैंक के अंदर सपोज आपने बच्चों डाल दिया यहां पे ऑर्गेनिक सब्सटेंस, सपोज ये यहां पे ऑर्गेनिक सब्सटेंस है, ये एक्सक्रीटरी सब्सटेंस है, ऑर्गेनिक सब्सटेंस, ठीक है। अब क्या होगा, यहां पर जो बैक्टीरिया है, यहां पर जो फंजाई है, वो बच्चों क्या करते हैं, वो इन ऑर्गेनिक सब्सटेंस को डाइजेस्ट कर देते हैं, लेकिन इन ऑर्गेनिक सब्सटेंस को डाइजेस्ट करने के लिए इनको ऑक्सीजन की जरूरत होती है, और ये O2 कहां पर होती है, यहां पे सोल्यूबल होती है। तो ये बैक्टीरिया बच्चों फंजाई क्या करते हैं, ये बैक्टीरिया फंजाई यहां पर जो डिसॉल्व O2 है उसका यूज करते रहते हैं, और बच्चों इन सब को डाइजेस्ट करते रहते हैं। तो इन ऑर्गेनिक सब्सटेंस को डाइजेस्ट करने के लिए, इन ऑर्गेनिक सब्सटेंस को डाइजेस्ट करने के लिए बैक्टीरिया फंजाई को जितनी O2 की नीड है, O2 की उस वैल्यू को आप लोग क्या कहते हैं, BOD कहते हैं। तो देखो बच्चों BOD ज्यादा कब होती है, जितने ज्यादा ऑर्गेनिक सब्सटेंस है इनको
डिकम्पोज करने के लिए उतनी ही O2 की जरूरत पड़ती है। और बच्चों ई फ्लुएंट जो होता है, इस ई फ्लुएंट में क्या होता है, इस ई फ्लुएंट में हम कह सकते हैं ई फ्लुएंट में ऑर्गेनिक सबस्टांस ही है। तो विच, दोबारा देखिए बच्चों क्वेश्चन को, क्वेश्चन है विच टैंक हैज इनिशियली हायर बीओडी ई फ्लुएंट। बच्चों ई फ्लुएंट को डालने पर बीओडी की वैल्यू एकदम से बढ़ जाती है, हालांकि वो इनिशियल फेज में बढ़ी है, क्योंकि बच्चों धीरे धीरे क्या होगा, धीरे धीरे जो माइक्रोब्स है वो ऑर्गेनिक सबस्टांस को कम करते रहेंगे, डीकम्पोज करते रहेंगे, और बच्चों बीओडी की वैल्यू धीरे धीरे कम होती रहेगी। तो एरोबिक टैंक वेयर फ्लोक्स आर अलाउड टू ग्रोथ, बिल्कुल सही है। ये देखो बच्चों एरोबिक यहाँ पर टैंक है जिसमें बैक्टीरिया विद फंजाई है, जिसे आप लोग फ्लोक्स कहते हो, ये बच्चों क्या करते हैं, इनको डीकम्पोज करते हैं। सेटलिंग टैंक वेयर फ्लोक्स आर अलाउड टू सेडिमेंट, नो। एनरोबिक, नो। तो बच्चों आंसर यहाँ पे कौन सा हो गया, फर्स्ट ऑप्शन हो गया, समझ रहे, ये बच्चों अपने सामने कंडीशन है। बच्चों सेटलिंग टैंक वगैरह जो है ये आप यहाँ पे कह सकते हैं प्राइमरी ट्रीटमेंट का पार्ट मान सकते हैं आप इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 179, बायो फर्टिलाइजर इंक्लूड्स जैव उर्वरक में सम्मिलित है। तो देखो बच्चों बायो फर्टिलाइजर में क्या क्या आते हैं, एक तो आते हैं यहाँ पर बैक्टीरिया, एक बच्चों यहाँ पे आता है फंजाई, और बच्चों यहाँ पे आते हैं आप कह सकते हैं माइकोराइजा। बैक्टीरिया, फंजाई और माइकोराइजा, हालांकि जो माइकोराइजा रिलेशन है ये बच्चों फंजाई ही शो कर देता है, और एक आप यहाँ पे ले सकते हो साइनोबैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया। तो बैक्टीरिया हो गया, उसके बाद माइकोराइजा के फॉर्म में फंजाई हो गया, या ऐसे भी फंजाई हो सकता है, साइनोबैक्टीरिया भी हो गया। बैक्टीरिया ओनली नहीं, बीजीए ओनली नहीं, माइकोराइजा एंड बीजीए ओनली नो। तो बैक्टीरिया भी है, माइकोराइजा भी है, और बच्चों यहाँ पे ब्लू ग्रीन एल्गी भी है। तो बच्चों आंसर यहाँ पे हो गया फोर्थ ऑप्शन, बकायदा एनसीईआरटी के अंदर जो बच्चों अपने चैप्टर के लास्ट में दे रखा है। आगे चलते हैं डियर स्टूडेंट्स, सिम्बायोटिक नाइट्रोजन फिक्सेशन इन रूट नोड्यूल ऑफ सम लेग्यूम इज कॉज्ड बाय, कुछ लेग्यूम पादपों की मूल ग्रंथिकाओं में सहजीवी नाइट्रोजन स्थिरीकरण का कारण है, राइजोबियम, एजोटोबैक्टर, नाइट्रोबैक्टर या ऑल ऑफ दिस। बच्चों लेग्यूम प्लांट की बात करें, स्पेशल लेग्यूम प्लांट की बात करें, तो आंसर यहां पे जाएगा राइजोबियम, क्योंकि राइजोबियम क्या करता है, राइजोबियम लेग्यूम प्लांट की रूट के अंदर नाइट्रोजन का फिक्सेशन करता है। आप कह सकते हैं यहां पर ये नोड्यूल का फॉर्मेशन करता है, नाइट्रोजन का फिक्सेशन करता है, ठीक है। तो बच्चों 180 में यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या आ गया, फर्स्ट ऑप्शन आ गया। अब ये प्लांट फिजियो के अंदर भी दे रखा है, एप्लीकेशन ऑफ बॉटनी के अंदर भी दे रखा है, समझ रहे। इसके अलावा जो प्लांट डाइवर्सिटी में मोनरा में बैक्टीरिया आता है वहां भी दे रखा है। तो बच्चों इस तरीके से इसका आंसर हो गया फर्स्ट ऑप्शन। तो डियर स्टूडेंट्स, हमने क्वेश्चन नंबर 121 से क्वेश्चन नंबर 180 कंप्लीट किए हैं। ये 60 क्वेश्चन जो है हमने आपको दिए हैं इस बायो डीटीएस के अंदर। और बच्चों मेरा पूरा यहाँ प्रयास रहा है कि बच्चे जो है इस आज के वीडियो सॉल्यूशन को देखकर अपना पूरा का पूरा टॉपिक तैयार कर लें, ताकि जो एग्जाम में आने वाला क्वेश्चन है वो बच्चों इस सॉल्यूशन से बाहर नहीं जाए। इसीलिए हमने बच्चों हर क्वेश्चन को लाइन से सोल्व किया है, उसके हर एक ऑप्शन के बारे में डिस्कशन किया है, और उसके आसपास का जो मैटर है उसे कवर करने की पूरी कोशिश की है, ताकि आपका जो ये वीडियो सॉल्यूशन है आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल साबित हो, ठीक है। तो उम्मीद है आपने अच्छे से पेपर को किया होगा, अच्छे से आपने सॉल्यूशन को देखा होगा, ठीक है बच्चों, थैंक यू।